जय माता दी राइट हाई गाइस गुड इवनिंग एवरीवन क्या हाल चाल कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे सो so, मैं स्वागत करता हूं आप सबका मैराथन रिवीजन सीरीज में और आज बात करेंगे अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक मैराथन सीरीज में हम क्या क्या कर चुके हैं हमारा इंडिया वन वन सिक्स लीजेस हो चुका है मैं जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो सब मैराथन रिविजन में फापस से करवा रहा हूँ और जितने भी मिड साइज इंडेस एस हैं और स्मॉल इंडेस हैं वो सारे के सारे मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे मिशन संभव बैच में डाल के रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा

सर कब तक आज हम एफ आई कंप्लीट करेंगे मेरा टारगेट है थ्री आवर्स तीन घंटे में हम एफ आई कंप्लीट करेंगे विथ क्वेश्चन डिस्कशन विथ क्वेश्चन डिस्कशन हम तीन घंटे में एफ आई को आज कंप्लीट करेंगे ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ये नोट्स मैं रेफर कर रहा हूं ये सारे के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे पूरा कंप्लीट चार्ट बुक मैंने फ्री कर दिया है और ये पूरा का पूरा कंप्लीट चार्ट बुक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा साथ ही साथ जो क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करने वाला हूं ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम मास्टर प्रॉब्लम जो मस्ट डू क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो मैं रेफर करूंगा मस्ट डू क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम टाइम में हमें मिनिमम इतने क्वेश्चन देख के जाने चाहिए वो मैं आपके साथ रेफर करता जाऊंगा आज साथ ही साथ सारे के सारे क्वेश्चंस तो रेफर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने आपको इसमें दिए हैं 32 तो 32 32 क्वेश्चंस तो के क्वेश्चंस तो रेफर नहीं कर पाऊंगा बट मेरी कोशिश होगी कि 15-20 क्वेश्चंस मैं आपके साथ कम से कम रेफर करूं तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए नहीं तो नीचे कमेंट में बच्चे टाइम स्टेप बना देंगे कि भाई यहां से स्टार्ट हुआ है फालतू का मत सुनो शुरू का है ना चलो सब मस्त चल रहा है प्राची ओके प्रदीप ओके हाउ आर यू ये क्या नाम है यार प्रदीप योगेश श्रीम कुशल अग्रवाल ठीक है हरिहरन नीतू थॉमस ठीक है निकिता गुप्ता प्राची जैन चलिए थैंक यू सो मच गाइस रिप्लाई करने के लिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सबसे पहले सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल क्रिएट करता है और दूसरी पार्टी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फिर इक्विटी क्रिएट करता है तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल असेट क्रिएट करे और दूसरी पार्टी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फिर इक्विटी क्रिएट करे अब एक एक करके हम समझेंगे कि फाइनेंशियल असेट क्या होता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होता है इक्विटी क्या होता है हम इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन वाले पार्ट पर वैसे भी क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं फाइनेंशियल असेट में क्या क्या आता है सबसे पहले कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट ये फाइनेंशियल असेट होते हैं फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी अगर हमारे पास किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर हैं तो वो भी हमारे लिए फाइनेंशियल असेट है दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर फिर तीसरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल असेट भी हो सकते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हो सकते हैं डिपेंड करता है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल हैं कि अनफेवरेबल हैं तो यहां ऑफकोर्स अगर फेवरेबल है तो ये फाइनेंशियल असेट होंगे उसके बाद राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल असेट जैसे सिंपली डेटर्स डेटर्स में मेरा क्या होता है मेरा राइट right होता है कि मुझे डेटर से पैसा मिलेगा मेरे पास राइट टू रिसीव कैश होता है तो जितने भी डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये सब फाइनेंशियल असेट्स होती हैं अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो मेरा राइट टू रिसीव कैश है वो भी मेरा लोन स्टाफ लोन एडवांसेस ये सब मेरे फाइनेंशियल है या फिर राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल कैश के अलावा इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव ना होकर मुझे लिए फाइनेंशियल है वो फाइनेंशियल right है, है उसके बाद राइट टू एक्सचेंज एनी फाइनेंशियल फाइनेंशियल लाइबिलिटी विद अनदर पार्टी अंडर फेवरेबल टर्म्स अब मान लीजिए मेरे पास एक फाइनेंशियल है तुम्हारे पास एक फाइनेंशियल है हमने दोनों को हमने अपनी अपनी फाइनेंशियल एसेट को एक्सचेंज करने का इरादा किया और उस केस में मुझे फायदा हो रहा है तो मेरे लिए वो फाइनेंशियल एसेट हो गई मतलब मैं अपना शेयर तुम्हें दूंगा तुम अपना शेयर मुझे दोगे मार्केट में तुम्हारे शेयर की वैल्यू बढ़ गई और मुझे फायदा होगा क्योंकि तुम्हारा शेयर मुझे मिलने वाला है तो जितना भी एक्स्ट्रा मार्केट में वैल्यू बढ़ गई वो मेरे लिए एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एसेट है कॉन्ट्रैक्ट विच बी सेटल्ड इन ओन इक्विटी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको एंटिटी अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल करे पर वेरिएबल में सेटल करे वेरिएबल नंबर में सेटल करे मतलब वो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम सेटल करेंगे वेरिएबल नंबर में वेरिएबल फिक्स नंबर में नहीं कि मान लो अगर मुझे कोई लोन को सेटल करना है फ्यूचर में और मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको इतने फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दूंगा तो बात नहीं चल रही है बात चल रही है मैं वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दूंगा मतलब मैं आपको फ्यूचर में इक्विटी शेयर दूंगा पर कितने इक्विटी शेयर दूंगा मुझे नहीं पता वो फ्यूचर की मार्केट वैल्यू के हिसाब से दूंगा तो ऐसे केस में यहां पर मेरे लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट हो सकता है मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को करेंसी की तरह यूज कर रहा हूं वेरिएबल फॉर्म में तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल असेट लाइबिलिटी हो सकता है डिपेंड करता है कि उसमें मेरा फेवरेबल टर्म्स है कि अनफेवरेबल कंडीशन है अगर फेवरेबल है तो फाइनेंशियल असेट होगा फिर आते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी जस्ट जैसा हमने फाइनेंशियल पढ़ा था सब कुछ वैसा का वैसा चीजें हैं उस स्टार्टिंग का बस कैश का उल्टा कुछ नहीं होगा ठीक है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी का उल्टा कुछ नहीं होगा बाकी चारों चीजें सेम टू सेम है मतलब ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द कैश और ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द अनदर फाइनेंशियल असेट मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको Uh, मेरा कोई क्रेडिटर है मैंने आपको बोला कि मैं आपको पे करूंगा कैश में तो मेरे लिए फाइनेंशियल लाइब्रिटी है मैंने बोला कि मैं कैश में पे नहीं करूंगा मैं रिलायंस कंपनी का इक्विटी शेयर दूंगा तो भी मेरे लिए फाइनेंशियल लाइब्रिटी हुआ अगर एक्सचेंज करना है और एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास अनफेवरेबल टर्म्स है तो मेरे लिए फाइनेंशियल लाइब्रिटीटी हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अनफेवरेबल टर्म्स फाइनेंशियल लाइब्रिटीटी हुआ और वही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एंटिटी अपने खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल करे वेरिएबल नंबर में सेटल करे और अगर अनफेवरेबल टर्म्स हो तो वो फाइनेंशियल लाइब्रिटीटी हुआ अब इक्विटी क्या होता है इक्विटी मतलब क्या इक्विटी मींस रेसिडुअल इंटरेस्ट इक्विटी मतलब रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द द नेट ऑफ कंपनी मतलब अगर आज मैं अपनी कंपनी को बंद कर दूं और सभी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पूरी कंपनी के जितने भी असेट्स हैं सबको बेच के पैसा रियलाइज करूं और उसमें से मैं सारे के सारे लाइबिलिटीज को पे कर दूं तो एंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचेगा दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल इंटरेस्ट उसको कहते हैं रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी तो इक्विटी का मतलब होता है कि अंत में जो भी बचेगा वो तुम्हारा तो इसका मतलब ये हुआ कि दो लोग हैं एक है जय चावला दूसरा है दामिनी चावला जय चावला को कंपनी बोल रही कि एंड में जो भी बचेगा वो तुम्हारा तो मैं हो गया कंपनी के लिए इक्विटी पर दामिनी चावला को कंपनी बोल रही है कि हमने आपसे टेन लाख का लोन लिया था अगर हमारी कंपनी बंद भी हो गई तो हम आपको एग्जेक्ट टेन लाख रुपीज वापस करेंगे इसका मतलब दामिनी चावला कंपनी के लिए फाइनेंशियल लाइब्रेट है क्योंकि दामिनी चावला के लिए कंपनी एक्जेक्ट टेन लाख रुपीज का प्रोविजन बना के चल रही है तो उसके लिए कंपनी के लिए वो लाइब्रेट होगी अब इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी तीन टाइप के होते हैं इक्विटी में एक होता है नॉन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक होता है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन और एक होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डिबेंचर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ईसोप्स ठीक है ना शेयर वॉरेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो फ्यूचर में फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में इशू किए जाएंगे आज ही मैंने वादा किया कि मैं आपको फ्यूचर में फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दूंगा एक एक करके बात करेंगे नॉन पुटेबल मतलब ऑर्डनरी शेयर्स नॉन पुटेबल मतलब ऑर्डनरी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इनमें कोई पुट ऑप्शन नहीं है इनके अंदर कोई पुट ऑप्शन नहीं है नो पुट ऑप्शन नो पुट ऑप्शन पुट ऑप्शन मतलब मैंने ऑर्डरी शेयर होल्डर्स को कोई राइट right नहीं दिया कि फ्यूचर में तुम मेरे पास आना शेयर आके बेच देना मैं तुम्हें फिक्स अमाउंट दूंगा ऐसा कुछ नहीं है दूसरा पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स में जिसमें पुट ऑप्शन दिया गया है जिसमें होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया गया है कि तुम चाहो तो फ्यूचर में मेरे पास आना अपना शेयर वापस करना मैं तुम्हें अमाउंट पे करूंगा सर ये तो लाइब्रिटी हुई हाँ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स जनरली जनरल रूल पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जनरली फाइनेंशियल होती है क्योंकि उसके अंदर एक पुट ऑप्शन है जो कि होल्डर एक्सरसाइज कर सकता है और कंपनी को आके बोल सकता है कि लीजिए वापस ये शेयर और मुझे अमाउंट मेरा वापस करिए जो आपने अमाउंट देने का वादा किया था तो ऐसे केस में वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है बट टू सम सब्जेक्ट टू सम कंडीशन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स को हम इक्विटी कैटेगरी में डाल सकते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशन वो कंडीशन ये सामने आपके हैं हम बात करेंगे फिर तीसरा है ऐसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ई सॉफ शेयर वारंट्स, पुट ऑप्शन ऐसे ऑप्शन जिनके अगेंस्ट मैंने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल टेन लाख रुपीज का डिबेंचर है मैंने कहा है कि तीन साल बाद आपको मैं ये टेन लाख रुपीज के बदले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दूंगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्विटी मैंने आज ही आपको टाइ, आपको कमिटमेंट कर दिया तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को भी इक्विटी बोला जाता है बिकॉज कहीं कहीं ना वो लाख को पे करने के लिए मैं आज आपको कितने नंबर ऑफ शेयर दूंगा वो पहले से ही फिक्स है मतलब मेरी जेब से एक रुपया भी प्लस माइनस नहीं होगा एक शेयर भी अप एंड डाउन नहीं होगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर में पहले से ही मुझे पता है कितने दिन है तो वो भी कहीं कही ना कहीं ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी क्या है इक्विटी है तो अब आप इसको कंपेयर कंपेयर करो करो आप इस करो इस लाइन लाइन को वाली से मैं इंस्ट्रूमेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट करूंगा फिक्स नंबर में तो वो इक्विटी माना जाएगा पर अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को किसी ऑब्लिगेशन को सेटल करूंगा अपने इक्विटी के फॉर्म में पर वेरिएबल नंबर में तो वो फिर फाइनेंशियल लाइब्रिटी माना जाएगा इसका मतलब अगर कन्वर्टेबल इंटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी है तो वो इक्विट तो वो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज कन्वर्टेबल इंटू वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी तो वो इंस्ट्रूमेंट एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है आई मेरी बात समझ में की नहीं तो आज कोई डिबेंचर है कोई कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्यूचर में कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर में तो अगर वेरिएबल में कन्वर्ट होगा तो वो लाइब्रिटी है और अगर फिक्स में कन्वर्ट होगा तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है अब पुटेबल इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंशियल लाइब्रिटी बोलते हैं पर पुटेबल इंस्ट्रूमेंट को कौन से केसेस में हम इक्विटी का दर्जा देंगे तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में हम पुटेबल इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी मानते हैं जब ये सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे कंडीशन क्या है दे आर इंटाइटल फॉर द प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ लिक्विडेशन अगर मैंने उनको कहा है कि भाई तुम लोगों में पैसा दूंगा पर लिक्विडेशन के टाइम पे दूंगा उससे पहले नहीं दूंगा और उस टाइम पे भी आपको मैं प्रोराटा लोकेशन करूंगा मतलब अगर आप लोगों ने मेरी कंपनी में सपोज टेन लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं आपको टेन लाख नहीं दूंगा अंत में जितना बचेगा उसके हिसाब से आपको प्रपोर्शनेट फॉर्म में दूंगा अरे यार ऐसा तो नॉर्मल ऑर्डनरी इक्विटी वालों के साथ हो रहा है इनको भी मैंने ऐसा बोल दिया मतलब ये बस नाम के पुटेबल हैं एक्चुअली में ये ऑर्डनरी शेयर ही है दूसरा दे आर सबॉर्डिनेट टू ऑल अदर क्लास ऑफ फाइनेंशियल लाइब्रिटीज दे रैंक लास्ट फॉर द रीपेमेंट मैंने इनको बोला हाँ हा, पुटेबल हो आपको मैं कैश दूंगा पर आपका नंबर सबसे लास्ट में आएगा आपसे पहले जितने भी बाकी फाइनेंशियल लाइब्रेरीज है उनको पे करूंगा अरे यार इक्विटी का नंबर भी तो सबसे लास्ट में आता है इसका मतलब इनको बस नाम का मैंने पोर्टेबल बोला है नाम का ये पोर्टेबल है पर ये एक्चुअली फाइनेंशियल लाइब्रेरी नहीं है ये इक्विटी है ठीक है तीसरा आइडेंटिकल इन ऑल अदर क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ये आइडेंटिकल है बाकी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स से अलग है और इनका नेचर इक्विटी की तरह दिख रहा है फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड सेटलमेंट इसके अंदर मैंने इनको बोल दिया कि आपको मैं पुट ऑप्शन दे रहा हूं आप चाहो तो मेरे पास आके ये इंस्ट्रूमेंट वापस कर दो और इसके बदले में मैं आपको कैश नहीं दूंगा नहीं 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 नहीं, नहीं मैं आपको कोई दूसरे इक्विटी शेयर दूंगा और फिक्स फॉर फिक्स मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि मैं आपको कितने इक्विटी शेयर दूंगा ये तो वही हो गया फिक्स सेटलमेंट तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको मुने, मैंने पुट ऑप्शन तो दिया है पर मैं उनको सेटल इक्विटी शेयर के फॉर्म में करूंगा फिक्स नंबर में करूंगा कैश में नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इक्विटी की कैटेगरी में ही आ जाएंगे और लास्ट दे आर एलिजिबल फॉर द रिटर्न ओनली इन केस ऑफ अर्निंग नो फिक्स रिटर्न इनका कोई फिक्स रिटर्न नहीं होने वाला भाई फाइनेंशियल लाइबिलिटी का फिक्स रिटर्न होता है इनको मैंने फिक्स रिटर्न देने का वादा नहीं किया है इसका मतलब अगर ये पांच कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो मैं इनको पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स को इक्विटी का दर्जा दूंगा आई मत समझ में कि नहीं बेटा क्लियर हुआ कि नहीं चलो ऑब्वियसली इतना समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच अभय थैंक यू सो मच चलिए तो आपको पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों देखो मैं आपका ना कमेंट्स जो है वो लिमिटेड देखूंगा बीच बीच में नहीं तो क्या होता है ना डिस्टर्बेंस होता है तो आप बिल्कुल खुल के कमेंट करो कोई दिक्कत नहीं है आप बिल्कुल करो आपको बीच में मुझे कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो मैं आपको आपका कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा पर मैं बार बार आपके कमेंट्स देखूंगा नहीं पर मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको ना मुझे भी मोटिवेट करना है बीच बीच में आप ना कुछ ना कुछ बोलते जाओ ताकि मुझे रियलाइज हो कि हाँ यार तुम लोग सुन रहे हो तुम लोग हो कुछ भी बस हाँ सर समझ आया ओके सर यस सर तुम अगर तुम्हें कुछ खुद को लग रहा है कि हाँ तुम्हें भी इसके बारे में कुछ पता है तो हल्का फुल्का उसके बारे में वर्डिंग लिख दो ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चे हैं मतलब जिंदा सामने लोग बैठे हैं और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ चलो आगे बढ़ते हैं तो ये तो हो गई सारी की सारी डेफिनेशन अब बात करते हैं रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट पर फाइनेंशियल असेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी के रिकॉग्निशन मेजरमेंट पर उसके लिए पहले हमने पढ़ना है कि फाइनेंशियल असट्स के क्लासिफिकेशन क्या है देखो फाइनेंशियल असेट्स बहुत टाइप की होती हैं फाइनेंशियल असेट्स आपकी डेटर्स होते हैं ट्रेड रिसेबल होते हैं इक्विटी शेयर्स होते हैं फाइनेंशियल असेट्स फाइनेंशियल असेट्स आपके स्टाफ लोन होते हैं बहुत सारे होते हैं अब हर प्रकार की फाइनेंशियल असेट्स के लिए एक ही जैसा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है बिकॉज नेचर ऑफ फाइनेंशियल असेट्स अलग अलग होती हैं इसीलिए फाइनेंशियल फाइनेंशियलियट्स का कैटेगरी बनाया गया उसके तीन कैटेगरी बनाए गए पहला कैटेगरी अमोटाइज कॉस्ट दूसरा कैटेगरी एफ तीसरा कैटेगरी एफ एफ वी टी पी एल आई बात समझ में नहीं अभी कौन सी फाइनेंशियल असेट किस कैटेगरी में जाएगी तो आपको एक एक करके देखना है कि कौ... इनकी कंडीशन क्या क्या है अमोटाइज कॉस्ट कैटेगरी की फाइनेंशियल क्या होती है कौन सी असेट को हम एमसी अमोटाइज कॉस्ट कैटेगरी में डालेंगे कौन सी में डालेंगे एनी फाइनेंशियल शेल बी अंडर ए एमसी कैटेगरी इफ मीट इफ इट मीट्स बोथ द कंडीशन कौन सी बोथ कंडीशन होल्ड टू कलेक्ट द बिजनेस मॉडल टेस्ट मतलब आपके पास कोई भी फाइनेंशियल असेट है अगर आपको पता है कि आप इसको होल्ड करके बैठे हो एंड तक कलेक्ट करने के लिए एंड तक आप इसको एंड तक नहीं छोड़ोगे जितनी भी इसकी लाइफ है तब तक आप इसको होल्ड करके बैठे हो इससे कैश फ्लोस कलेक्ट करने के लिए होल्ड मतलब एंड तक होल्ड करके रखोगे क्यों ताकि आप कलेक्ट कर सको क्या सीसीएफ कैश सीसीएफ कैश कैशलोसलोस आपको पूरी लाइफ टाइम में जितने भी कैश आपको बोले गए आप सारे के सारे के कलेक्ट करने का इंटेंशन है आपका मतलब आप इसको मेच्योरिटी तक लेके जाओगे ये पहली कंडीशन है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और आपका इंटेंशन उसमें क्लियर है कि आप उसको मेच्योरिटी तक होल्ड करोगे ताकि आप सारे के सारे कॉन्ट्रेक्चुअल फ्लोस कलेक्ट कर सको तो वो ए कैटेगरी में आ सकती है पॉइंट नंबर वन दूसरा कैश में प्रिंसिपल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होना चाहिए द ऑफ एंड सोनलीस्ट एस टेस्ट मतलब जिन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की बात चल रही है मतलब जो भी आपको कैश फ्लो के फॉर्म में रियलाइज होने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअली उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए उसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट होना चाहिए अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट है तो इसका मतलब वो एक एमसी कैटेगरी में आएगी वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है आपका इंटेंशन है एंड तक होल्ड करने का ताकि आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पूरा पूरा कलेक्ट कर सको तो ऐसी कैटेगरी को कहा जाएगा एएमसी कैटेगरी आई मेरी बात समझ में तो इन सिंपल वर्ड्स हम इसमें हम इसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं एक तो होल टू मेच्योरिटी होना चाहिए इसमें आपकी इनकम आप सिर्फ इंटरेस्ट ही कमा सकते हो और किसी प्रकार की इनकम आप इसमें अर्न नहीं कर सकते हो तीसरा आपको जो रिपेमेंट रिपेमेंट मिलेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का वो पहले से ही स्पेसिफाइड डेट्स का फिक्स रहेगा कि आपको कब कब कितना कितना मिलेगा और आपका होल टू मेच्योरिटी है तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो उस कैटेगरी को कहा जाएगा अमोटाइज कॉस्ट जैसे लोन्स एंड एडवांसेस जैसे डेटर्स ये सब दूसरी कैटेगरी होती है एफवीटी ओसीआई कैटेगरी एफवीटी ओसीआई कैटेगरी किसी भी फाइनेंशियल असेट को एफपीटी ओसीआई कैटेगरी में कब कैटेगराइज करोगे जब वो दो कंडीशंस फुलफिल करे अब आपकी इसकी दो की दो कंडीशंस को देखोगे तो आपको इसकी दो कंडीशंस के जैसी लगभग लगभग रहेंगी बस यहां पर है होल्ड टू कलेक्ट यहां पर है होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल मतलब जहां यहां पर मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कट था था कि मैं तो अंत तक ये इंस्ट्रूमेंट होल्ड करके रखूंगा ताकि मैं सारे के सारे फ्लोस कलेक्ट कर सकूं यहां पर मेरा इंटेंशन क्लियर कट फिक्स नहीं है कि मैं एंड तक कलेक्ट करूंगा एंड तक होल्ड करूंगा ही करूंगा मुझे नहीं पता शायद मैं एंड तक होल्ड कर भी सकता हूं या फिर अगर मुझे बीच में अपॉर्चुनिटी मिल गई मार्केट में कि यार मैं इसको बेच के ज्यादा पैसा कमा सकता हूं तो शायद मैं इसको बेच भी डालू मतलब मैं क्लियर नहीं हूं मुझे नहीं पता कि मैं इसको एंड तक कलेक्ट होल्ड कर पाऊंगा कि नहीं शायद कर भी पाऊंगा शायद मुझे बीच में अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं इसको बेचूंगा या मुझे पहले दिन से क्लियर है कि नहीं 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 मैं तो बेचूंगा बीच में बस मुझे तो बेचना ही है मैंने तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है दो चार साल के लिए बाद में मुझे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पड़ेगा तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया है है तो होल्ड होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल मतलब यहां पर कोई इंटेंशन नहीं पीरियड तक करने का यहां पर मैं सेल करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न कमा कमा सकता हूं इसका मतलब यहां देखो यहां मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था यहां पर मुझे सिर्फ इंटरेस्ट इनकम कमानी है और यहां मेरे को एक्स्ट्रा इनकम कमाने का चुल है चुल आई बात समझ में दूसरा एसपीपीआई सेम पर ये जो टेस्ट है वो इसके जैसा ही है मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको फिक्स अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट होगा ये आपको क्लियर है फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट होगा तो नो होल्ड टू मेच्योरिटी इंटरेस्ट इनकम भी अदर इनकम भी और प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट्स पर आपको मिलेगा ये आपको क्लियर कट है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आपके कहां आएंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आपको आएंगे एफवीटीओसीआई के अंदर अब आता है आपका तीसरा कैटेगरी ऐसी फाइनेंशियल असेट्स जो स्टार्टिंग की दो कैटेगरी में नहीं आ सकती वो आ जाएगी आपकी थर्ड कैटेगरी में उसको बोलेंगे एफवीटीपीएल क्या बोलेंगे उसको एफवीटीपीएल फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस इसको बोलते हैं रेसिडुअल कैटेगरी जिसका कोई नहीं उसका एफपी मतलब जिसका जो अमोटाइज में नहीं आया जो एफ पीट में, नहीं नहीं, में आएगा मोस्टली इस कैटेगरी में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपके पास किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है या अगर आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहे हो और फेवरेबल कंडीशन में हो तो आप उनको एफपी कैटेगरी में डालते हो जनरली एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी जहां पर कैश फ्लो हैज रिजर्व आता है hedging आता है वहां एक अलग बात है तो ये ये जो एफ कैटेगरी होती है ये मोस्टली इसको क्या बोला जाता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग जहां आप पहली वाली कैटेगरी को बोल रहे थे हेल्ड फॉर से हेल्ड फॉर हेल्ड टू मेच्योरिटी ये है आपका हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इसको रेसिडुअल कैटेगरी कहा जाता है आया समझ में तो ये हो गई आपकी फाइनेंशियल असेट की कैटेगरी आई मेरी बात समझ में कि नहीं बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल लाइब्रेट जैसे फाइनेंशियल फाइनेशियल की तीन कटेगरीज होती है तो फाइनेंशियल लाइब्रेड की दो कैटेगरी होती है नाम वही है एक है आपका अमोटाइज कॉस्ट कैटेगरी और दूसरा है आपका एफ बी टी पी एल कैटेगरी फाइनेंशियल लाइब्रेट में एफ बी टी ओसीआई कैटेगरी नहीं होती ए एम सी कैटेगरी मतलब एक तरीके से वही आपका जहां पर होल्ड टू कलेक्ट है मतलब आप अंत तक मेच्योरिटी पीरियड तक उस फाइनेंशियल लाइब्रेटी को होल्ड करके बैठे हो ताकि आप सारे के सारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस पे कर सको ठीक है सर हो सकता है मैं बीच में ही रिपे कर दू पूरा तो तो भी आप उसको ही बोलोगे मतलब यह यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि मान लो मेरा दस साल का लोन है और मान लो मैंने आठ साल में ही इंटेंशन है मेरा उसको खत्म करने का तो सर वो एफ पी टी कैटेगरी हो जाएगी यहाँ पर उस टाइप उस टाइप की कंडीशन यहां पर नहीं है यहां पर आपका टेन इयर्स का लोन आपका टेन इयर्स में ही रिपे करने का इंटेंशन हो चाहे हो,

मुझे रीपे करना है कैश के फॉर्म में यह पता है पर कुछ अमाउंट कैश के फॉर्म में रीपे करना ही करना है पर कुछ अमाउंट के लिए मुझे कैश के फॉर्म में रीपे नहीं भी करना है मतलब कुछ अमाउंट मेरा रीपे कैश के फॉर्म में होगा तो कुछ नॉन कैश के फॉर्म में होगा मतलब कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में होगा तो ऐसे केस में वो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड लाइब्रेटी होता है नॉन कंपाउंड मतलब प्योर फाइनेंशियल लाइब्रेटी पूरा का पूरा मुझे कैश में रीपे करना पड़ेगा उसको बोलते हैं नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट हम अकाउंटिंग अभी आके देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में तीसरा सर फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी हो गई सर फाइनेंशियल लाइब्रेटी की कैटेगरी हो गई सर इक्विटी का क्या इक्विटी डजेंट हैव एनी क्लास

चलेंगे अपन अकाउंटिंग पर इनिशियल रिकॉग्निशन इनिशियल अपन सबसे पहले करेंगे फाइनेंशियल फाइनेंशियल का असेट्स को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं जहां तक बात करें एमसी कैटेगरी की तो एएमसी कैटेगरी में आपके आते हैं स्टाफ लोन्स स्टाफ लोन्स मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करवा रहा हूं दूसरा आपको आएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पे किया हुआ है टेन ईयर्स के लिए फाइव ईयर्स के लिए तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आपको वापस आएगा पैसा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आ गए स्टाफ लोन आ गए ये सारे के सारे जो कैटेगरी के असेट्स होते हैं वो ए कैटेगरी में जाएगा इसके अलावा आपके डेटर्स जितने भी डेटर्स हैं बिल्स रिसीवेबल्स हैं ये सारे के सारे आपके ए कैटेगरी में जाते हैं AMC कैटेगरी वाली जितनी भी असेट्स होती हैं आप इनको फेयर वैल्यू पे बुक करते हो और फेयर वैल्यू कैसे निकालते हो फेयर वैल्यू आप निकालते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मतलब जैसे मैंने स्टाफ लोन दिया तो स्टाफ लोन मुझे रीपे किया जाएगा फाइव इयर्स में तो विद इन फाइव इयर्स में मुझे कितना कितना पेमेंट मिलेगा कॉन्ट्रेक्चुअली मैंने क्या क्या बोला है मुझे क्या क्या मिलेगा उसको बोलेंगे सीसीए तो जो जो मुझे इन्फ्लो होने वाला है उन सब का प्रेजेंट वैल्यू में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दो होते हैं एक होता है कॉन्ट्रैक्ट रेट एक होता है कॉन्ट्रैक्ट रेट जिसको आप कूपन रेट बोलते हो कूपन भी होता है इसको कूपन रेट एक होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कॉन्ट्रैक्ट रेट को हम सीसीएफ में लेके आते कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट रेटेड तो 10 के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा पर मेरा कॉन्ट्रेट रेट है 12%, तो मैं 12 के से करूंगा ठीक है ना तो मेरे दो रेट होते हैं तो अकाउंटिंग हमेशा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है अच्छा एमसी कैटेगरी में अगर हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होने वाली है हम कोई भी इनिशियल कॉस्ट बियर कर रहे हैं वो हम असेट की कॉस्ट में ही एडलेस करते हैं अब एडलेस करे करेंगे सीधी सी बात है। आज अगर मैं एक खड़ा कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा असेट के अंदर हमेशा इनिशियल टाइम पर आपकी जेब में से पैसा आउटफ्लो होता है इन्वेस्ट होता है तो आपका ये आउटफ्लो गया ऊपर से आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी अपनी जेब से आउटफ्लो किया तो असेट का आउटफ्लो और ट्रांजेक्शन कॉस्ट का भी आउटलो आउटफ्लो आउटलो भाई भाई तो ऐसे केस में आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट को प्लस कर दोगे बट मान लीजिए आप एक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आपने इन्वेस्ट किया पर उसके लिए सामने वाले से आपको कुछ अमाउंट इंसेंटिव मिला तो वो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नेगेटिव हो जाएगी मतलब आपके लिए इनकम हो जाएगी तो आप उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देते हो आई मेरी बात समझ में कि नहीं तो आपको आउटफ्लो 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 इनफ्लो ऐसे करके देखना है

यहाँ पर फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कोटेड मार्केट प्राइस मतलब लिस्टेड अगर शेयर है तो लिस्टेड प्राइस का शेयर लिस्टेड कंपनी का शेयर का प्राइस या कोटेड प्राइस दूसरा होता है एफईटीपीएल एफ के अंदर आप असेट को रिकॉग्नाइज करते हो फेयर वैल्यू पे मैंने फिर से बोला अगर डे वन पे जो भी आपका कॉस्ट है वही आपका फेयर वैल्यू होता है पर मान लो एक्सेप्शनल सिचुएशन में डे वन पे आपका जो कॉस्ट है हंड्रेड रुपीज है पर फेयर वैल्यू है वन हंड्रेड एंड फाइव तो आप असेट को रिकॉर्ड करोगे वन हंड्रेड एंड फाइव पे आउटलो आपका हंड्रेड का हुआ फाइव रुपीज का आपका डे वन का गेन बुक हो गया और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप एफी पी एल कैटेगरी में पी एंडल में लेके जाते हो ये एक एक्सेप्शन है तो कुल मिला के ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप अबोटाइज कैटेगरी में और एफी कैटेगरी में asset की कॉस्ट में ही एडजस्ट करते हो जबकि एफीपीएल में आप asset की कॉस्ट में एडजस्ट ना करके पी एंडल में लेके जाते हो आई मेरी बात समझ में कि नहीं तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल असेट का इनिशियल रिकॉग्निशन जिसमें आपका जो पहला वाला फाइनेंशियल असेट है उसका इनिशियल रिकॉग्निशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसी होगा ये दो बाकी दोनों फेयर वैल्यू पे होंगे बोलो बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं यस लोन टू सब्सिडरी करेक्ट इसमें एक लोन टू सब्सिडरी भी आ गया वेरी गुड बेटा लोन टू सब्सिडरी तो लोन टू सब्सिडरी भी एक तरीके से लोन है तो फाइनेंशियल असेट हो गया वो भी आपका एएमसी कैटेगरी में ही आएगा बहुत बढ़िया भाई किसने बोला प्रदीप ने बोला बहुत बढ़िया दूसरा आते हैं आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटी का एक काम करते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी को पहले मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूं बट बाद में मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ढंग से बताऊंगा तो मजा आएगा आपको फाइनेंशियल लाइबिलिटी में एएमसी कैटेगरी में जैसा मैंने आपको बोला कंपाउंड और नॉन कंपाउंड पहले अपन नॉन कंपाउंड की बात करते हैं जो कि एक

लाइबिलिटी का इनफ्लो और ट्रांजेक्शन कॉस्ट का आउटफ्लो नेट हो जाएगा पर यहीं पर मैं इनफ्लो लाइबिलिटी भी ले रहा हूं और मुझे कुछ इंसेंटिव भी मिल रहा है तो प्लस हो जाएगा बेटा सिंपल है तो इसको आप बुक करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसीएफ सीसीएफ मतलब

रीपेमेंट करो और क्वार्टरली इंटरेस्ट निकालो उसमें ना बच्चे क्योंकि उसमें डे वाइज कैलकुलेशन होता है तो वो भी मैंने अपने दो हिस्से करते हैं उसके दो हिस्से करते हैं उस पूरे कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी हमें प्रोसीड आता है प्रोसीड प्रोसीड मतलब जितना भी पैसा लाइब्रेटी है ना बेटा लाइब्रेट मतलब इनिशियली इनफ्लो आएगा तो जो भी मुझे इनफ्लो आया मैं उसके दो पार्ट्स करूंगा

जितने भी मेरे मिनिमम सीसीएफ हैं, उन मिनिमम सीसीएफ का मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और वो मेरी बन जाएगी फाइनेंशियल लाइब्रिटी प्रोसीड्स में से मैं फाइनेंशियल लाइब्रिटी माइनस करूंगा तो माफी बचेगा मेरा इक्विटी सीसीएफ मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज़, आई मेरी बात समझ में FTPL, हम इसको फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं डेरिवेटिव ओनली हम इसको कोटेड मार्केट प्राइस आज जो फेयर वैल्यू है जिसमें हमारा सेटलमेंट होने वाला है हम उसको उस पर रिकॉर्ड करते हैं मतलब बेसिकली यहां पर फेयर वैल्यू मतलब सेटलमेंट वैल्यू मैं कितने में सेटलमेंट करूंगा शीट डेट पर मैं उसको कितने में सेटल करूंगा आई बात समझ में उसके बाद उसके बाद इक्विटी के केस में इक्विटी हमेशा रेसिडल वैल्यू पर कैलकुलेट होता है और इक्विटी के केस में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है उसको भी अपन इक्विटी के अंदर चार्ज करते हैं तो अब आप ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्राइटेरिया देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने फाइनेंशियल असेट में एफपीटीपीएल में पीएंटल में डाला बाकी एएमसी एफईटीओसीआई में असेट की कॉस्ट में एडजस्ट किया फाइनेंशियल लाइब्रेट की बात करें तो आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल लाइब्रेटी चाहे कंपाउंड हो चाहे नॉन कंपाउंड हो जितना भी फाइनेंशियल लाइब्रीटरी पोर्शन है ट्रांजेंशन कॉस्ट उसमें एडजस्ट हो जाएगी और इक्विटी के, के केस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका इक्विटी में चली जाएगी अब आपको मैं एक ऐसा भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है और वहां ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो रही है तो ट्रांजेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं उसको भी बांटा जाएगा फाइनेंशियल लाइब्रिटी के लिए और इक्विटी के लिए ठीक है तो यहां पर हम वो बात करेंगे गाइज यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया कि नहीं ये था इनिशियल रिकॉग्निशन फाइनेंशियल एसेट का फाइनेंशियल लाइब्रिटी का और इक्विटी का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डिस्कस करेंगे डोंट वरी सबसिक्वेंट मेजरमेंट डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डिस्कस करने से पहले हम ना अब जितना भी हमने पोर्शन डिस्कस किया है हम उसके ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन करने से ना थोड़ा सा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हम कर क्या रहे हैं exactly. हम कर क्या रहे हैं उस पर हमारा कॉन्फिडेंस आएगा तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं येस वेरी गुड प्रदीप मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का ठीक है ना ये मैं आपको बताता हूं 136 मैं आपसे बात कर रहा हूं सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइनेंशियल असेट मतलब कहीं ना कहीं एएमसी कैटेगरी अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व है बेटा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है अब हमने क्या किया हमने फर्स्ट अप्रैल फोर्टीन को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिफंड आएगा थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन को मतलब फाइव इयर्स के बाद लीज हमने कोई असेट लीज पर ली होगी इसीलिए हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है ठीक है उसके बाद डिस्काउंटिंग रेट ट्वेल्व परसेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने कितना दिया है ट्वेंटी लाख रुपीज का अब आपको इसमें क्या करना है आपको बेटा यही देखना है कि इसमें आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या है, है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एएमसी आपको क्या है? इसमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है क्या तो ध्यान से सोचिए आपको इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कितने होंगे बेसिकली वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर फाइव ईयर पहले साल आपको कुछ नहीं मिलेगा सेकंड ईयर कुछ नहीं मिलेगा थर्ड ईयर कुछ नहीं मिलेगा फोर्थ ईयर कुछ नहीं मिलेगा फिफ्थ ईयर में आपको आपके ट्वेंटी लाख ,00 रुपीज वापस मिल जाएंगे सर आपको कुछ नहीं कुछ नहीं क्यों मिलेगा बिकॉज पूरे क्वेश्चन के अंदर आप देखो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको नहीं बताया गया आपको यह बोला गया है कि जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो बेसिकली एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है क्योंकि मार्केट का रेट तो 12 परसेंट है पर जो डिपॉजिट आपने किया है वो एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है अगर यहां पर कोई इंटरेस्ट होता दो परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट तो वो आपके सीसीएफ में इंटरेस्ट इनकम में आ जाता अब आप क्या करोगे अब आप इन सबका प्रेजेंट वैल्यू करोगे लॉजिकली आप ट्वेंटी लैख का ही प्रेजेंट वैल्यू करोगे जिसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दे रखा है फिफ्थ ईयर का पॉइंट तो ट्वेंटी लैख मल्टीप्लाई बाय दिस विल भी आज की फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट मतलब आज मैं अपनी फाइनेंशियल असेट जो मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा ट्वेंटी लैख मल्टीपाइर पॉइंट जो कि कितनी आ जो आ आ, कहा, कहा, कहा वैल्यू आ रही है जो कि वैल्यू आ रही है कहाँ कहां कहाँ गया वैल्यू आ रही है इलेवन लैख थर्टी फोर थाउजेंड पर सर हमने पे तो ट्वेंटी लैख किया है तो ट्वेंटी लैख पे करके मुझे पता है कि मुझे रिकवरी प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में सिर्फ इलेवन थर्टी फोर की होगी इसका मतलब बाकी का मेरा नुकसान हो गया उस नुकसान को मैं पांच साल में क्योंकि मेरा लोन पीरियड फाइव ईयर्स है मेरा लीज पीरियड फाइव ईयर्स है उस नुकसान को मैं फाइव ईयर्स में प्रीपेड लीज रेंट मान के टेफर एनोटाइज करूंगा एस एल एम बेसिस पर अगर मेरे पास कोई दूसरा बेसिस दूसरा सिस्टमेटिक बेसिस अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको प्रीपेड लीज रेंट मान के मैं बोलूंगा कि एक तरीके से मैंने जो असेट लीज पर लिया है और जो मैं हर साल लीज रेंट पे करूंगा उसके अलावा मैं एक तरीके से एक ये 865 भी एक तरीके से लीज ही पे कर रहा हूं लीज रेंट पे कर रहा हूं एडवांस में जिसको मैं फाइव इयर्स में अमोटाइज करूंगा आया मेरी बात समझ में तो मैंने अपना सिक्योर डिपॉजिट फाइनेंशियल असेट बुक किया इलेवेन पर प्रीपेड लीज एक्सपेंस मैंने बुक किया और बैंक से मेरा पैसा गया अब इलेवन के ऊपर मेरा हर साल मैं अपना इनकम बुक करूंगा नोशनल इनकम मुझे लॉजिकली कोई इनकम हो नहीं रहा है पर मैं अपना नोशनल इनकम बुक करूंगा ट्वेल्व परसेंट पर ताकि हर साल ट्वेल्व परसेंट पर इनकम बुक करते करते इसकी वैल्यू फिफ्थ ईयर के एंड में ट्वेंटी लैक हो जाए तो नोशनल इनकम में जब बुक करूंगा ट्वेल्व पर तो देखो इलेवन के ऊपर पहले साल ट्वेल्व लगाया फिर कंबाइंड अमाउंट पर फिर से ट्वेल्व परसेंट लगाया तो ये मेरा फाइनेंस इनकम आ गया ये एक तरीके से मेरा नोशन इनकम है और इस नोशनल इनकम को मैं पी एंड एल में लेके जाऊंगा और मेरी टोटल मिला के एंड में वैल्यू हो गई ट्वेंटी लाख रुपीज जहां तक बात थी एट सिक्सटी फाइव की वो मेरा प्रीपेड लीज था मेरे पास अगर कोई दूसरा सिस्टमेटिक बेसिस नहीं है तो मैं इसको फाइव ईय में डेफर नोटाइज करूंगा तो इसको मैं 865 को फाइव ईयर्स में डिफरेंट अमोटाइज करेंगे देखिए अमोटाइज ऑन एस एल गाइस अंडरस्टूड और नॉट तो एस बेसिस पर मैंने एस एल एम बेसिस पर मैंने लीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड लीज एक्सपेंस हो गया और इधर मैंने जब इनकम बुक किया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट क्योंकि इनकम बुक करूंगा तो अटेट की वैल्यू बढ़ेगी और इंटरेस्ट इनकम जाएगा पी एनडल में आया समझ में कि नहीं तो इस तरीके से हम एंट्रीज पास करते हैं गाइस इसको क्या कहते हैं इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल या इसको कहते हैं इंटरेस्ट शेड्यूल इस तरीके से हम इसको अमोर्टाइजेशन टेबल या इंटरेस्ट शेड्यूल बोलते हैं वेरी गुड प्राची बहुत बढ़िया आई मेरी बात समझ में कि नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका एक तरीके से फाइनेंशियल असेट का कैसे रिकॉग्निशन हुआ सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ यहीं पर अगर हम स्टाफ एडवांस की बात करें आइए ये भी आपका एक फाइनेंशियल असेट कैटेगरी ही है स्टाफ एडवांस तो स्टाफ एडवांस में क्या बोल रहा है हमने एंटिटी ने फर्स्ट अप्रैल को इंटरेस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन फर्स्ट अप्रैल को इंटरेस्ट फ्री लोन फाइव लाख रुपीज दिया एम्प्लॉय को फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स इसमें डीटी नहीं आएगा बेटा डेफर्ड टैक्स तब आएगा जब टैक्स का रेट दिया हो अगर टैक्स का रेट नहीं दिया है तो हमें डेफर टैक्स नहीं निकालना है हाँ डेफिनेटली डेफर टैक्स आना चाहिए क्योंकि जो कैरिंग जो टैक्स बेस होगा वो ट्वेंटी लाख होगा और जो हमारा कैरिंग अमाउंट है वो इलेवन होगा तो डेफिनेटली डेफर टैक्सेस निकलेगा बट टैक्स का टैक्स का रेट दिया होगा तो स्टाफ लोन दिया फाइव लाख रुपीज का इंटरेस्ट फ्री बेटा ध्यान से देखो इंटरेस्ट फ्री मतलब यहां पर भी एवरी ईयर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है सीसीएफ मेरा हर साल का जीरो जीरो है बस लास्ट में मुझे फाइव लाख रुपीज वापस मिल जाएगा तो थ्री इयर्स के लिए हमने दिया मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव परसेंट है मतलब यही हमारा हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मैं फाइव परसेंट के हिसाब से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है फाइव लैक का तो आज मैं इसको रिकॉग्नाइज करूंगा प्रेजेंट वैल्यू पर तो फाइव लैख का प्रेजेंट वैल्यू यहां पर मुझे अगर कोई रेट नहीं दिया हुआ तो इमीजिएटली अगर निकालेंगे तो फाइव लैक डिवाइड बाई वन पॉइंट जीरो फाइव वन टू थ्री हम बुक करेंगे फोर लैख थर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी मतलब जो कि उन्होंने लगभग लगभग फोर लैख थर्टी टू थाउजेंड में बुक किया है पर आज आपने लोन कितना पे किया फाइव लैख आप बुक कितना कर रहे हो फोर लैख थर्टी टू थाउजेंड और फाइव लाख पे कर रहे हो तो जो आपका सिक्सटी एट थाउजेंड हो गया उसको आप एक तरीके से प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट मानोगे जैसे आपने ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट में प्रीपेड लीज एक्सपेंस माना यहाँ पर आप इम्प्लॉय कॉस्ट मानोगे प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट और इस एम्प्लॉय कॉस्ट को अगर आपके पास दूसरा कोई और बेसिस नहीं है तो आप इसको डेफर एंड करोगे ओवर द लाइफ ऑफ द लोन मतलब थ्री ईयर्स में अब आप इस 432 के फाइनेंशियल असेट के लिए इंटरेस्ट अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे 432 के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है नोशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और कैश फ्लो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस तरीके से आपने प्लान कर दिया कि आपको कैसे कैसे पैसा मिलेगा आपका हर साल का इनकम कितना कितना होगा फिर आगे वो बोल रहा है आगे वो बोल रहा है ऑन थर्टी मार्च टू मतलब दो साल बाद 31st March 2013, दो साल बाद मतलब वो modification कर रहा है मैं मॉडिफिकेशन के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूं यहां पर भी बता देता हूं तो स्टाफ लोन में वो क्या कर रहा है वो मॉडिफिकेशन कर रहा है सेकेंड ईयर के बाद वो बोल रहा है स्टाफ आपका कि भाई अब बस जो एक साल बचा है मैं आपको एक साल में पे नहीं कर पाऊंगा लोन को फर्दर एक्सटेंड कर दो इंटरेस्ट फ्री लोन को फर्दर थ्री इयर्स के लिए मतलब सेकंड ईयर के एंड में बोल रहा है कि मुझे तीन साल का टाइम चाहिए एक साल में मैं पे नहीं कर पाऊंगा और वही इंटरेस्ट फ्री तो अब वापस से हमें रिकेलकुलेट करना पड़ेगा हमें रिवाइज फाइनेंशियल एसेट निकालना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ता है मॉडिफिकेशन के अंदर कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना होता है रिवाइज अमाउंट से कैरिंग अमाउंट सेकेंड ईयर के एंड में आपका होगा फोर लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड टू एटी

एक्सपेक्टेड uh, वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे अब मुझे सिर्फ 250 मिलेगा तो 250 का प्रेजेंट वैल्यू 5 परसेंट पर मुझे कोई नया डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया अगर इस क्वेश्चन में मुझे नया डिस्काउंटिंग रेट दिया होता तो मैं नया डिस्काउंटिंग रेट लेता पर मैं मेरे पास नहीं दिया तो फाइव परसेंट को कंसिडर करते ही टू का थ्री ईयर्स के बेसिस पर प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा जो कि आएगा एक, दो तीन या आएगा टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड नाइन अप्रोक्सीमेटली टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड आप, दे, आप देखिए कितना आ रहा है अमाउंट आपका फोर सेवेंटी सिक्स है बिल्कुल ठीक एक सेकेंड टू फिफ्टी है ना डिवाइड बाई वन पॉइंट जीरो फाइव एक दो तीन बोलो बेटा कितना है यहां पर और कुछ है क्या नहीं दिया हुआ ओके तो यहां पर हमने रिवाइज्ड वैल्यू निकाली रिवाइज्ड वैल्यू के हिसाब से

मुझे टू लैक फाइव थाउजेंड सेवन फिफ्टी पे लेके आना है मतलब मुझे लोन को कम करना है मुझे फाइनेंशियल एसेट को गिराना है मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको बुक करूंगा मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करके इंपेयरमेंट लॉस बोलूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे रिकवरी अब एक्सपेक्टेड है कि कम होगी तो मेरे लिए इंपेयरमेंट लॉस होगा थोड़ी देर रुक जाइए इंपेयरमेंट लॉस के बारे में भी मैं बात करूंगा डिटेल में तो मेरे लिए इंपेयरमेंट लॉस होगा मैं इस इंपेयरमेंट लॉस को बुक करूंगा अब मेरा रिवाइज लोन का वैल्यू हो गया टू लैख फाइव थाउजेंड और एवरी ईयर टू लैख फाइव थाउजेंड के कंटिन्यूशन में वापस से इंटरेस्ट अमाउंट टेबल बनेगा और मेरा इंटरेस्ट इनकम निकाला जाएगा ये हो गया आपका एक तरीके से स्टाफ एडवांस तो जो अभी हम पढ़ रहे थे उसको हमने देखा यहां वही लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट जब फाइनेंशियल एसेट का आप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब बैलेंस शीट डेट पर आप उसको क्या करते हो तो बैलेंस शीट डेट पर आप फाइनेंशियल एसेट के ऊपर रेगुलर इनकम बुक करते हो पी एंडल में और ये रेगुलर इनकम आप निकालते हो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये रेगुलर इनकम आप निकालते हो अमोटाइजेशन टेबल बना के क्या बना के अमोटाइजेशन टेबल बना के या इंटरेस्ट टेबल बना के जैसा कि हमने अभी देखा ये जो हमने टेबल बनाया ये जो हमने टेबल बनाया ठीक है ना आप इस से बुक करते हो और अगर बाद में अगर आप कोई रीमेजरमेंट कर रहे हो देखो मैंने अभी अभी आपको बताया स्टाफ लोन आपने यहां पर रीमेजरमेंट किया रीमेजरमेंट किया आपने आपने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 137 137 में तो 137 में तो जब रीमेजरमेंट किया तो आपने पी एंडल में डाल दिया ठीक है आई मेरी बात समझ में कि नहीं यहीं पर अगर आपका एफ पी ओसीआई वाली फाइनेंशियल असेट है तो आप उसके ऊपर जो भी आपको रेगुलर इनकम मिल रही है मतलब जो भी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपको इनकम अलोकेट हो रही है वो पी एंडल में जाएगी पर बैलेंस शीट डेट पर जब आप उसको वापस से रिवैल्यू करोगे फेयर वैल्यू करोगे तो जो भी गेन और लॉस होगा क्योंकि ये कैटेगरी एफ टी ओसीआई है तो गेन और लॉस को आप ओसीआई में ले जाओगे टेम्पररी आप ओसीआई में ले जाओगे इस गेन और लॉस को आप कहा ले जाओगे ओसीआई में टेम्पररी टेम्पररी जनरल रूल इज टेम्पररी जनरल रूल इज टेम्पररी आप उसको ओसीआई में ले गए फिर ये ओसीआई वापस एंड एल में रिक्लासीफाई हो सकता है अगर ये जो फाइनेंशियल असेट है वो सेल हो जाएगी जब ये फाइनेंशियल असेट खत्म हो जाएगी तो जितना भी गेन लॉस आपने ओसीए में बुक किया था उसको आप रिसाइकिल करके एल में लेके जाओगे आप उसको रीक्लासीफाई करके एल में लेके जाओगे अब इसका एक एक्सेप्शन है इसका एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है कि आपने गेन लॉस को ओसीआई में तो डाल दिया गेन लॉस को आपने ओसीआई में डाल दिया पर ओसीआई में डालने के बाद वो ओसीआई का गेन लॉस रिक्लासिफाई होकर पेंडल में नहीं जाएगा इवन दो ये असेट आपकी सेल हो गई है ऐसा क्यों वो एक्सेप्शन ये इसीलिए है कि अगर आपने अपने किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी आपकी फाइनेंशियल असेट होती है अगर वो आपका नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग था तो आपको एक चॉइस होती है कि आप उसको एफ में ना डाल के आप उसको एफ ओसीआई में क्लासिफाई कर सकते हो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि एफ एक रेसिडल कैटेगरी होती है और उसमें जनरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसको एफ कैटेगरी में ले जाते हो पर आपके पास एक चॉइस है अगर आप उस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में रेगुलर ट्रेड नहीं कर रहे हो वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है तो आपको एक चॉइस है आप उसको एफ पीटी ओसीआई में भी कैटेगराइज कर सकते हो पर अगर आप उसमें कैटेगराइज करोगे तो जो भी गेन लॉस आप हर साल ओ में डाल रहे हो आप उसको रीक्लासिफाई करके पीएडल में नहीं लेके जाओगे इवन दो वो आपकी एसेट खत्म हो जाएगी तो भी आपकी एसेट डिस्पोज हो जाएगी तो भी ये एक एक्सेप्शन है लास्ट में एफपीटीपीएल कैटेगरी एफपी कैटेगरी मतलब ऐसी एसेट जिसको आपने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस किया है हर साल की रेगुलर इनकम पीएनडल में जाएगी अब आप ध्यान से देखिए चाहे एएमसी कैटेगरी हो चाहे ओसीआई कैटेगरी हो चाहे पीएल कैटेगरी हो रेगुलर इनकम हमेशा पीएंडल में जा रही है इवन बहुत सारे बच्चे शायद थोड़ा उलझते हैं इवन जो एफपी टी ओसीआई कैटेगरी होती है उसकी भी रेगुलर इनकम आपकी पीएनडल में ही जाती है अब आते हैं उसका रीमेजरमेंट गेन और लॉस कहां जाएगा पीएनएल में जाएगा क्योंकि एफईटीपीएल कैटेगरी है इसका कोई लेना देना आपके ओसीआई कैटेगरी से नहीं है आई मेरी बात समझ में कि नहीं बोलो बेटा आई मेरी बात समझ में कि नहीं क्लियर हुआ इतना फिर उसके बाद अभी जस्ट हमने स्टाफ एडवांस वाला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 137 स्टाफ एडवांस आपका फाइनेंशियल असेट होता है हाँ होता है फाइनेंशियल एसेट होता है आप उसको ए में बुक करते हो हाँ बुक करते हो स्टाफ एडवांस आपने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हाँ दिया या फिर कंसेशनल रेट पर लोन दिया हाँ दिया तो ऐसे केस में क्या हो गया स्टाफ एडवांस को आप कैसे बुक करते हो स्टाफ एडवांस आप रिक्नाइज करते हो रिक्नाइज करते हो CCF के बेसिस पर जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर में बताया कि आपको ईयर वन टू थ्री में कितना कितना अमाउंट होने वाला है उन सबका प्रेजेंट वैल्यू विल बी द स्टाफ एडवांस का इनिशियल वैल्यू ठीक है ना मान लीजिए स्टाफ एडवांस आपने फाइव लाख रुपीज दिया पर प्रेजेंट वैल्यू आपका फोर लाख है तो आपने जो भी एक्स्ट्रा वन लाख दिया वो एक्स्ट्रा वन लाख आपका एम्प्लॉय कॉस्ट होता है और आप उस एम्प्लॉय कॉस्ट को सेपरेटली डेबिट करते हो और वो एम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है आप उसको आइदर राइट ऑफ करते हो इमीडिएटली पी एंड एल में अगर आपको पता रहता है कि फ्यूचर में आपको कोई फर्दर बेनिफिट नहीं होने वाले या फिर आप उसको पीरियड ऑफ लोन में अमोटाइज करते हो पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड पीरियड में आप उसको अमोटाइज करते हो आ, आ, या तो एस बेसिस पे या तो फिर जिस तरीके से आपको बेनिफिट मिलने वाले सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया कि हम हमें इससे फ्यूचर में इंप्लॉयज से बेनिफिट होंगे कि नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे हम अज्यूम करेंगे कि फ्यूचर में हमें इंप्लॉयज से बेनिफिट होंगे तभी हमने उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है और इसलिए हम उसको एस बेसिस पर अमोटाइज करेंगे अगर कोई और बेसिस नहीं दिया हो गया होगा तो आई बात समझ में कि नहीं आई मेरी बात समझ में कि नहीं बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज स्पैमिंग मत करिए प्लीज 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 स्पैमिंग मत करिए मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि बच्चों को ये इतने सारे मैसेजेस लिखने का टाइम कैसे मिल जाता है चलो आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया आपका स्टाफ एडवांस गाइज इतना समझ में आया कि नहीं चलिए तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका स्टाफ एडवांस वाला इंपैक्ट ठीक है अभी हम फाइनेंशियल लाइब्रेटी कंपाउंड नॉन कंपाउंड सब पे चलेंगे डोंट वरी हम फाइनेंशियल लाइब्रेटी कंपाउंड नॉन कंपाउंड पे चलेंगे ठीक है उसके बाद आता है आपका वेट मिनट उसके बाद आता है आपका येस yes, आता है आपका फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमिटमेंट्स यहां पर क्या होता है अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बिहाव पर बैंक को गारंटी दे रही है क्योंकि बैंक होल्ड सब्सिडी कंपनी को लोन दे रही है इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रही है तो लोन के लिए वो होल्डिंग कंपनी की या रिलेटेड पार्टी की गारंटी मांग रही है और अगर गारंटी मिल जाएगी तो उनको इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा और अगर गारंटी नहीं मिलेगी तो उनको मेन uh, uh, कोई इंटरेस्ट में डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो ऐसे केस में जो होल्डिंग कंपनी है जो गारंटी दे रही है सब्सिडी के बेहाफ पर बैंक को होल्डिंग कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी चाहिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए जो ये फाइनेंशियल गारंटी होल्डिंग कंपनी दे रही है उसका क्या इंपैक्ट आएगा मतलब गारंटर उसका क्या करेगा यहां पर दो बातें हो सकती हैं कि गारंटी हमने फ्री में दिया या फिर गारंटी हमने एट एट अ अ चार्जेबल रेट पर दिया मतलब गारंटी में दे रहा हूं उसके बदले में चार्ज कर रहा हूं सब्सिडी से तो मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट और सब्सिडी करेगी टू बैंक अकाउंट पर अगर मान लीजिए मैं सब्सिडी के बिहार पर गारंटी दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में तो मैं डेबिट क्या करूंगा क्योंकि मेरा तो कहीं ना कहीं नुकसान है ना क्योंकि मैं आज एक लाइब्रेरी क्रिएट करूंगा मैं फाइनेंशियल लाइब्रेरी क्रिएट करूंगा क्योंकि मैं जो गारंटी दे रहा हूं कल को अगर मुझे रीपे करना हुआ तो उसकी मैं आज फाइनेंशियल लाइब्रेरी क्रिएट करूंगा और डेबिट करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर मैं गारंटी फ्री में दे रहा हूं और अगर गारंटी के बदले में चार्ज कर रहा हूं तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये गारंटी वगैरह का कैसे फंडा होगा आइए हम उसका क्वेश्चन करते हैं आइए हम उसका क्वेश्चन करते हैं ये रहा फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रेक्ट तो फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ऑफ लोन हमने कितना दिया फिफ्टी लाख रुपीज का नाइन परसेंट विध गारंटी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 अगर गारंटी ना दिया जाए तो टर्म कितना है फोर ईयर अब यहां पर प्रिंसिपल रिपेमेंट फोर्थ ईयर में होगा गारंटियर ,00 ,00 है सबसे पहले गारंटर को अपनी बुक्स में लाइब्रेरी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी लाइब्रेरी कितनी री वो बोलेगा कि अगर मैं गारंटी नहीं देता तो इंटरेस्ट कितना होता है ट्वेल्व और गारंटी देने से इंटरेस्ट कितना हो रहा है नाइन तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो डिफरेंस अमाउंट मेरी गारंटी की वजह से मुझे उसको उसको बेनिफिट मिल रहा है इसका मतलब कल को अगर उसने कोई ब्रेक कर दी कंडीशंस तो मुझे इतना मेरी लाइब्रेटी आ जाएगी ये जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस अमाउंट है ये हो जाएगी मेरी लाइब्रेटी तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट अमाउंट आपका सिक्स ट्वेल्व परसेंट माइनस नाइन परसेंट मतलब थ्री परसेंट फाइव लाख रुपीज का फिफ्टी लाख रुपीज का थ्री परसेंट फिफ्टी लाख रुपीज का थ्री परसेंट हर साल का फिफ्टी वन फिफ्टी वन इतने का मैं गारंटी दे रहा हूं सामने वाले को कि भाई अगर उसने कोई कंडीशन ब्रेक की तो मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अमाउंट अमाउंट इतना आपको रीपे करूंगा तो इन सब का क्या क्या हुआ कहीं ना कहीं ये सीसीएफ है ये सीसीएफ आउटफ्लो है मैं इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 12 परसेंट पर और जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा दैट दैट इज इज 455 और ये मेरे लिए माना जाएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी अब ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी गारंटर अपनी बुक्स में क्या कैसे क्रिएट uh, करेगा इसको वो क्रेडिट करेगा फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी क्रेडिट करेगा डेबिट क्या करेगा अगर मैं कुछ चार्ज कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट चार्ज कर रहा हूं और बाकी का मैं डिफरेंस अमाउंट कहां ले जाऊंगा अगर मैं एक होल्डिंग कंपनी हूं तो होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट में बुक करेगी और अगर मैं कोई होल्डिंग कंपनी नहीं हूं मैं रिलेटेड पार्टी के अगेंस्ट उस रिलेटेड पार्टी के बिहाफ पर उसको गारंटी दे रहा हूं तो मैं पी एंडल में चार्ज करूंगा ठीक तो है तो अगर गारंटर एक होल्डिंग कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट नहीं तो पी एंडल अकाउंट डेबिट इतना समझ में आया कि नहीं अब ये जो फाइनेंशियल गारंटी लाइब्रिटी है इसका भी हर साल का अमोटाइजेशन होगा ठीक है ना ये भी एक तरीके से ए कैटेगरी में आ गई और हम इसके ऊपर नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट बुक करेंगे एवरी ईयर तो ध्यान से देखिए एक तरीके से मैंने फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी अकाउंट बनाया है आपके सामने और हमने इनिशियली उसको फोर फिफ्टी फाइव पर रिकॉर्ड कर लिया अब इसके ऊपर नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे बारह के हिसाब से तो वो आ गया फोर के ऊपर ट्वेल्व के हिसाब से फिफ्टी अगर ईयर वन के एंड में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब पहला वाला वन फिफ्टी अब मुझे पे करने की जरूरत नहीं है टेंशन खत्म अगर ईयर वन के एंड में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ मतलब मुझे 150 पे करने की जरूरत ही नहीं है तो मैं अपनी लाइब्रेरी को वन फिफ्टी से खत्म कर दूंगा और लाइब्रेड को गिराऊंगा बिना पे किए हुए तो ऑफकोर्स मैं पीएनएल में गिराऊंगा ऑफकोर्स मैं उसको पीएनएल में गिराऊंगा मुझे तो फायदा हो गया ना तो इसका मतलब यहां से मैं नोशनल गेन बुक कर रहा हूं यहां से मैं सॉरी यहां पे मैं नोशनल एक्सपेंस बुक कर रहा हूं इनिशियल रिकॉग्निशन में भी मैंने एक तरीके से पी एंडल बुक किया था एक्सपेंस अब वो एक्सपेंस मेरा कहीं ना कहीं रिवर्सल होके इनकम के फॉर्म में सेट ऑफ हो जाएगा यहां मैं इनकम बुक कर रहा हूं 150 150 करके आई मेरी बात समझ में फिर बैलेंस शीट डेट पर वैल्यू हो जाएगी थ्री अब मान लो बैलेंस शीट डेट पर ज अ फाइव परसेंट प्रॉबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पहले से ही डेट पर आपको बताया जाएगा कि आगे चल के फ्यूचर में प्रॉबिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितनी है तो फाइव परसेंट प्रॉबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है जिसका मैं बोलूंगा कि अगर डिफॉल्ट होगा तो आ, मेरे ऊपर लाइब्रेटी आएगी पर उसकी मैक्सिमम प्रॉबीबिलिटी कितनी फाइव परसेंट तो एक्सपेक्टेड लाइब्रेटी हो जाएगी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी लैख का फाइव परसेंट तो मैं बोलूँगा यार टू लैख फिफ्टी थाउजेंड मतलब आज मेरी लाइब्रेटी की बुक वैल्यू वैसे ही ज्यादा है और अगर डिफॉल्ट हो भी गया तो ये मुझे सिर्फ 250 ही रिपे करना पड़ेगा जबकि आज मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैसे ही ज्यादा लाइब्रेरी दिखा रहा हूं कोई बात नहीं मुझे रीमेजर करने की जरूरत नहीं है पर अगर मान लो यहां 250 के बजाय 4 लाख ,00 रुपीज होता मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के यहां पर फोर लेख ,00 होता और बुक वैल्यू मेरी थ्री है तो मैं अपनी लाइब्रेरी को आज रीमेजर करता और मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस चार्ज करता आई मेरी बात समझ में लाइब्रिटी नीड नॉट भी रीमेजर्ड एज इट इज ऑलरेडी बीन शोन एट हायर अमाउंट विच इज मोर देन द एक्सपेक्टेड लॉस तो हमने क्या पढ़ा बेसिकली गैरेंटर क्या करता है गैरेंटर जो डेबिट इफेक्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा अगर गैरेंटर इनवेस्टमेंट uh, अगर गारेंटर बेसिकली uh, कुछ चार्ज कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा इन्वेस्टर uh, नहीं है मतलब होल्डिंग कंपनी नहीं है तो वो पी एंडल अकाउंट को डेबिट करेगा क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट वो फाइनेंशियल लाइब्रेटी करेगा फाइनेंशियल लाइब्रिटी का इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगा फेयर वैल्यू पे होगा कैसे निकाला फेयर वैल्यू इज इक् क्वल टू द प्रजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिक्वायर्ड अंडर लोन एंड द नेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज रिक्वर्य विदाउट गारंटी मतलब कैफ्लोस विद गारंटी गारंटी का जो भी डिफरेंस आ रहा है उन सबका प्रजेंट वैल्यू पर हमने इनिशियल रिकॉर्ड किया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते वक्त हम क्या करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते वक्त हम मेक श्योर sure करेंगे कि हमारी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी शुड बी हायर ऑफ हायर ऑफ कितना लॉस अलाउंस लॉस अलाउंस मतलब एक्सपेक्टेड लॉस ऑन डिफॉल्ट वही जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पीओडी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पीओडी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और जो भी हमारा बुक वैल्यू आ रहा है कैरिंग अमाउंट आ रहा है एवर इज हायर पर हम अपने डिफरेंस हम अपना लाइब्रेरी दिखाएंगे अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो पी एंडल में चार्ज कर देंगे यहां तक समझ में आया कि नहीं बोलो बेटा ये फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं ठीक है वेरी गुड निकितास डू क्वेश्चन की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है और इस वीडियो के कमेंट में भी पिन किया हुआ है उस उसको क्लिक करो वो गूगल ड्राइव लिंक है उसको क्लिक करो उसके अंदर जाओगे पहला पहला ही फोल्डर है मैराथन रिवीजन नोट्स उसके अंदर आपको मस्ट डू क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा पार्ट वन पार्ट टू चलिए फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आया कि नहीं वेरी गुड बहुत बढ़िया जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जब loan, company, company को देगी तो किस फॉर्म में देगी या तो सीधा सीधा लोन दे दिया या तो सब्सिडी कंपनी पेरेंट कंपनी को डिबेंचर इशू करेगी तो वो भी तो एक तरीके से लोन हो गया कि सब्सिडी ने डिबेंचर इशू किया और पेरेंट कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो भी लोन हो गया या फिर सब्सिडी कंपनी प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू करेगी होल्डिंग कंपनी uh, को तो वो भी एक तरीके से लोन हो गया कोई बात नहीं सब चीजें एक जैसी होती है तो यहां पर पेरेंट की बुक्स में क्या होगा सब्सिडी की बुक्स में क्या होगा हम इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी पढ़ेंगे पहले अपन यहां देख लेते हैं अगर कंसेशनल रेट पर लोन दिया गया है और फिक्सड टर्म के लिए दिया गया है किसके लिए दिया गया है फिक्स टर्म

एवरी ईयर मैं इनकम बुक करूंगा इनकम निकालूंगा इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से और जैसे जैसे मुझे रीपेमेंट होता जाएगा मेरी अट की वैल्यू कम होती जाएगी बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सबसिडी अब यहां पर क्या होगा मान लीजिए मैंने लोन दिया टेन लाख रुपीज का पर यहां पर जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है एट लाख रुपीज तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा टू लाख ये जैसे हमने स्टाफ एडवांस में इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किया था वैसे यहां पर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ना करके होल्डिंग कंपनी इस टू लाख रुपीज को इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी में बुक कर देगी आई मेरी बात समझ में सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी सेम लाइब्रेड बुक करेगी कॉन्ट्रेक्ल कैश फ्लो के प्रेजेंट वैल्यू पर लाइब्रेड मतलब बुक किया उसने बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा वो उसको अदर इक्विटी में लेके जाएगी टू लाख रुपीज को आया समझ में जब पेरेंट कंपनी कंसोलिडेशन करेगी तो जितना भी लोन पार्ट रिकॉर्ड हुआ है एज ए सेट और एज ए लाइब्रेडी वो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा अब

चलिए इसके बेसिस पर अपन एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कुछ उसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वेट अ मिनट। यस ये वाला लोन बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी चलिए वन फिफ्टी टू क्या करेंगे इसका केके लिमिटेड हैज ग्रांटेड एंड इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ रुपीज टेन लैक टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडी वाई के लिमिटेड देर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट अटैच टू दैड लोन कंपनी हैज नॉट फाइनालाइज एनी टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग द अपलीकेबल इंटरेस्ट रेट्स कोई इंटरेस्ट रेट का कंडीशन नहीं है पहला अलग अलग सिचुएशन है अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या होगा पहला लोन गिवन बाय के के टू इट्स होली ओन सब्सिडी वाई के इज अ इंटरेस्ट फ्री लोन एंड सच लोन इज रीपेबल ऑन डिमांड बेटा जब भी लोन रीपेबल ऑन डिमांड होगा हम ये वाली अकाउंटिंग नहीं करेंगे बिकॉज फिक्स्ड टर्म नहीं है मैंने आपको यहां बताया था कि फ़िक्स्ड टर्म होना चाहिए इसका मतलब अगर रीपेबल ऑन डिमांड है तो रीपेबल ऑन डिमांड के केस में दोनों कंपनीज अपनी अपनी बुक्स में सेम अमाउंट पे टेन लाख ,00 रुपीज़ को ही फेयर वैल्यू मानते हुए अपने अपने बुक्स में

द सैड लोन इज इंटरेस्ट फ्री एंड विल बी रीपेल आफ्टर थ्री ईयर मतलब फिक्स टर्म हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांटिंग लोन द करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट मतलब इफेक्टिव रेट आ गया कंसडिंग द सेम द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन इनिशियल रिकॉन्नीशन इज एट लाख टेन थाउजेंड वन फिफ्टी तो हम लोन को आज बुक करेंगे होल्डिंग कंपनी के बुक्स में फाइनेशियल असट क्रिएट करेंगे एट लाख टेन थाउजेंड वन फिफ्टी उसको टेन लैख में से माइनस करेंगे तो बाकी का अमाउंट चला जाएगा इवेस्टमेंट की कॉस्ट में और

सैड लोन इज इंटरेस्ट फ्री एंड विल बी रीपेड एज एंड के लोन अब यह वाला पॉइंट बहुत ही डिप्लोमेटिक पॉइंट है जब सब्सिडरी कंपनी के पास फंड होंगे तब वो रीपे करेगी बेटा इसमें आपको याद दिलाना चाहूंगा एक पॉइंट आपका आता है नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरन ऑपरेशन इंडिया ट्वेंटी वन में दूसरा आता है नेट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ठीक है ना मैंनेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी बताया था पिछले वाले मैराथन में मतलब अगर मान लो होल्डिंग अपनी सब डी को लोन दे रहा है और वो एक तरीके से लोन एक तरीके से कभी रीपे होने के चांसेस दिख नहीं रहे मान लो रीपे होने के चांसेस कभी दिख नहीं रहे और ना ही वो कभी डिमांड करेगा तो ऐसे केस में उस लोन को एज गुड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट करार दिया जाता है और उस लोन को होल्डिंग कंपनी अपनी बुक्स में इक्विटी इन्वेस्टमेंट दिखाएगी पर अगर मान लो ये फिक्स है कि रीपेमेंट होगा ही होगा जब भी उसके पास फंड्स आएंगे तो फिर हम उसको नेट इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे हम उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में नहीं करेंगे आई बात समझ में में कि नहीं नहीं फिर यहां पर ऐसे केस मान लो नेट इन्वेस्टमेंट है वो तो रीपे होकर रहेगा पर कब होगा ये नहीं पता तो यहां पर आप अगर आप आंसर पढ़ोगे तो आंसर में यही लिखा है कि भाई यहां पर दोनों कंपनीज को आइडेंटिफाई uh, करना पड़ेगा कि हमें हमारा पैसा कब मिलेगा कब देना पड़ेगा लोन इज रिपेबल वेन द फंडबल कैन नॉट बी स्टेडेज द लोन रिपेबल ऑन डिमांड इसको डिमांड नहीं बोल सकते कंपनी नीड्स टू एस्टिमेट द डेट यहां री एस्टिमेट करके अकॉर्डिंगली वो अपनी बुक्स में करंट असेट करंट लाइब्रेरी या नॉन करंट असेट नॉन करंट लाइब्रेरी दिखाएंगी ठीक है ना एस्टिमेट करने के बेसिस पर फोर्थ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है द कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू ग्रांट इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम वाई के लिमिटेड टू के के लिमिटेड कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू ग्रांट इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम वाई के अब उल्टा हो गया लोन बाय सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी उल्टा अगर हो गया अगर सब्सिडरी कंपनी से हमें लोन मिल रहा है सब्सिडी कंपनी से हमें लोन मिल रहा है इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन मिल रहा है होल्डिंग कंपनी को इन द सब्सिक्वेंट ईयर व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे केस में बेसिकली डिविडेंड इनकम को बुक किया जाएगा होल्डिंग कंपनी बोलेगी भाई मुझे तो फायदा हो गया तो एक तरीके से मुझे डिविडेंट इनकम मानी जाएगी और सब्सिडी उसको डिविडें डिस्ट्रीब्यूशन करेगी आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या दिखाया है इनकेस ऑफ सब्सिडी वाई के इस प्लानिंग टू ग्रांट इंटरेस्ट फ्री लोन टू के इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ वो होल्डिंग कंपनी को दे रही है देन द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन माय वही मतलब फिक्स्ड टर्म है मतलब ये पूरा चेंज कर दो अब सब्सिडियरी आपको लोन दे रही है तो लोन आप पैरेंट ले रहे हो जो भी डिफरेंस अमाउंट आपको इनकम फायदा हो रहा है वो आप डिविडेंड इनकम मानोगे और आपको जो नुकसान हो रहा है वो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मानोगे तो शुड बी ट्रीटेड एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय वाई के एंड डिविडेंड इनकम बाय के के आई मेरी बात समझ में तो डिविडेंड इनकम और एक्सपेंस माना जाएगा गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था आपको समझ में आ गया होगा आई होप तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया सेवेंथ नंबर ठीक है क्लियर हुआ कि नहीं चलिए बताइए नेक्स्ट हम बात करेंगे अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट अंडर द कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर फाइनेंशियल एसेट के अंदर एमसी कैटेगरी के लिए होती है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप फाइनेंशियल एसेट की कॉस्ट में एडलेस करते हो एफपीटीओसीआई टी आई में एडजस्ट करते हो पर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में आप एडलेस ना करके पे एंड में डालते हो वैसे ही फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कॉस्ट को फाइनेंशियल लायबिलिटी में एडलेस करते हो एडजस्ट करते, करते हो पर इक्विटी के, के केस में आप उसको इक्विटी में लेके जाते हो तो यहां पर एक मान लीजिए आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका कुछ पोर्शन फाइनेंशियल लायबिलिटी है और कुछ पोर्शन आपका इक्विटी है तो ऐसे केस में आप अपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या करोगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप अलग करोगे फाइनेंशियल की इनिशियल वैल्यू इनिशियल रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू और इक्विटी का वैल्यू के प्रोपोर्शन में उनकी जो इनिशियल वैल्यू है उनके प्रोपोर्शन में आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट को अलोकेट करोगे ये मैं आपको क्वेश्चन अभी करवाऊंगा और ये क्वेश्चन करवाने के लिए मैं आपको पहले कुछ और नॉन कंपाउंड वाले क्वेश्चन करवाऊंगा आइए कंपाउंड नॉन कंपाउंड वाले में आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आइए ये, ये देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन इिमिटेड इशूज वन करोड़ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जब तक मैंडेटरी कन्वर्टेबल कंपल्सरी कन्वर्टेबल ना लिखाओ हमेशा मान के चलोगे कि ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल है हैव है लाइफ ऑफ एट इयर्स फेस वैल्यू ऑफ टेन दे ऑफर इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर एट सिक्स परसेंट ये तो कूपन रेट हो गया मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल रेट हो गया बॉन्ड्स आर इशूड एट ईयर फेस ईच बॉन्ड कैन बी कन्वर्ट इन टू वन ऑर्डनरी शेयर्स in a limited at any time in the next 8 years companies of the similar risk profile have the have recently issued debt instrument with the similar terms without any option for conversion at 8% मतलब ये कि यहां पर अ uh, contractual rate 6% है पर जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 8% का है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा आपका 8% का है यहां पर identify the present value of the bond अब आपको यहां पर इनिशियल रिकॉग्निशन करना है और बाद में आपको बोल रहा है ट दीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस आगे आपको क्या बोल रहा है प्रोवाइड द अकाउंटिंग एंट्रीज इफ द होल्डर ऑफ द ऑप्शन इलेक्ट टू कन्वर्ट द ऑप्शन टू ऑर्डनरी शेयर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर थर्ड ईयर में हमने कन्वर्जन करवा लिया तो उसका भी क्या होगा सबसे पहले तो इनिशियल रिकॉग्निशन आपको प्रोसीड्स कितना आया वन करोड़ के कितने करोगे हिस्से दो हिस्से पहला हिस्सा फाइनेंशियल फाइनेंशियल के लिए क्या सीसीएफ सीसीएफ में क्या आएगा एवरी ईयर का इंटरेस्ट जो कि होगा सिक्स परसेंट वन करोड़ का मतलब सिक्स लाख सिक्स लाख सिक्स लाख सिक्स लाख सिक्स लाख एट ईयर तक और एट एट्थ ईयर एट का प्रिंसिपल का रीपेमेंट जो कि फेस वैल्यू पे रीपे होगा वन करोड़ सर प्रिंसिपल रीपे क्यों करेंगे ये तो कन्वर्ट होगा ना बेटा ऑप्शनली कन्वर्टेबल है ऑप्शनली कन्वर्टेबल मतलब होल्डर चाहे तो कन्वर्ट करवा सकता है नहीं तो वो कैश डिमांड करेगा तो इसका मतलब वन करोड भी रीपे करने के चांसेस हैं तो वो भी सीसीएफ में आ जाएंगे जहां पर भी थोड़ा बहुत चांसेस है मतलब वो सीसीएफ में आ जाएगा तो इसका मतलब जब आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे वन करोड का एट्थ ईयर का और एवरी ईयर का सिक्स लाख सिक्स लाख सिक्स लाख सिक्स लाख का एडूटी निकालोगे तो आपका ये ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा यह आपका ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू लाख आपने आपने क्या किया प्रिंसिपल आज वन करोड़ का इनिशियल प्रोसीड किया तो इसका मतलब बाकी का जो इक्विटी आ गया वो आपका इक्विटी आ गया इलेवन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड जीरो बैंक अकाउंट डेबिट वन करोड़ टूट फाइनेंशियल लाइब्रेटी आपका एटी एट फिफ्टी और टू इक्विटी पोर्शन इलेवन फोर्टी नाइन आई बात समझ में कि नहीं होगा आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड बस ब्रैकेट में आप दिखाओगे फाइनेंशियल लाइब्रिटी और इक्विटी अब आप इक्विटी तो आपका एज इट इज पड़ा रहेगा जब तक कन्वर्जन नहीं आता जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं होता तो ये लाइब्रेटी का आपका अमोटाइजेशन शेड्यूल बनेगा ये आपका अमोटाइजेशन शेड्यूल है आठ साल का कि आपका लाइब्रेट था एटी का एटी का आपका लाइब्रेट था फिर क्या होगा आपका एटी एट फिफ्टी का लाइब्रेटी उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट निकलेगा एटी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था एट परसेंट तो आपका इंटरेस्ट निकलेगा ठीक है ना ईयर एंड पे पे करेंगे तो इंटरेस्ट सबसे पहले निकलेगा फिर आपका रीपेमेंट होगा ठीक है उसके हिसाब से आपका रीपे होता जाएगा होता जाएगा और आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करोगे और रीपेमेंट की भी एंट्री करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करोगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश रीपेमेंट करोगे तो रीपेमेंट करते वक्त आप करोगे लाइब्रेटी अकाउंट डेबिट टू कैश ठीक है सिंपल थर्ड ईयर के एंड में थर्ड ईयर के एंड में द ऑप्शन थर्ड ईयर का थर्ड ईयर तो तो मतलब के एंड में आपकी लाइब्रेटी की कैरिंग अमाउंट इतनी है अब आपका होल्डर आपको बोल रहा है कि मुझे आगे फर्दर इंटरेस्ट वगैरह पे मत करो मुझे तो इक्विटी शेयर दे दो इक्विटी शेयर में कन्वर्जन हो रहा है तो हम पूरी की पूरी लाइब्रिटी को इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे और जो पहले से ही इक्विटी का बैलेंस था 1149 उसको भी कन्वर्ट कर देंगे और यहां पर दोनों अकाउंट ये वाला 921 ये वाला नाइन टू जीरो वन और वो जो इक्विटी पहले से ही था कभी बोलती है। कुछ नहीं बताया गया है मोस्टली मैंने देखा है बच्चों को वो बोलते हैं टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी बिल्कुल सही बात है वो तब जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स बताया गया कि कि कितने दे रहे अदरवाइज आप सिंपली कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्विटी भी लिख के आ सकते हो ठीक है आई मेरी बात समझ में कि नहीं तो ये भी एक तरीके से आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन था ठीक है एक और क्वेश्चन है आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मैं वो पूरा नहीं करवा रहा हूं 139 नंबर क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन में क्या है ना जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर इनिशियल प्रोसीड्स वन लैक था ना यहां पर ना वो आपको इनिशियल प्रोसीड्स दे ही नहीं रहा यहां पर बोल रहा है 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 कि बस हमने कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल डिबेंचर किए लिखा है, लिखा कंपलसरी नहीं ठीक और एक हंड्रेड रुपीज का है पर कितने नंबर ऑफ डिवेंचर है बताया नहीं तो आपका इनिशियल प्रोसीड नहीं निकल पाएगा ऐसे केस में आप क्या करोगे अगर आपका इनिशियल प्रोसीड नहीं निकल पाएगा तो आप क्या करोगे ऐसे केस में आप इनिशियल प्रोसीड को एक्स मान लेते हो ठीक है और हर साल का सीसीएफ आप कितना निकालोगे सिक्स x का 6% हर साल का इंटरेस्ट आप वैसा वैसा निकाल दोगे आई मेरी बात समझ में तो हर साल का सीसीएफ कितना आएगा 6x 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 और कितने साल का लोन है ये आपका लोन है बेसिकली 4 इयर्स का कहां लिखा है 4 इयर्स का है ठीक है 4 इयर्स का है तो 4 इयर्स तक आप 6x 6x 6x, 6X और एंड में आप इसको रीपे करोगे रिडीम करोगे रिडिमशन कितना बताया गया है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट टेन परसेंट का रिडम्शन होगा टेन परसेंट का रिडम्शन होगा मतलब एक्स प्लस टेन परसेंट मतलब वन पॉइंट वन एक्स वन पॉइंट वन एक्स और अलग से सिक्स एक्स का तो जाएगा ही जाएगा मतलब एक सौ सोलह बेसिकली मतलब बेसिकली आप इसको एक्स मान लो या फिर आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स को या फिर आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो भी आप इशू कर रहे हो उसको आप x मान लो और सौ रुपए के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वै इसकी फेस वैल्यू हो गई हंड्रेड एक्स जब हम रीपे करेंगे प्रीमियम पे तो हंड्रेड एंड टेन एक्स हो जाएगा और सिक्स परसेंट का हर साल का इंटरेस्ट हमारा सिक्स एक्स सिक्स एक्स हो जाएगा इसके बेसिस पर फाइनेंशियल लाइब्रेटी की वैल्यू एक्स के फॉर्म में आएगी अब आपका टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा आपका हंड्रेड एक्स आज आपने प्रोसीड्स किया माइनस आपकी लाइब्रेटी नाइनटी थ्री पॉइंट एटी टू एक्स इज इक्वल टू आपका इक्विटी इक्विटी का बैलेंस आपको वो दे रहा है निकाल के द प्रेजेंट वैल्यू इज वन एटी फाइव फोर हंड्रेड फॉर द इक्विटी पोर्शन तो आपको वो इक्विटी पोर्शन दे रहा है इससे आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे बस आपको इतना पोर्शन समझना है इस तरीके से आपको करना है गाइज अंडरस्टूड और नॉट बोलो बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं चलिए ये था आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अब आपको एक और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नॉन कंपाउंड मतलब जो प्योर एक फाइनेंशियल लाइब्रिटी होता है जिसमें इक्विटी कुछ नहीं होता है तो सर बात ही खत्म ना प्योर फाइनेंशियल है मतलब जितना भी सर प्रोसीड आया वो पूरा का पूरा हमारा फाइनेंशियल फाइनेंशियलिटी बिल्कुल सही बात पर इसमें अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई तो क्या करोगे इसमें अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट आ गया तो क्या करोगे इसमें अगर हाफ ईयरली रिपेमेंट आ गया तो क्या करोगे बच्चे उलझते थे हालांकि बहुत ईजी तो ध्यान से देखिए आपने टेन थाउजेंड रुपीज का लोन लिया है फिक्स इंटरेस्ट रेट ट्वेल्व परसेंट के हिसाब से लोन प्रोसेसिंग फीस वर एडिशनली पेड फॉर फाइव हंड्रेड अब आप बताओ लोन आया इनफ्लो फ्लो टेन थाउजेंड

ंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इच क्योंकि लोन आपका आ, फेस वाले तो टेन थाउजेंड है ना तो आपको लोन को रीपे करना है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव करके हाफ ईयरली एंड डिटेल्स एज फॉलो इसके अलावा वो बता रहा है कि आपका इंटरेस्ट रेट ट्वेल्व परसेंट है और इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो आपका क्वार्टरली चार्ज होगा इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली चार्ज होगा अब फ्रंट फीस आप दे 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 चुके हो और आपको आपको वो वो आईआरआर आईआरआर निकाल निकाल के के रहा रहा है रहा है जीरो परसेंटेज अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट डे वाइज कैलकुलेशन करता है क्या करता है डे वाइज कैलकुलेशन तो सबसे पहले आपका लोन का इनिशियल रिकॉग्निशन कितना था नाइनटी अब आप ए, क्योंकि इंटरेस्ट क्वार्टरली है भले वो हाफ एयरली पेमेंट है पर इंटरेस्ट क्वार्टरली है तो आप एवरी थ्री मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे चलिए सबसे पहले कॉन्ट्रेक्टुअल रेट फर्स्ट थ्री मंथ्स में कितने निकलेंगे तो आपका रेट है ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट आपका फेस वैल्यू टेन थाउजेंड निकालिए तो टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय मतलब बेसिकली टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व परसेंट इंटू थ्री बाय ट्वेल्व ठीक तो तो है ट्वेल्व परसेंट इंटू थ्री बाई आपको रीपे करना पड़ेगा थ्री तो मंथ्स का अब थ्री मंथ्स का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे थ्री मंथ्स का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा डे वाइज आपने स्टार्ट कब किया था आपने स्टार्ट किया था फर्स्ट अप्रैल को और आपका फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म होगा जून में तो आपका फर्स्ट अप्रैल का पहला वाला दिन हटा दीजिए तो आपके अप्रैल के ट्वेंटी नाइन डेज क्योंकि फर्स्ट अप्रैल को इशू किया है उसके बाद थर्टी फर्स्ट मे और थर्टी जून तो ये आपको होगा नाइनटी डेज नाइनटी डेज का जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस की वर्किंग करोगे तो नाइनटी फाइव हंड्रेड 9500 मल्टीप्लाई बाय 16.6 परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 365 अगर लीप ईयर होगा तो आपको ध्यान रखना है 366 करना है तो ऐसे केस में आपका आ जाएगा 388.84 मतलब 389 तो बेसिकली होगा क्या 9500 में आपका ये अमाउंट ऐड हो जाएगा ठीक है ना ऐड हो जाएगा और ये अमाउंट लेस हो जाएगा क्योंकि आप रीपे कर रहे हो तो आपका रिमेनिंग क्वार्टरली क्वार्ट, क्वार्टर एंड पर आपका बैलेंस हो जाएगा 9589 हो गया फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर जैसे ही आएगा तो सेकंड क्वार्टर में आप फिर से इंटरेस्ट निकालोगे सेकंड क्वार्टर में आप फिर से इंटरेस्ट निकालोगे इसके ऊपर नाइन फाइव एट नाइन के ऊपर तो सेकंड क्वार्टर मतलब जून जुलाई अगस्त सॉरी जुलाई अगस्त सेप्टेंबर तो जुलाई के मतलब थर्टी वन डेज जुलाई अगस्त अगस्त के भी डेज और सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर के डेज 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 मतलब होगा तो फोर जीरो इंटरेस्ट बुक करोगे एक्सपेंस पर आप रीपे क्या करोगे रीपे आप करोगे एक तो थ्री हंड्रेड रुपीज एक्ट ट्वेल्व परसेंट के हिसाब से ये रिपे करोगे और अब आपका सेकंड क्वार्टर चल रहा है मतलब छह महीने हो गए तो छह महीने के में के में एंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड भी रिपे करने थे तो कुल मिला के आप ट्वेंटी एट हंड्रेड रिपे करोगे तो ट्वेंटी एट हंड्रेड बेसिकली आपको माइनस करना पड़ेगा आ रही क्या मेरी बात समझ में आपको ट्वेंटी माइनस करना पड़ेगा और आपको प्लस करना पड़ेगा फोर क्लियर हुआ कि नहीं अब अगला इंटरेस्ट जो कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट है वो थ्री हंड्रेड नहीं निकलेगा बिकॉज आउट ऑफ टेन थाउजेंड अपने ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रीपे कर दिया है तो आपका अगला इंटरेस्ट निकलेगा सेवेंटी फाइव हंड्रेड पर तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंट इंटू थ्री बाई ट्वेल्व तो आपका आ जाएगा टू ट्वेंटी फाइव तो अगला इंटरेस्ट आपका टू ट्वेंटी फाइव आ जाएगा आप टू ट्वेंटी फाइव का इंटरेस्ट पे करोगे बट आपका थर्ड क्वार्टर चल रहा है तो आप कोई भी प्रिंसिपल रीपे नहीं करोगे और अकॉर्डिंगली डे वाइज आप कैलकुलेट करोगे अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है गाइस क्लियर हुआ कि नहीं

आई आर आर निकालना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से जैसे आपको निकालना सिखाया गया है ऑब्वियसली ये सिखाया गया होगा ठीक है चलिए तो ये हो गया नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट अब मैंने आपको कंपाउंड बता दिया नॉन कंपाउंड बता दिया तो अब मैं आपके साथ खेल सकता हूँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाला क्वेश्चन जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट बेयर की जा रही है कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर अब यहां देखो यहां वर्ड उन्होंने क्या यूज किया है दे आर इशूइंग टेन थाउजेंड कंपलसरी कम्युनेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियर कंपल्सरी लिख दिया मतलब यहां पर जब सीसीएफ निकालोगे तो सीसीएफ के अंदर प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं होगा ठीक है फर्स्ट अप्रैल वन फिफ्टी रुपीज के हिसाब से तो टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी मतलब का प्रोसीड आया रेट ऑफ डिविडेंड आपको हर साल पे करना है टेन परसेंट मतलब आर कन्वर्टेबल इनटू 5000 इक्विटी शेयर्स सर ये तो 5000 इक्विटी शेयर्स सर फिक्स नंबर है सर ये तो इक्विटी है हां बिल्कुल पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो तो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना बेटा तो यहां पर आपका 150 150 150 150 150 फिफ्टी वन फिफ्टी इन सबका प्रेजेंट वैल्यू इन सबका प्रेजेंट वैल्यू आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई साहब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है यही सिमिलर डिबेंचर इशू होते विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन तो 15% पर होते तो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन आ जाएगा 5 लाख 2000

इस और इस रेशियो में मतलब इन दोनों अमाउंट के रेशियो में आप थर्टी थाउजेंड को बुक करोगे आपका जितना भी थर्टी थाउजेंड का पोर्शन में से लाइब्रेट के वाला पोर्शन जो आएगा वो लाइब्रेट की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा बिकॉज ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका आउटफ्लो है और लाइब्रेरी आपका इनफ्लो है तो आप देखिए नीचे जब आपने अलोकेट किया तो आपका लाइब्रेटी वाला पोर्शन आ गया टेन जीरो फाइव सिक्स और आप इसको अपनी लाइब्रेरी से माइनस कर दोगे तो आपकी नेट लाइब्रेटी हो जाएगी फोर नाइन टू सेवन सिक्स सेवन जो कंपोनेंट आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इक्विटी के लिए अलोकेट किया 19944 आप उसको अदर इक्विटी में बुक करोगे आप उसको पीएनएल में नहीं लेके जाओगे आप उसको अदर इक्विटी में बुक करोगे और आपका अदर इक्विटी कंपोनेंट भी एक तरीके से कम हो जाएगा क्योंकि 997 में से ये कम हो गया तो आपका 977 हो जाएगा गाइस अंडरस्टूड और नॉट अब एक बस लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके ये बैलेंसेस बदल गए स्पेशली आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी चेंज हो गया क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को माइनस कर दिया फाइनेंशियल लाइबिलिटी से तो यार एक बात बताओ अब आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी का इनिशियल रिकॉग्निशन फोर हो गया जबकि एट फिफ्टीन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नया रीकैलकुलेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दिस प्रेजेंट वैल्यू मतलब 150, 150, 150, 150 की प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पर 4.92 होनी चाहिए इट शुड बी 15.86 ये आपको रिकेल्कुलेट करना पड़ेगा करने का, का सिंपल है एक रेट आपने ले लिया एक 16 ले लोगे, फिर आप हिट एंड ट्रायल के हिसाब से आपको पता है कि आपको लगा के करना होता है

तो ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो अलोकेट इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड इक्विटी री द आर फॉर द फाइनेंशियल लाइबिटी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अलोकेट ट्रांज कॉस्ट क्योंकि आपने कलोकेट कर दिया फाइनेंशियल लाइबिटी में तो फाइनेंशियल लाइबिटी के लिए आप आई आर करोगे सच आई आर आर शैल बी यूज फॉर द फ्यूचर कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट ये भी हो गया गाइस अंडरस्टूड और नॉट बाय बैक ऑप्शन मैंने अभी यहां पर छोड़ा हुआ है मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा डोंट वरी मुझे बताइए इतना समझ में आया कि नहीं सम सेकंड्स थोड़ा पॉज करने का टाइम दो कॉन्ट्रेक्चुअल में वाइज क्यों नहीं लिया बिल्कुल ले सकते हैं डोंट वरी कॉन्ट्रेक्चुअल में भी वाइज ले सकते हैं डोंट वरी वो जो आप नॉन कंपाउंड में पूछ रहे हो उसमें भी वाइज ले सकते हैं पर मैं बोलूंगा जैसा इंस्टीट्यूट कर रहा है वैसा करके आप All right. अब हम आगे बढ़ते हैं इंपेयरमेंट में बाद में करवाऊंगा डी रिकॉग्निशन बाद में करवाऊंगा ये अब अलग अलग पॉइंट्स है अपन अब चलेंगे मॉडिफिकेशन इन फाइनेंशियल लाइब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो मॉडिफिकेशन आपका फाइनेंशियल असेट में भी हो सकता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी में भी हो सकता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर आपका मॉडिफिकेशन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई तो बेसिकली आपका हर प्रकार का मॉडिफिकेशन कवर हो सकता है पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी से फिर हम चलेंगे फाइनेंशियल असेट में तो कंपाउंड मॉडिफिकेशन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसमें इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके पास मेरी क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन नंबर सेवन जीरो कर लेना नहीं है तो मस्ट डू क्वेश्चन किया है मॉडिफिकेशन इन फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट में अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो क्या क्या होगा क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया सर रीपेमेंट टर्म्स बदल गए सर अर्ली रीपेमेंट का ऑप्शन दे दिया गया है ना अर्ली रीपेमेंट का ऑप्शन दे दिया गया ठीक है तो प्रिंसिपल का रीपेमेंट चेंज हो गया इंटरेस्ट रेट बदल गया फेयर वैल्यू चेंज हो गया सर पूरे इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू बदल गया तो ऐसे मॉडिफिकेशन आपके कंपाउंड में होंगे कंपाउंड मतलब जिसमें आप फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी दो-दो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हो ठीक है तो ऐसे केस में करोगे क्या कैसे करोगे देखो गाइस मॉडिफिकेशन ठीक है ना मॉडिफिकेशन है आपको पता होगा मॉडिफिकेशन वाली बातें आती थे तो मॉडिफिकेशन तो में क्या होगा सबसे पहले तो पहली स्टेप ये है कि आपको चाहिए कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट जिस दिन मॉडिफिकेशन हुआ है उस दिन बुक वैल्यू क्या है उस दिन आपके फाइनेंशियल लाइबिलिटी की और इक्विटी की बुक

और ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया जो भी जो भी अगर इफेक्टिव रेट ऑफ़ इंटरेस्ट आपको नया नहीं दिया हुआ तो आप ओरिजिनल रेट ऑफ़ इंटरेस्ट भी ले ओरिजिनल ओरिजिनल ईआरआई भी ले सकते हो अब आपने रिवाइज्ड फाइनेंशियल लाइब्रेटी निकाल ली ठीक है ना आपने रिवाइज फाइनेंशियल लाइब्रेटी निकाल ली और आपने रिवाइज इक्विटी निकाल ली कभी कभार आपको ये होगा कि मान लो वो पूरे इंस्ट्रूमेंट की आपको फेयर वैल्यू ही बदल के दे रहा है न्यू फेयर वैल्यू दे रहा है तो वो जो न्यू फेयर वैल्यू होगी वो एक तरीके से आप उसको प्रोसीड्स की तरह मानोगे और उसमें से आप रिवाइज फाइनेंशियल लाइब्रेटी माइनस करके रिवाइज फाइनेंशियल लाइब्रेटी माइनस करके आप न्यू इक्विटी निकाल लोगे अब आपके पास बुक वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइब्रीटरी एंड इक्विटी दिख गया अब आपके पास रिवाइज फाइनेशियल एंड रिवाइज इक्विटी दिख गया आपकी फाइनेंशियल लाइब्रेट में जो भी चेंजेस होंगे प्लस माइनस वह पी एडल से रिफ्लेक्ट करोगे इक्विटी में जो भी चेंजेस होंगे वो अदर इक्विटी में ही जाएगा ठीक है आइए डिफरेंस बिटवीन द रिवाइज वैल्यूज एंड कैरिंग वैल्यूज जो भी डिफरेंस आएगा आपके फाइनेंशियल असेट लाइब्रेटी में असेट नहीं होना चाहिए कायदे से फाइनेंशियल लाइब्रेटी जो भी आपका डिफरेंस आएगा फाइनेंशियल लाइब्रेटी में वो आपके पीएनडल में जाएगा पर जो इक्विटी पोर्शन में डिफरेंस आएगा वो आपके अदर इक्विटी में जाएगा ठीक है स्टेप नंबर फोर आपने आप रिवाइज भी कर दिया फिर आपको फर्दर आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में ये तो नहीं बोल रहा है कि भाई उन्होंने आपको नया फेयर वैल्यू दे दिया और उन्होंने ऑप्शन दे दिया होल्डर्स को कि तुम चाहो तो अभी के अभी रीपेमेंट करवा दो अर्ली रीपेमेंट करवा दो मतलब तुम चाहो तो अभी के अभी हम तुम्हें पे कर देते अगर वो रीपे करने का सेटल करने का ऑप्शन दे रहा है और होल्डर्स ने भी वो ऑप्शन ले लिया तो आप इमीडिएटली अपनी लाइब्रेट को रिवाइज को भी रिपे कर दोगे तो नाउ न्यू कैरिंग अमाउंट रिवाइज वैल्यूज सेटल दम और कंटिन्यू कंटिन्यूम एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं होल्डर्स uh, ने ऑप्शन रीपेमेंट का नहीं लिया तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे हम उनके ऊपर कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट निकालेंगे न्यू डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से न्यू वैल्यू के ऊपर पर अगर वो बोल रहे होल्डर्स ने ना बोला कि हाँ हमें पैसे वापस कर दो तो हमारी जो भी रिवाइज कैरिंग अमाउंट आई थी हम उनको रिपे कर देंगे सिंपल रिपे करने के लिए लाइब्रेड अकाउंट डेबिट डेबिट इक्विटी अकाउंट टू बैंक ये हो गया आपका चार स्टेप्स में अब मैं आपको करवाऊंगा इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखिए एक है आपका क्वेश्चन वन और एक और क्वेश्चन है पहले अपन फोर्टी करते हैं भाई इशू किया है हमने सिक्स थाउजेंड एट परसेंट कन्वर्टेबल डिपेंचर कन्वर्टेबल लिखा है कंपलसरी नहीं लिखा है फेस वैल्यू हंड्रेड मेच्यंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी वन से ट्वेंटी सिक्स मतलब फाइव इयर्स ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिवेंचर इंटू इक्विटी एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ वन हंड्रेड टेन वो कन्वर्ट तो होगा तो वन हंड्रेड टेन पर होगा ठीक है इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली इन कैश एट द रेट ऑफ इशू कंपनी कुड हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स एट तो आपका हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आपको उसके डिस्काउंटिंग रेट्स भी दिए हुए जब दिए हुए तो आपको वही यूज करने हैं सर अगर मान लो क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट्स नहीं दिए हो तो हम क्या करेंगे बेटा थ्री डिजिट तक करोगे आप थ्री डिजिट तक आप निकालोगे ऐसे ही पॉइंट के बाद थ्री डिजिट्स ठीक है आगे ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर हमने इशू कब क्या था ट्वेंटी वन मतलब ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तीन साल बाद कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है आपको बोला था कि वो आपको question में ना नया फेयर दे वैल्यू देगा तो भैया यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हो रहा है तो modification से पहले हमें थ्री के एंड का कैरिंग अमाउंट चाहिए तो हमने सबसे पहले क्या किया होगा इनिशियल रिकॉग्निशन किया होगा इनिशियल रिकॉग्निशन हमने किस बेसिस पर किया होगा कि भाई हर साल का जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है वो एट परसेंट ऑफ सिक्स लैख्स लैख का आठ परसेंट मतलब 48 ,000, 48 ,000, 48 ,000. और ऐसे फाइव ईयर फोर्टी एट और एंड में सिक्स लैक ठीक है तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो फोर्टी एट फोर्टी एट फोर्ट एट और सिक्स लाख ,00 के हिसाब से आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का फाइनेंशियल लाइबिटी पोर्शन आ गया फाइव वन थ्री और ओवरऑल आपका प्रोसीड कितना था सिक्स लाख ,00 तो आपका इक्विटी पोर्शन आ गया एटी सिक्स सेवन फिफ्टी हो गया आपका इनिशियल रिकॉग्निशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बेसिकली आपका फाइनेंशियल लाइबिटी के ऊपर आप इंटरेस्ट बुक करोगे रीपेमेंट करोगे फॉर्टी एट फिर इंटरेस्ट बुक करोगे फिर रीपेमेंट करोगे फिर इंटरेस्ट पे करोगे बुक करोगे और रीपे करोगे तो ऐसे करके तीन साल तक की जो कहानी चलेगी तो तीन साल के बाद आपका क्या आएगा तीन साल के बाद

559094 जो कि आपकी वैल्यू यहां पर देखो 559094 तो थर्ड ईयर के एंड में आपका लाइब्रेरी कंपोनेंट का कैरिंग अमाउंट है 559094 और इक्विटी का कैरिंग अमाउंट तो वही रहेगा 867760 ये आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई अब अपने को बचाइए स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू मतलब रिवाइज वैल्यूज उसके हिसाब से आज के दिन मॉडिफिकेशन डेट पर पूरे इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू है 660 तो इसको मान लो आज एक तरीके से प्रोसीड्स 660 मतलब आज अगर में हम इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, मार्केट में तो सिक्स में इशू करते हैं। इन्होंने कंपनी ने ऑफर उफ, दिया डिवेंचर होल्डर्स को कि आप चाहो तो 660 अभी के अभी हमसे रीपे करवा दो अभी के अभी ले लो ठीक है एट द एट दिस टाइम इनका डिस्काउंटिंग रेट जो है बेसिकली वो 9 परसेंट का चल रहा है अगर क्योंकि दो तीन साल हो चुके ना तो फर्दर टू इयर्स का अगर हम ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आज इशू करें विदाउट कन्वर्टेबल ऑप्शन तो नाइन परसेंट का रेट होता है तो डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो गया तो मुझे बताओ आज का फेयर वैल्यू है सिक्स सिक्सटी अगर हम वो हमें रीपेमेंट नहीं भी करने को बोल रहे पर डिस्काउंटिंग रेट तो बदल गया ना तो अगले दो सालों में हमें और क्या क्या पे करना पड़ेगा अगले दो सालों में हमें क्या क्या, -क्या पे करना पड़ेगा वही फोर्टी एट फोर्टी एट कॉन्ट्रेक्चुअल रेट फोर्टी एट फोर्टी एट तो अगले दो सालों के लिए हमें वही पे करना पड़ेगा फोर्टी एटी एट और अगले दो साल दो साल बाद हमें रीपे करना पड़ेगा सिक्स लैख तो हम उसका जब वापस से नाइन परसेंट के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे तो इट वुड बी फाइव हमने क्या किया वैल्यू और फोर्टी एट फोर्टी एट का प्रेजेंट वैल्यू और फाइव एटी नाइन सिक्स थर्टी टू हमारी लाइब्रेरी वैल्यू आ गई और टोटल हमारी फेयर वैल्यू थी सिक्स सिक्सटी तो हमारा बीच का इक्विटी पोर्शन आ गया सेवेंटी थाउजेंड थ्री सिक्सटी एट अब बस आपको कंपेरिजन करना है ध्यान से देखिए आपका फाइव फिफ्टी नाइन जीरो नाइनटी फोर लाइब्रेरी है कैरिंग अमाउंट जब आपकी लाइब्रेरी अब आपकी बढ़ रही है तो लाइब्रेरी बढ़ेगी तो बेसिकली आपका ये पी एंडल में लॉस बुक होगा और इक्विटी आपकी कम हो रही है तो ये आपका अदर इक्विटी में क्रेडिट हो जाएगा ये आपका अदर इक्विटी में चला जाएगा आई बात समझ में और जो डिपेंचर होल्डर्स को ऑफर दिया था उन्होंने एक्सेप्ट किया गया उन्होंने एक्सेप्ट किया क्या होल्डर्स एक्सेप्टेड होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया तो अब आप ये 660 उनको रीपे करोगे और एंट्री करोगे कर पूरा -पूरा खत्म कर दिया अगर वो रीपे नहीं एक्सेप्ट नहीं करते तो हम इस फाइव नाइन को फर्दर कंटिन्यू करते नाइन के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करते कोई रिप्लाई नहीं आया तुम लोगों का यार बहुत देर से तो ये था आपका कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का मॉडिफिकेशन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के मॉडिफिकेशन पर आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सेवन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के मॉडिफिकेशन पर मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सेवन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि देखिए एक तरीके से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको दे रहा है एक तरीके से देखो क्या हो रहा है टेन लाख ,00 रुपीज का हमने लोन लिया होगा ठीक है उसके ऊपर हम एवरी ईयर सिक्सटी सिक्सटी इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे और थर्ड ईयर के एंड में भी टेन सिक्सटी मतलब प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट पे करेंगे ये आपके होगा सीसीएफ बेसिकली ये क्या है ये आपके होगा सीसीएफ तो ये आपका लोन का प्रोसीड हो गया और आप इसको रीपे कर रहे हो ठीक है अब फाइनेंस कॉस्ट इन्होंने आपको निकाल के दिया है निकाल के दिया है फिर इनिशियली देखो उन्होंने आपको ये भी दिया है कि जो आपका टेन लाख रुपीज का लोन था उसका इनिशियल रिकॉग्निशन पर आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी कॉम्पोनेट और इक्विटी कॉम्पोनेंट कितना था इक्विटी कॉम्पोनेट तो हर साल सेम रहेगा जब तक कोई मॉडिफिकेशन ना हो और लाइब्रेटोनेट ये प्लस इंटरेस्ट माइनस रीपेमेंट आपका चेंज हो जाएगा फिर प्लस इंटरेस्ट माइनस रीपेमेंट आपका चेंज हो जाएगा फिर प्लस इंटरेस्ट माइनस रीपेमेंट आपका जीरो हो जाएगा बिल्कुल सिंपल है अभी तक क्वेश्चन ही चल रहा है ठीक है अरे कोई तो रिप्लाई कर दो कोई तो रिप्लाई कर दो कोई है कि नहीं अच्छा रिप्लाई आ रहा है बट मुझे नहीं दिख रहा है रिप्लाई आ रहा है पर मुझे नहीं दिख रहा है क्या बात है यार हाँ रिप्लाई आ रहा है ठीक है मुझे लगा रिप्लाई नहीं आ रहा है बताओ यार ओके अज्यूम दैट डी लिमिटेड हैज एन अर्ली रिडम्शन ऑप्शन टू प्रीपे द इंस्ट्रूमेंट्स एट इलेवन लैक जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 660 था यहां पर 11 लाख में रीपे करने का ऑप्शन है बेटा 11 लाख आज मान लो आज की आपकी फेयर वैल्यू है और ये कब ऑन थर्टी जून थर्टीन मतलब यहां पर बेटा यहां पर इसका मतलब यहां पर आपकी अभी बुक वैल्यू कितनी चल रही है लाइब्रेटी की नाइन ठीक है इंटरेस्ट रेट हैज बीन चेंड एट दैट टाइम डी लिमिटेड कुड हैव इशूड हैन ईयर क्योंकि एक ही साल बचा है ना थर्टियन जून थर्टीन के बाद एक ही साल बचा है तो यहां पर डिस्काउंटिंग रेट भी बदल गया गयासेंट तो बताओ आज हम क्या करेंगे सबसे पहले मॉडिफिकेशन करेंगे जिसके लिए हमारे पास कैरिंग अमाउंट दिए हुए हैं सबसे पहले हम इसको फेयर वैल्यू मानेंगे इलेवन लैक और इसके दो हिस्से करेंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे हमारा अगले साल का पेमेंट कितना होने वाला है टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी का प्रेजेंट वैल्यू न्यू डिस्काउंटिंग रेट पर फाइव पर तो टेन सिक्सटी डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो फाइव एक ही साल का तो वो हो टेन ये हो जाएगा आपका आ जाएगा नाइनटी थाउजेंड फोर सेवेंटी सेवन बस आपको वही वो बोल रहा था कि आप अलग अलग कॉम्पोनेंट निकाल के दो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लाइब्रेरी एंड इक्विटी कॉम्पोनेट गाइज आप कॉन्प्ट आई बात समझ में डन तो गाइस ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अब बात करते हैं आपके मॉडिफिकेशन में नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो आपके मॉडिफिकेशन होते हैं उसमें भी दो बातें होती हैं कि या तो एक्सटिंग्विशमेंट है या तो मॉडिफिकेशन है पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन क्या होता है अभी हम देख रहे थे कि अभी हम कंपेरिजन कर रहे थे कैरिंग अमाउंट को रिवाइज अमाउंट के साथ ठीक है ना जब हम इसके अंदर कंपैरिजन कर रहे थे तो इसमें तो क्या इक्विटी पोर्शन भी आ रहा था पर नॉन कंपाउंड के अंदर तो इक्विटी पोर्शन आएगा नहीं आपको बस क्या करना है आपको कैरिंग अमाउंट के रिवाइज्ड अमाउंट के साथ कंपेयर करना है तो एक्सटिंगमेंट क्या है मॉडिफिकेशन क्या है उसके लिए पहले ध्यान से देखिएगा कैरिंग अमाउंट तो आप निकाल लोगे रिवाइज अमाउंट आपको निकालना है एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट आप थोड़ी देर के लिए नया डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में दिया भी है ना तो भी भूल जाओ तो भी भूल जाओ ओरिजिनल डिस्काउंट रेट पर आप रिवाइज अमाउंट निकालोगे अब रिवाइज अमाउंट और कैरिंग अमाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा उसको परसेंटेज के फॉर्म में चेक करोगे कि भाई डिफरेंस डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट आपका ये परसेंटेज ऑफ चेंज कितना है अगर ये चेंज टेन परसेंट के नीचे है तो हम उसको बोलेंगे मॉडिफिकेशन मतलब छोटा मोटा चेंज है और अगर ये डिफरेंस टेन परसेंट टच हो गया या उससे ऊपर चला गया तो हम बोलेंगे यार ये तो सब्सटेंश ये तो ये तो सब्सटेंशियल चेंज है ये तो मेजर चेंज है और मेजर चेंज को हम बोलेंगे एक्सटिंगमेंट अब एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से आपकी ओल्ड लाइब्रेटी खत्म हो रही है और आप एक तरीके से नई लाइब्रेरी रिकॉर्ड कर रहे हो और मॉडिफिकेशन में आप अपनी एक्जिस्टिंग लाइब्रेरी में ही चेंजेस कर रहे हो दोनों की अकाउंटिंग में बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज फर्क है समझ में आ गया तो एक्सटिंग्विशमेंट अगर डिसाइड हुआ कि एक्सटिंग्विशमेंट है बिकॉज द चेंज द डिफरेंस इज ऑफ टेन और मोर तो एक्सटिंग्विशमेंट में हम एक्जिस्टिंग लोन लाइब्रेरी को रिवाइज इज करके नया लोन लाइब्रेरी बुक करेंगे और पी एंडल में बुक कर पी एंडल में डिफरेंस डालेंगे मॉडिफिकेशन होगा तो हम अपनी एग्जिस्टिंग लाइब्रेड में ही चेंजेस करेंगे आया समझ में कि नहीं ठीक है अब इसी के बेसिस पर आप देखिए क्या क्या यहां पर बोला गया है एक्सटिंग्विशमेंट कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड डेट बाय रीनेगोशिएटिंग द टर्म्स विथ लेंडर फॉर द न्यू डेट एंड न्यू टर्म्स तो एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है पुराना डेट खत्म करो नया डेट लेके आओ मॉडिफिकेशन मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग डेट लोन विद द सेम मॉडिफाइड टर्म्स विदाउट कैंसिलेशन एग्जिस्टिंग लोन में ही प्लस माइनस कर दो ठीक है अच्छा अब ये पता कैसे चलेगा कि है है कि मॉडिफिकेशन ये पता कैसे चलेगा ठीक है तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि आपको रिवाइज अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना है रिवाइज अमाउंट के लिए आप ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट पर ही रिवाइज अमाउंट निकालोगे बेस्ड ऑन रिवाइज टर्म्स आपको रिवाइज टर्म दी होंगी कि अब नया हम पेमेंट ऐसे ऐसे करेंगे पर डिस्काउंटिंग रेट आप नया पुराना वाला ही लगाओगे ठीक है तो रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइब्रेटरी एज पर द न्यू टर्म्स एट ओरिजिनल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइब्रेट एज पर द रिवाइज टर्म्स पर ओरिजिनल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ध्यान रखना फिर उसको कंपेयर करोगे कैरिंग वैल्यू ऑफ लाइब्रेटरी बुक वैल्यू से जो भी डिफरेंस आएगा अगर वो डिफरेंस टेन परसेंट से कम है तो आप उसको मॉडिफिकेशन मानोगे और अगर वो डिफरेंस टेन परसेंट या ज्यादा है तो आप उसको एक्सटिंग्विशमेंट मानोगे अगर वो एक्सटिंग हुआ तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा पुराने वाले लोन को डी रिक्नाइज करोगे रिकोगनाइज न्यू फाइनेंशियल लाइब्रेटी एक नया लोन रिकॉर्ड करोगे न्यू फाइनेंशियल लाइब्रेटी आया समझ में कि नहीं न्यू फाइनेंशियल लाइब्रेटी नया लोन रिकोगनाइज करोगे अगर उस नया लोन का कोई फेयर वैल्यू आप निकाल सकते हो

प्रैक्टिकल बातें हैं प्रैक्टिकल बातें ऐसे थ्योरी में समझ में कम आती हैं और ये एक्सरसाइज करने पर डी रिकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइज करने पर जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप पी में चार्ज करोगे आई मेरी बात समझ में पर अगर मॉडिफिकेशन होगा तो मॉडिफिकेशन में क्या आएगा मॉडिफिकेशन में ये आएगा मॉडिफिकेशन को बाद में देख लेते हैं इसमें भी मैं आपको बताऊं कि आपको अप्रोच टू करनी है हमेशा आपको अप्रोच वन नहीं करनी है अप्रोच टू करनी है क्योंकि अप्रोच टू ही आईसीआई करता है ठीक है अब अप्रोच टू क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा अपन डायरेक्टली अपन इसको मॉडिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चन ले जाते हैं आइए वन फोर्टी फोर एक्स वाई जेड कंपनी टेन ईयर्स का बॉन्ड लाइब्रेटी इशू कर रही है टेन लाख रुपीज का इंटरेस्ट रेट है टेन परसेंट पेबल एनुअली ऑन थर्टी दिसंबर एच ईच ईयर द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल ऑन थर्टी दिसंबर टू थाउजेंड नाइन क्योंकि टू थाउजेंड में इशू किया फॉर रुपीज टेन लाख नो कॉस्ट और फीस आर इनकट अब एक बात बताओ अगर आपने टेन लाख रुपीज़ के बॉन्ड इशू किए हैं टेन लाख रुपीज रिसीव किए हैं आप रीपे करोगे टेन ईयर्स के बाद टेन लाख रुपीस मतलब कोई प्रीमियम नहीं कोई डिस्काउंट नहीं ना इशू के टाइम पर ना रिडम्शन के टाइम पर अलग से कोई कॉस्ट नहीं कोई फीस नहीं कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं ऐसे केस में जो भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रेट होता है वही आपका इफेक्टिव रेट हो जाता है क्या आप ये बात जानते हो कि कॉन्ट्रेक्चुअल रेट और इफेक्टिव रेट एक ही हो जाएगा अगर आपका कोई डिस्काउंट पे कोई प्रीमियम पे रिडमशन और इशू नहीं है कोई कॉस्ट और कोई फीस नहीं है जितना लोन लिया है उतना लोन दस साल बाद वापस करोगे एज इट इज प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ तो तो यही यही आपका यही आपका रेट रेट है 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 इफेक्टिव ठीक अगर ऐसा है तो फिर तो अकाउंटिंग बहुत बढ़िया हो गई आप लोन को बुक करोगे टेन लैख पर बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टेन लैक टेन लैख हमेशा इंटरेस्ट निकालोगे तो इंटरेस्ट को रिपे करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक तो लोन आपका टेन लैक पे ही रहेगा तो पहले साल आपका टेन लाख सेकंड ईयर इेन लैक थर्ड ईयर इन फोर्थ ईयर बस 10 लेक, 10 लेक रहेगा

आई मेरी बात समझ में कि नहीं पर पांच साल के बाद क्या हुआ पांच साल के बाद एक्स वाई जेड एंड द बॉन्ड होल्डर्स एग्री टू अ मॉडिफिकेशन शब्द मॉडिफिकेशन पे मत जाना इसके बेसिस पर टर्म को एक्सटेंड करके थर्टी फर्स्ट डिसंबर इलेवन कर दिया गया जबकि ओरिजिनल आपका रीपेमेंट होना था 2009 में मतलब टू इयर्स एक्सटेंड कर दिया गया मतलब ओरिजिनल टेन इयर्स में से फाइव इयर्स चले गए तो रिमेनिंग फाइव इयर्स बचने चाहिए पर अब टू इयर्स एक्सटेंड करके सेवन इयर्स कर दिया ठीक है और अब हम इंटरेस्ट को रिड्यूस करके फाइव परसेंट पे करेंगे हर साल इंटरेस्ट हमें फाइव परसेंट पे करना पड़ेगा टेन लाख का फाइव परसेंट मतलब अगले सेवन इयर्स में फिफ्टी 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 ठीक है द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल ऑन इलेवन एट फिफ्टीन लाख रुपीज रिडमशन वैल्यू भी बदल दी ओ माई गॉड ठीक है ठीक है एंड द अदर एंड लीगल एंड अदर फीस आर वन लैख मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहां पर आपको नया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया गया इलेवन परसेंट सबसे पहले आपका ये आपको देखना है कि आपका मॉडिफिकेशन है कि एक्सटिंग्विशमेंट है उसके लिए आपको कैरिंग अमाउंट को रिवाइज अमाउंट से कंपेयर करना है रिवाइज अमाउंट एज पर रिवाइज टर्म्स बेस्ड ऑन ओरिजनल डिस्काउंटिंग रेट ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट इज टेन परसेंट तो आपका रिवाइज अमाउंट बेस्ड ऑन रिवाइज टर्म्स क्या होगा रिवाइज huh? अमाउंट uh, आपका कितना होगा रिवाइज अमाउंट बेसिकली आपका कितना होगा आइए रिवाइज अमाउंट आपका टेन इयर्स के हिसाब से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितना होगा फिफ्टी 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 और सेवेंथ ईयर में फिफ्टी प्लस फिफ्टीन लैक्स और अभी आपका इसके अलावा एक एक्सपेंस भी तो हो रहा है वन लाख रुपीस का फीस भी बियर हो रहा है तो भाई साहब एक तरीके से प्लस वन लाख प्लस वन लैख तो इन सब का मतलब वन लैख जो हो रहा है वो जीरो ईयर पर हो रहा है सॉरी तो जीरो ईयर पर वन लैख हो रहा है तो इन का फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी इन का प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकालोगे टेन परसेंट पर हां जी इन सब का प्रेजेंट वैल्यू टेन परसेंट पर निकालोगे तो ये आपकी, ये आपकी आएगी ये आपकी आएगी ये आपकी कितनी आएगी कितनी आएगी कितनी आएगी कि ये आपकी आएगी इलेवन लैख थर्टीन थाउजेंड वन फिफ्टी एट इलेवन लैक थर्टीन थाउजेंड वन फिफ्टी एट गाइस इतना समझ में आया कि नहीं किसकी प्रेजेंट वैल्यू बोली मैंने इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू आप वन लाख रुपीज आज बी कर रहे हो लोन में चेंजेस करवाने के लिए आपसे बैंक चार्ज कर रहा है और बैंक बोल रहा है और फिफ्टीन लाख प्रिंसिपल पे करना इन सब की आप ओरिजिनल डिस्काउंट परिफ्टीट को आप कंपेयर करोगे कैरिंग अमाउंट ऑफ टेन लाख रुपीज से तो आपका डिफरेंस आ गया वन थर्टीन वन फिफ्टी एट जो कि परसेंटेज के फॉर्म में अगर करोगे तो इलेवन पॉइंट थ्री टू जो टेन परसेंट से ज्यादा है और अगर टेन परसेंट से ज्यादा है तो ये हो गया आपका एक्सटिंग अगर extinguishment है तो एक्सटिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है extinguishment के अंदर हमें कोशिश करके अब नई फाइनेंशियल लाइब्रेड बुक करनी है नए डिस्काउंटिंग रेट पर अगर गिवन है तो तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ये question, आपका question number 144 है और इसमें हमें नया डिस्काउंटिंग रेट गिवन है इसमें हमारा नया डिस्काउंटिंग रेट हमें कितना गिवन है इलेवन अब आपको यही करना है अब आपको इन सब की वापस से प्रेजेंट वैल्यू इन सब की वापस से प्रेजेंट वैल्यू एट इलेवन परसेंट पर निकालनी है जो कि कहीं ना कहीं कितनी आएगी जो कि आएगी आपकी न्यू लाइब्रेटी आपकी आएगी एक तरीके से अच्छा इसमें ना इसमें ये करते वक्त आप वन लैख ऊपर वाला छोड़ देना क्योंकि अब आपको जो फर्दर पे करना है उसकी बात चल रही है पेबल वैल्यू वन लाख तो आप अभी के अभी पे करोगे तो ये आपका टू बैंक हो जाएगा तो आपका टू बैंक हो जाएगा और बाकी जब आप revised value, revised value निकालोगे, पर, तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी नाइन लैख्टी एट थाउजेंड जीरो नाइन सेवन अब आप ध्यान से देखो आपने न्यू लाइब्रेरी रिकॉग्नाइज कर दी आपने ओल्ड लाइब्रेरी को डी रिकॉग्नाइज कर दिया आपने मॉडिफिकेशन फीस पे कर दिया तो यहां पर जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपके पी एंडल में जाएगा लॉस आपका बुक होगा

उसी को एक तरीके से अगर यहां पर आपका 11 परसेंट डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया होता तो मैं अपना न्यू लोन कितना मान लेता मैं न्यू लोन मान लेता आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरा कितना है टेन लाख रुपीज का तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट टेन लाख रुपीज का मैं मान लेता ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं टेन लाख रुपीज का मैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट मान लेता और इसका मैं रिवाइज सीसीएफ रिवाइज सीसीएफ तो मुझे पता है ना फिफ्टी 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 आई बात समझ में कि नहीं अच्छा टेन लाख ,00 में से भी मैं आज रीपे कितना कर कर रहा हूं। 1 ,00 तो मैं कर रहा हूं हूं लाख लाख तो तो मैं मैं कॉस्ट रीपे रीपे में से मैं 1 ,00 रीपे करूंगा क्योंकि मैं वन लाख ,00 रुपीज को पेडल में चार्ज नहीं कर सकता मॉडिफिकेशन फीस ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो मेरा आज का जो न्यू लोन होगा वो नाइन लाख ,00 पर बुक होगा नाइन लाख ,00 पर बुक होगा और रिवाइज जो मेरे को ये सब दिए हुए हैं इसके बेसिस पर आज मैं एक आय टेक्निक के हिसाब से नया डिस्काउंटिंग रेट निकालकर फर्दर अकाउंटिंग करता आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा दिखाता हूं आइए 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 ये वाला है एक्सटिंग्विशमेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 149 तो ये आपका क्वेश्चन 149 है इस क्वेश्चन में प्रौ... सब कुछ सेम है सब कुछ सेम है इनिशियली आपको ओरिजिनल इफेक्टिव रेट आपको 11.5 दिया हुआ है सब कुछ सेम है पर बाद में आपको नया इफेक्टिव रेट नहीं दिया है सर दिया तो है इंटरेस्ट रेट फिफ्टीन बेटा वो तो कूपन रेट बदल दिया नया इंटरेस्ट रेट नहीं दिया तो इंटरेस्ट रेट नया नहीं दिया है तो आपका जो भी आउटस्टैंडिंग लोन बच रहा है मॉडिफिकेशन रेट पर उसी को मॉडिफिकेशन फीस से माइनस करके अगर कोई मॉडिफिकेशन फीस है तो नहीं है मॉडिफिकेशन फीस कुछ भी नहीं है तो बस उसी को आउटस्टैंडिंग मानते हुए और नया सीसीएफ के बेसिस पर नया डिस्काउंटिंग रेट लगेगा आई बात समझ में कि नहीं तो आप वन नंबर क्वेश्चन को ट्राई कर लेना आपको क्यू कोड दिया हुआ है वो बोल रहा है फिफ्टी करोड़ रुपीज का लोन है फर्स्ट जनवरी इलेवन में है थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व में डिफॉल्ट किया है अप्रोच द बैंक सिटिंग लिक्विडिटी अब इस क्वेश्चन में उन्होंने ये माना है कि जो इंटरेस्ट हमें पेमेंट एन्य करना होता है हमने फर्स्ट जनवरी इलेवन है तो थर्टी फर्स्टर इलेवन और थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेल्व इंटरेस्ट का रीपेमेंट करने के बाद हम बैंक के पास अप्रोच कर रहे हैं डिफॉल्ट वर्ड नहीं लिखा है यहां पर हम डिफॉल्ट नहीं मान रहे हैं हम बोल रहे हैं कि भाई हमने दो साल का इंटरेस्ट पे कर दिया अकॉर्डिंगली दो साल का इंटरेस्ट पे करने के बाद दो साल का इंटरेस्ट वगैरह और प्रिंसिपल भी फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मतलब टेन करोड़ टेन पे पे कर दिया तो यहाँ पर बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ ये है वो ये मान रहा है कि हमने इंटरेस्ट तो पे कर दिया पर हमने प्रिंसिपल पे नहीं किया मतलब फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हमने टेन करोड़ पे कर दिया होगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमने पे नहीं किया तो हमारा सेकेंड ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा होगा वो फोर्टी करोड़ रुपीज बचा होगा थोड़ी सी अजीब बात है पर आपको भी यही करके आना है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है मैंने क्यू आर में आप देखोगे तो मैंने डिटेल में बात की हुई है कि सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट को पे कर रहा है और इंटरेस्ट पे करने के बाद वो बैंक के पास जा रहा है वो बोल रहा है मेरे रीनेगोशिएट करो अब आप एक काम करो मुझसे पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट ले लो और मेरे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल को रिमेनिंग टेन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मुझसे लेते जाओ ठीक है और इंटरेस्ट में आपको एनुअल बेसिस पे करूंगा तो यहां पर वो यही मान रहा है कि सेकंड ईयर के एंड में उसने प्रिंसिपल रिपे नहीं किया तो उसका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो एक तरीके से आपका न्यू लोन हो जाएगा अब क्योंकि नया डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया हुआ तो रिवाइज आपका जो सीसीएफ है बेसिकली जो आपकी सीसीएफ है सीसीएफ क्या है सीसीएफ आपका ये है ये आपका CCF है। ये आपका है, प्रिंसिपल का रीपेमेंट हर साल और ये आपका इंटरेस्ट रिवाइज सीसीएफ के हिसाब से रिवाइज पेमेंट के हिसाब से आपका सीसीएफ निकलेगा सीसीएफ के हिसाब से आपका आ, वो आपका आ, क्या बोलते हैं नया डिस्काउंटिंग रेट निकल जाएगा आया समझ में कि नहीं उसके हिसाब से आप नया इब्रेरी बुक करोगे तो आपका न्यू लाइब्रेरी आपने बुक किया फोर्टी लाख रुपीज का और आपने ओल्ड लाइब्रेरी जो आपकी बुक वैल्यू थी वो आपने आ, रिवर्स कर दी आपका डिफरेंस चला गया पी एंडल में मुझे आई बात समझ में मेरी बोलो बेटा ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है क्यू आर मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा दस पंद्रह मिनट अगर दोगे तो ये क्यू आर से आप डिटेल में समझ सकते हो जिन बच्चों ने पॉइंट कैच कर लिया है वो मत देखना जो बच्चों ने पॉइंट कैच नहीं किया है वो क्यू आर कोड मैं आपको दे रहा हूँ है ना क्योंकि मैराथन को भी टाइम पे कंप्लीट करना है तो क्यू आर से आप कर लीजिएगा तो गाइस ये हो गया आपका वाला 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 पार्ट पार्ट अब आते हैं मॉडिफिकेशन मैं अप्रोच आपसे डिस्कस ही नहीं करूंगा मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन में में क्या होता है में आप कोई भी डी रिकॉग्निशन नहीं करते हो एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू को Instead, आपने जो भी मॉडिफिकेशन फीस पे किया है आप उसको एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू से माइनस कर देते हो बात भी सही है क्योंकि मॉडिफिकेशन फीस हम कभी भी पी एंडल में नहीं ले जा सकते बिकॉज फाइनेंशियल लाइब्रेरी के अंदर हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को पी एंडल में नहीं ले ले जा सकते तो मॉडिफिकेशन फीस आप अपने एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू से कर दोगे तो

न्यू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे बेस्ड ऑन रिवाइज सीसीएफ एंड एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी न्यू ईआरआई निकालोगे और न्यू ईआरआई के हिसाब से आप अपनी अगर कंटिन्यू करोगे लाइबिलिटी और एनुअल फाइनेंस कॉस्ट कंटिन्यू निकालोगे ऐसा करोगे मैं आपको बॉन्डिफिकेशन का एक क्वेश्चन दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फाइव आपका टेन ईयर का लोन था वही वाला क्वेश्चन है टेन ईयर का लोन था टेन परसेंट पर था बॉन्ड रिडीम होगा टेन ईयर्स के बाद टेन लाख रुपीज पर नो no कॉस्ट और फीस आर इनकर्ड तो इफेक्टिव रेट आपका टेन परसेंट ही हो गया आफ्टर फाइव ईयर्स एक्स वाई साइड एंड बॉन्ड होल्डर्स अग्री टू मॉडिफाई इन अकॉर्डेंस विद विच नो फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट विल बी मेड अब इंटरेस्ट इंटरेस्ट हम नहीं करेंगे बॉन्ड बॉन्ड्स फॉर रिडीम और ओरिजिनल ड्यू डेट वही पांच साल बाद रिडीम होगा रिमेनिंग पांच साल बाद सिक्सटीन लाख पे रिडीम होगा और आज का लीगल फीस है आपका फिफ्टी थाउजेंड तो सुनो अभी आपका कैरिंग अमाउंट कितना चल रहा होगा टेन लैक रुपीज ऑब्वियसली क्योंकि आपका इफेक्टिव रेट तो सेम था पर आप अभी लीगल कॉस्ट पे कर रहे हो तो फिफ्ट टेन में से फिफ्टी माइनस करोगे इसकी एंट्री क्या पास करोगे एंट्री पास करोगे लाइबरी अकाउंट अब टू बैंक अब आपकी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी बचेगी नाइन पॉइंट फाइव लैक्स और आपके रिवाइज सीसीएफ क्या है ओनली सिक्सटीन लाख आफ्टर फिफ्थ ईयर तो सिक्सटीन लाख का आज का प्रेजेंट वैल्यू कितने डिस्काउंटिंग रेट पर नाइन फिफ्टी होता है कितने डिस्काउंटिंग रेट पर 950 होता है दिस विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सर पहले तो चेक करना पड़ेगा ना कि एक्सटिंग की मॉडिफिकेशन हाँ वो मैं मान के चल रहा हूं कि वो आप चेक करोगे और जब आप चेक करोगे तो आपका एक्सटिंग्वेसमेंटे की मॉडिफिकेशन उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका देखो फोर परसेंट का चेंज है वो कैसे चेक करेंगे सर वो बेटा सिक्सटीन लैख रिवाइज डिस्काउंटिंग जो रिवाइज आपके सीसीएफ है उसकी ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो सिक्सटीन लैख डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन एक दो तीन चार पांच बस पांच तो ये आया नाइन नाइन थ्री नाइन नाइन थ्री को कंपेयर करोगे टेन लैक से तो आपका ऑफकोर्स नाइन नाइन थ्री के साथ साथ फिफ्टी थाउजेंड का मॉडिफिकेशन uh, तो ये हो गया टेन फोर्टी थ्री टेन फोर्टी थ्री को आप कंपेयर करोगे टेन लैक के साथ तो फोर्टी थ्री का डिफरेंस आ रहा है जो कि फोर परसेंट आ रहा है मतलब मॉडिफिकेशन और इस बेसिस पर बाकी मैंने आपको अकाउंटिंग समझाई कि आप रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट निकालोगे रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट आपका जो निकलेगा वो टेन पॉइंट नाइन नाइन निकलेगा वो आपको आईआरआर टेक्निक के हिसाब से निकालना पड़ेगा गैस हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट अप्रोच वन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बोलो जी ये आपको समझ में आया कि नहीं अगर आपको ब्रेक चाहिए हो तो मुझे बता देना ब्रेक चाहिए क्या यहाँ ब्रेक पे बात करें या फिर अपन कंटिन्यू करें क्योंकि अभी हमारा क्या क्या पोर्शन बचा हुआ है अभी हमारा इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट वाला पोर्शन बचा हुआ है डी रिक्निशन वाला फाइनेंशियल एसेट वाला बचा हुआ है और डेरिवेटिव वाला फाइनेंशियल एसेट वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है डेरिवेटिव वाला और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स बचे हुए हैं कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स बचे हुए हैं एक सेकेंड से, एक, एक सेकेंड बच्चे बोल रहे हैं नो ब्रेक सर ठीक है बेटा कोई बात नहीं नो ब्रेक मुझे बताओ अभी तक सब ठीक चल रहा है बेटा अभी तक कोई दिक्कत अभी तक कोई तकलीफ अभी तक कोई दिक्कत जस्ट अ सेकेंड हाँ वाटर ब्रेक तो मुझे वैसे भी लेना था क्योंकि मेरा वाटर बॉटल में पानी खत्म हो गया है तो दो मिनट का वाटर ब्रेक वाटर ब्रेक ले लेते हैं। यार निकिता गुप्ता आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो यार सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर कितने घंटे लेक्चर चलेगा बेटा क्या बेटा हाँ ऐसे हो थोड़ी होता है चलेगा यार एक डेढ़ घंटा तो चलेगा फिर खत्म हो जाएगा चलिए दो तो मिनट वाटर ब्रेक हेलो हेलो चलिए तो अब आगे बढ़ते ये हो गए आपके मॉडिफिकेशन अब एक चीज तो बच गई हाँ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टाफ एडवांस वो तो मैंने बताया ही नहीं तो सुनो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टाफ एडवांस को भी ध्यान से सुन लो क्योंकि स्टाफ एडवांस के मॉडिफिकेशन में एक छोटा सा चेंज है जहां तुम मॉडिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी में जब भी चेंज करते थे तो डिफरेंस कहा जाता है पी एंडल में

अब जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप एम्प्लॉय कॉस्ट से एडजस्ट करोगे एम्प्लॉय कॉस्ट से एडजस्ट करोगे आई बात सर में नहीं ये एम्प्लॉय कॉस्ट कितना था जब आपने स्टाफ लोन को इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था तो स्टाफ लोन आपने, आपने मान लो टेन लाख रुपीज का दिया था पर आपने लोन बुक किया था एट लाख ,00 पर तो टू लाख ,00 आपका एम्प्लॉय कॉस्ट था जिसको आप एवरी इयर डेफाइट अमोटाइज कर रहे थे मान लीजिए उस टू लैख को एमोटाइज करते करते अभी भी आपने 50 -50 करके अभी भी आपका वन लैख रुपीज कॉस्ट पड़ा हुआ है तो जो भी डिफरेंस आएगा अगर डिफरेंस लॉस के नेचर का होगा तो आपकी उससे अनोटाइज कॉस्ट बढ़ जाएगी और अगर डिफरेंस गेन के नेचर का होगा तो आपकी अनोटाइज कॉस्ट गिर जाएगी आई बात समझ में तो ऐसे का मतलब यह हुआ कि जो भी डिफरेंस आएगा स्टाफ एडवांस के लोन के अंदर वो डायरेक्टली पे एंडल में न जाके वो आपके अनोटाइज इंप्लॉय कॉस्ट के साथ एडजस्ट होगा जिसका क्वेश्चन अगर आपको देखना है जिसका क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वो है क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर 148 ये वाला क्वेश्चन है अब ये वाला क्वेश्चन पर भी आपको क्यू आर कोड देखो ऑब्वियसली मैराथन सुनने के बाद तो आप थोड़े बहुत तो क्वेश्चन खुद से करोगे करोगे है ना तो आपको ये क्यू आर कोड तो डिटेल में है पर मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन में है क्या इस क्वेश्चन में टेन लाख रुपीज का लोन दिया गया है एम्प्लॉय को और इंप्लॉयी को बोला गया है कि हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे फर्स्ट फोर लाख के ऊपर फोर परसेंट से एंड नेक्स्ट सिक्स लाख के ऊपर सेवन परसेंट से और तुम पहले ये सेवन परसेंट वाला रीपे करोगे ऐसा हम मान के चल रहे हैं ठीक है लोन टर्म है फाइव ईयर्स अगर तुम प्रीपे करते हो प्रीपेमेंट ऑप्शन फुल और पार्शियल प्रीमियम एट द द ऑप्शन ऑफ एप्लॉय इंप्लॉय ना समय से पहले पे, पे कर रहा है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन शेल बी रिकवर्ड इन फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड विल बी फर्स्ट अप्लाइड टू सेवन परसेंट जब भी तुम हमें प्रिंसिपल अमाउंट दोगे तो हम मान लेंगे कि तुम ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट पहले पे कर रहे हो ठीक है एक्स मस्ट रिमेन इन सर्विस टिल द एंड ऑफ द लोन एंड मार्केट रेट ऑफ द कंपेरेबल ये मार्केट रेट आपका 12% परसेंट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इस हिसाब से वो क्वेश्चन के अंदर ही वो आपको टेबल बना के दे रहा है और आप से आपका 7 वाला ये निकलेगा और फोर परसेंट वाला ये निकलेगा क्योंकि फोर परसेंट आपका बचे हुए फोर लाख पर निकलेगा फर्स्ट सिक्स लाख पर आपका बेसिकली वो आपका वो निकलेगा ठीक है इस हिसाब आप से आपका ये रीपेमेंट शेड्यूल है रीपेमेंट शेड्यूल बढ़िया था अब एक्स प्रीपेस टू लाख रुपीज ऑन थर्टी दिसंबर टू थाउजेंड रिड्यूसिंग द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एज ऑन द डेट ऑफ एज ऑन दैट डेट टू फोर लाख उसने क्या किया थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व को जो ओरिजिनली हमें टू लाख पे करने थे वो तो हमने किए ही किए पर हमने एक और टू लाख पे किए मतलब हमने फोर लाख पे किए मतलब थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेल्व को टू लैख के बजाय हमने फोर पे कर अगर हमने फोर लैख पे किए तो मुझे बताओ फर्दर हमारा इंटरेस्ट भी तो कम हो जाएगा जहां हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन में आपके रिवाइज टर्म्स भी आ गए अब आपके आ गए कि नहीं आ गए तो अब आप क्या करोगे बेसिकली तो रिवाइज टर्म्स जो आपके आ गए तो उन रिवाइज टर्म्स मतलब टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड और टू लैख एट थाउजेंड ये रिवाइज सीसीएफ का आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नया नहीं दिया ट्वेल्व परसेंट तो पर ही निकालोगे ठीक है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नया नहीं दिया गया है, तो ट्वेल्व परसेंट पर ही निकालोगे तो कितना आएगा यहां पर आपका टू लैख सिक्सेंड और टू लैख एट थाउजेंड और ट्वेल्व परसेंट के हिसाब से बोला ना ट्वेल्व परसेंट तो आइए करें टू लैख सिक्स डिवाइड बाई वन पॉइंट और टू लैख एट थाउजेंड क्वल टू इक्वल टू एम प्लस ये हो जाएगा आपका थ्री लैख फिफ्टी एट थाउजेंड सिक्स क्लियर हुआ और आपकी करंट कैरिंग अमाउंट कितनी रहेगी करंट कैरिंग अमाउंट आपकी कितनी बचेगी कैरिंग अमाउंट तो आप निकाल लोगे, कैरिंग अमाउंट में मान के चल रहा हूँ कि आपसे आराम से निकल जाएगा अमोटादेशन के हिसाब से यहाँ पर आपका लोन के हिसाब से आपका कैरिंग अमाउंट निकलता जाएगा एवरी ईयर और उसके हिसाब से जब आपने रीपे किया तो आपका कैरिंग अमाउंट बचेगा आपका, आपका, आपका ठीक है अब आपके जो कैरिंग एट तो अच्छा यहां पर कुछ बच्चे उलझते यहां पर मुझे बच्चे बोलेंगे कि सर कैरिंग अमाउंट फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड कैसे आया हमने तो इस टाइम पर टू लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे किए थे तो सर वो भी तो माइनस हो जाएगा आप उसको अभी मत कंसिडर करो अगर आप नेचुरली नॉर्मल पे करते तो आपका कैरिंग अमाउंट बचता फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड का उसको कंपेयर करो रिवाइज अमाउंट से 358 तो आपका जो एडजस्टमेंट आया वो 166 का आया मतलब आप अपनी असेट को गिरा रहे हो असेट को गिरा रहे हो और असेट को गिराने से आपका लॉस बढ़ेगा तो आप 166 को ले जाओगे अनोटाइज डेफर्ड एक्सपेंडिचर के साथ शुरू में आपने जो अनमोटाइज डेफर्ड एक्सपेंडिचर बुक किया था शुरू में जो आपने अनोटाइज डेफर्ड एक्सपेंडिचर बुक किया था वन का जिसको आप दो साल तक डेफर करते आए जिसको आप दो साल तक डेफर करते आए तो आप इसको उसमें जाके ऐड कर दोगे गाइज अंडरस्टूड और नॉट अब देखो आप क्या कर रहे हो 166 का आपका डेफर हो गया 166 का डेफर होने के बाद जब आपने रीपे लिया एम्प्लॉय से आपने एक्स्ट्रा लाख रुपए लिए तो कैश अकाउंट डेबिट दो लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा आ गए इंप्लॉय से प्री पेमेंट के फॉर्म में और आप इतने से अपने लोन को गिरा रहे हो 166 से तो आपका प्री पेमेंट इंप्लॉय कॉस्ट मतलब अनएमोटाइज कॉस्ट में आपने इतना एडजस्ट कर लिया यहां मैं आपको यह बोलूंगा कि आपके पास दो चॉइस है बहुत ही सिंपल सी चीज है आपके पास दो चॉइस है एक जो इंस्टीट्यूट ने किया है दूसरा मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली आपका फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड तो था ही था आप मान लो कि आपने दो लाख रुपए भी आपको मिल गए स्टाफ से तो आपके पास रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी बची थ्री लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट आपके पास इतनी बची और आपकी रिवाइज अमाउंट कितनी आई थी रिवाइज अमाउंट आई थी थ्री फिफ्टी एट सिक्स थ्री थ्री फिफ्टी एट सिक्स सेवेंटी थ्री दो एक एक मेरा वाला तरीका है मैं आपको बता रहा हूं और एक आईसीआई वाला तरीका है दोनों में आंसर सेम है तो मान लो कि आपको दो लाख रुपए भी आपने जो प्रीपे आपने करवा लिए पेमेंट एम्प्लॉय से वो उससे भी आपने अपने लोन को खत्म कर दिया आपका लोन बचा थ्री ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड का और रिवाइज वैल्यू थ्री फिफ्टी एट अब बताओ आपका डिफरेंस कितना आ रहा है थ्री फिफ्टी एट सिक्स सेवेंटी थ्री माइनस थ्री ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड तो आपका डिफरेंस आ रहा है थर्टी थ्री जीरो सेवन थ्री आपका असेट बढ़ रहा है आपका असेट बढ़ रहा है तो एंट्री होगी फाइनेंशियल अकाउंट डेबिट टू आप अनोटाइज एक्सपेंस में लेके जाओगे टू प्रीपेड इंप्लॉय कॉस्ट में आप इसको लेके जाओगे थर्टी थ्री जीरो सेवन थ्री और आईसीआई है क्या बोल रहा है आई सी नहीं बोल रहे तुम्हारी फाइव ट्वेंटीड का ही कैरिंग अमाउंट था ठीक है वो जो प्रीपे किया उसको अभी छोड़ दो और उसको तुम कंपेयर करो थ्री फिफ्टी एट थ्री फिफ्टी एट सिक्स के रिवाइज अमाउंट से जो भी तुम्हारा डिफरेंस आया अ तुम्हारी गिर रही है असेट तुम्हारी गिर रही है कितने से 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 तुम्हारी गिर रही है 168 160, 166, 928 से. 166, 928 से. तो जो असेट तुम्हारी गिर रही है वो कैसे गिर रही है तुम बोल रहे हो कि कैश तुम्हें एक्स्ट्रा प्रीपे मिला तुमने एक्स्ट्रा कैश मिला टू लैख का जिससे तुम्हारी असेट गिर रही है 166, 928 से. और बाकी का तुम्हारा वो डेफर्ड प्रीपेड एक्सपेंस गिर रहा है वही थर्टी थ्री जीरो तुम लोन में से टू लैक माइनस करके फिर कैरिंग अमाउंट अमाउंट को रिवाइज से कंपेयर करो और डिफरेंस को तुम एडजस्ट कर लो कॉस्ट से या तो फिर प्रीपे वाले को छोड़कर तुम पहले कंपेयर करो और फिर प्रीपेमेंट वाला लो और डेसेट गिराओ और डिफरेंस को तुम उतना ही मान लो आया मेरी बात समझ में कि नहीं बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर है बस यही है आपका डेफर्ट ये आपका स्टाफ वाला एडजस्टमेंट अब बेटा अपन आगे बढ़ रहे हैं ठीक है अब जब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते वक्त तो मैं आपके साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो आठ नौ घंटे वाला एक मिशन संभव बैच अभी मैं जो मिशन संभव बैच हमारा जनवरी फरवरी में चल रहा था तो मिशन संभव बैच के अंदर जब मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करवाया था वो इंग्लिश लेक्चर था

जो भी असेट तुम्हारी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में बुक हुई उसका होगा एक्सेप्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर एफवीटी पीएल कैटेगरी है तो उसका इंपेयरमेंट नहीं होगा अगर एफवीटी ओसीआई कैटेगरी में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका भी इंपेयरमेंट नहीं होगा इंपेयरमेंट के लिए मेथड कौन सा है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड बोलता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट चेक करो आप रिस्क देखो कि जो भी पेमेंट आपको फर्दर ईयर में मिलने वाला है सीसीएफ कैश कॉन्ट्रेक्चुअलो जो आपको मिलने वाले हैं उसमें कोई डिफॉल्ट होने के प्रोबेबिलिटी है क्या वो देखो और उसके लिए या तो आप लाइफ टाइम चेक करो या तो आप ट्वेल्व मंथ एक्स मिनिमम ट्वेल्व मंथ का सीसीएफ चेक करो सर ये क्या है मान लो तुम्हारा लोन का रिमेनिंग लाइफ चल रहा है फाइव ईयर्स मतलब तुम्हें स्टाफ लोन है तुम्हें स्टाफ रिमेनिंग में लोन रिपे करेगा तो टोटल लाइफ कितनी है लोन की रिमेनिंग फाइव इयर्स अगर मैं बोल रहा हूं कि ट्वेल्व मंथ ईसीएल लगाना है ईसीएल मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ट्वेल्व मतलब ये कि मैं सिर्फ नेक्स्ट मंथ के रीपेमेंट में रिस्क चेक करूंगा कि नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ में क्या रिस्क है कोई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है क्या तो उसको बोलेंगे ट्वेल्व मंथ ईसीएल पर यही लाइफ टाइम ईसीएल का मतलब हुआ

या फिर हमारी फाइनेंशियल क्रेडिट हो गई है क्रेडिट इंपेयर का मतलब होता है एक तरीके से कुछ ना कुछ कस्टमर की तरफ से डिफॉल्ट हुआ है, लग गया है।, lifetime, तो क्या होता है अगर मेरी फाइनेंशियल से मुझे पैसा मिलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो मैं या तो लाइफ टाइम ईसीएल लगाऊंगा या तो ट्वेल्व मंथ ईसीएल लगाऊंगा ट्वेल्व मंथ ईसीएल आप जनरल लेवल पे लगाते हो जैसे एनपी के प्रोविजन में स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेट के ऊपर जनरल कितना लगता है पॉइंट ना वैसे ही ये तो कंसिडर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑन कमिंग ट्वेल्व रीपेमेंट तो कमिंग टीपेमेंट में कितनी डिफॉल्ट होने के चांसेस जबकि ऑल जितने भी होने होने वाले उसमें कितने डिफॉल्ट के चांसेस अब इंपेयरमेंट निकलता कैसे है जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है फाइनेंशियल एसेट का उसमें से आपको क्या लगता है कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज कैश फ्लो है कितना पैसा डूबेगा अनरियलाइज कैश फ्लो मतलब कितना पैसा डूबेगा और उसके डूबने के चांसेस कितने हैं डिफॉल्ट होने के तो अमाउंट है 500 करोड़ डूबने के चांसेस हैं 20 परसेंट और अगर डूबा तो पूरा 500 करोड़ नहीं डूबेगा 50 परसेंट डूबेगा तो 500 करोड़ का 50 परसेंट डूबेगा मतलब 250 और उसके भी सिर्फ 20 चांसेस हैं तो 250 का 20 मतलब ये हो गया 50 तो 50 का मैं इंपेयरमेंट लॉस बुक करूंगा आई मेरी बात समझ में मैं फिफ्टी का इंपेयरमेंट लॉस बुक करूंगा ये आपको बेसिक क्रिएट क्लियर हो गया ये आपको अगर बेसिक क्लियर हो गया तो अब मैं आपको जो समझाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला इंपेयरमेंट लॉस ऑफ फाइनेंशियल असेंट लॉस अलाउंस इसको लॉस अलाउंस भी कहते हैं सर लॉस अलाउंस क्यों कहते हैं एक्चुअली क्या होता है जब आप इंपेयरमेंट की एंट्री पास करते हो तो आप एंट्री पास करते हो इंपेयरमेंट लॉस जिसको आप पी एंड में लेके जाते हो टू लॉस अलाउंस

अब देखो इसके लिए हम मेथड कौन सा फॉलो करते हैं अप्लाई एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड ईसीएल ईसीएल दो प्रकार के होते हैं ट्वेल्व मंथ ईसीएल लाइफ टाइम ईसीएल ठीक है और फॉर्मूला क्या होता है फाइनेंशियल का कैरिंग अमाउंट फाइनेंशियल का कैरिंग अमाउंट एलजीडी एलजीडी मतलब लॉस गिवन डिफॉल्ट एलजीडी का मतलब लॉस गिवन डिफॉल्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो ये जो एलजीडी है ना ये वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो मतलब कितना पैसा डूबेगा िटी ऑफ अनियलाइज कैश फ्लो को अपन एलजीडी बोलते हैं लॉस गिवन डिफॉल्ट कितने का लॉस हो सकता है कितना पैसा डूब सकता है और मल्टीप्लाई किया आपने पीओडी पीओडी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट तो तो इतने हिसाब से आपका बनता है तो सर इसमें मंथ और लाइफ टाइम कहां आया बेटा जो पीओडी निकाल रहे हो ना ये पीओडी या तो ट्वेल्व मंथ के बेसिस पर निकलेगा या तो लाइफ टाइम के बेसिस पर निकलेगा ठीक है अब कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है हमें ट्वेल्व मंथ लॉन्ग टर्म कौन सा अप्लाई करना है अप्लाई दिस मेथड ऑन कैसे अप्लाई करना है देखो अब दो तरीके होते हैं एक होता है स्पेसिफिक फाइनेंशियल मान लो विजय माल्या नीरव मोदी टाइप के जो लोग हैं बैंक उनके ऊपर अलग से इंपेयरमेंट टेक्निक फॉलो करेगी उसको बोलेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल असेट पर ऐसे लोग तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं बाकी जितने भी अब ये ना मान के चलो हम बैंक की बात कर रहे हैं बैंक ने अपने कस्टमर्स को लोन दिए। तो बैंक के बाकी के जो जनरल कस्टमर्स हैं जनरल कस्टमर्स हैं बैंक उनके ऊपर जनरल अप्रोच फॉलो करेगी दो टाइप की अप्रोच होती है एक होती है स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल के ऊपर अलग से इंपेयरमेंट करो और एक जनरल कोई विजय माले टाइप के नहीं हमारे पचास सौ कस्टमर से हम सबके ऊपर थोड़ी स्पेसिफिक करते बैठेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा तो जनरल बेसिस पे करो समझ आज लोन की कैरिंग अमाउंट कितनी है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैरिंग अमाउंट टू बी रियलाइज कितना रियलाइज होने के चांसेस रियल कितना कैरिंग अमाउंट है और कितना रियलाइज होने के चांसेस हैं जो भी डिफरेंस आया वो हो गया इंपेयरमेंट लॉस जो भी डिफरेंस आया इंपेयरमेंट लॉस देखिए मास्टर प्रॉब्लम में मैं आपको दिखा देता हूं शुरू शुरू में दिखेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल थ्री स्टाफ लोन दिया टेन लाख रुपी का फोर इक्वल इन प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है इंटरेस्ट सेपरेटली थ्री परसेंट होगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाइन परसेंट है ठीक है फर्स्ट ईयर पेमेंट रिसीव ऑन टाइम पहले साल का पेमेंट टाइम पे मिला बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट इज एस्टिमेटेड द रिमेनिंग प्रिंसिपल कैन बी रिकवर्ड ओनली आफ्टर फाइव ईयर अरे बाप रे और नो इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड तो आप फर्स्ट ईयर के एंड में कैरिंग अमाउंट निकालोगे तो आपके फर्स्ट ईयर के एंड में कैरिंग अमाउंट कितनी निकलेगी फर्स्ट ईयर के एंड में कैरिंग अमाउंट कितनी निकलेगी सिक्स सेवेंटी वन एट एटी टू क्योंकि फोर इयर्स का लोन था उसमें से एक साल हो गया तो रिमेनिंग थ्री एक्सपेक्टेड आई मेरी बात समझ में नहीं। तो आपका बचा किता था सेवन लैख्टी थाउजेंड बचा था क्योंकि फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना था उसमें से एक तो मिल गया होगा ना तो ये मुझे मिलेगा फाइव इयर्स के बाद नाइन परसेंट का डिस्काउंटिंग रेट है तो मुझे मिलेगा एक्सपेक्टेड फोर एटी सेवन तो

मुझे आपके रिप्लाई आ रहे हैं बट अगेन नेक्स्ट जनरल अप्रोच कंबाइंड अप्रोच

और अगर मॉडरेट या उससे ज्यादा है क्रेडिट रिस्क क्रेडिट रिस्क मतलब पैसा डूबने के चांसेस रिस्क बहुत कम है बढ़िया चल रहा है तो ईसीएल मत लगाओ फिर आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस मतलब प्रोविजन फॉर डेट्स आया समझ में कि मतलब नहीं और जब आप फाइनली अपनी फाइनेंशियल एसेट को डी रिकॉग्नाइज करोगे या सेल करोगे या लॉस्ट हो गई तो क्या करोगे ये जो लॉस अलाउंस आपने बना के रखा था इसको रिवर्स करो और फाइनेंशियल एसेट को डी रिकॉग्नाइज करो और डिफरेंस कहां ले जाओ पीएनएल में आया समझ में एक आखिरी बात इंपेयरमेंट लॉस निकालने के साथ-साथ जब आप हर साल का इंटरेस्ट इनकम हाउ टू चार्ज इंटरेस्ट इनकम जब आप हर साल का इंटरेस्ट इनकम निकालते हो तो उस केस में क्या होगा अगर आप इंपेयरमेंट के लिए ट्वेल्व मंथ ईसीएल का मेथड लगा रहे थे तो इंटरेस्ट इनकम आपकी ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल पे निकलेगी अब आप बोलोगे सर ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल क्या होती है मान लीजिए यहां पर आपकी फाइनेंशियल असेट है फाइव हंड्रेड करोड़ की और आपने यहां पर इंपेयरमेंट लॉस बुक किया सपोज टेन करोड़ का ठीक है तो मैं फाइव हंड्रेड को बोलूंगा ग्रॉस और याद है आप बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस प्रोविजन नेट दिखाते हो बैलेंस शीट में दिखता नेट है पर इंटरनल आपका ग्रॉस माइनस प्रोविजन दिखता है वैसे ही ये है ग्रॉस फाइव हंड्रेड लेस लॉस अलाउंस टेन तो नेट है फोर नाइनटी तो इंटरेस्ट इनकम कैसे बुक करेंगे इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट पे बेसिकली मतलब फाइव हंड्रेड के हिसाब से भले आपका लो आपका बैलेंस शीट में जो रिमे जो फाइनेंशियल है नेट फोर नाइनटी दिख रहा है बैलेंस शीट में फाइनेंशियल दिख रहा है पर लॉस अलाउंस अलग से लेजर है और फाइनेंशियल का लेजर अलग है तो अगर आप ट्वेल्व मंथ ईसीएल लगा रहे हो तो आप ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल के ऊपर इंटरेस्ट बुक करोगे अगर आप लाइफ टाइम ईसीएल निकाल रहे हो लाइफ टाइम ईसीएल लगा रहे हो उसमें भी क्रेडिट रिस्क इज मॉडरेट टू हाई क्रेडिट रिस्क मॉडरेट से हाई के बीच में तो भी आप ग्रॉस वैल्यू के ऊपर ही इंटरेस्ट निकालोगे इंटरेस्ट इनकम हर साल का बुक करोगे पर एक बार अगर क्रेडिट 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 रिस्क बढ़ बढ़ गया बढ़ गया credit impaired, credit impaired हो गया सिग्निफिकेंटली हो सेट बिल्कुल अब तो भैया ना के बराबर चांसेस मिलेगा नहीं पैसा ठीक है ना क्या कस्टमर भाग गया तो अब आप नेट वैल्यू पर इंटरेस्ट बुक करोगे आपको याद है बचपन में आपको सिखाया जाता था पता नहीं एडवांस अकाउंट्स में वो पढ़ा था कि नहीं के आ, बेसिस पर जब जो आपने बैंक किया होगा तो इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे करना चाहिए तो परफॉर्मिंग उसके ऊपर होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करना चाहिए यहां भी ऐसे ही याद रख सकते हो कि अगर नॉन परफॉर्मिंग है मतलब बिल्कुल ही उजड बिल्कुल भाग एसेट खत्म होने वाली है तो आप नेट वैल्यू पे इंटरेस्ट बुक करोगे नेट वैल्यू मतलब 490 हमारे हिसाब से 500 हंड्रेड माइनस टेन ठीक है तो ये फंडा है आपका इंपेयरमेंट का अगर आप एग्जाम्पल नंबर फोर देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा एग्जाम्पल नंबर फोर में आपका फाइव हंड्रेड का असेट है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट बॉन्ड के हिसाब से आपने असेट uh, में इन्वेस्टमेंट किया है ठीक है और इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली प्रिंसिपल विल बी पेबल आफ्टर फोर इयर्स एट एट परसेंट प्रीमियम इंटेंशन टू होल्ड होल्डिल मेचोरिटी ठीक है सबसे पहले तो भाई इसमें क्योंकि प्रिंसिपल आफ्टर uh, आपको मिलेगा एट परसेंट प्रीमियम पे तो डेफिनेटली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा मैंने बता दिया कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका नाइन लगेगा अब ये वाली बात ठीक है फर्स्ट ईयर में क्या हुआ फर्स्ट ईयर में फाइव हंड्रेड का आपका लोन का अमाउंट है फाइव हंड्रेड के ऊपर आप नाइन पॉइंट टू फोर लगाओगे तो आपका इंटरेस्ट इनकम आया फोर पॉइंट सिक्स फिर आपको रीपेमेंट कितना आया सेवन पॉइंट फाइव परसेंट फाइव हंड्रेड का सेवन पॉइंट मतलब थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का आपको रीपेमेंट आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस आया अगर सब अच्छा चला कोई भी रिस्क विस्क नहीं हुई तो ये प्रॉपर आपका शेड्यूल बढ़िया चलेगा ये आपका अग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल है जो प्रॉपर इंटरेस्ट निकल रहा है इफेक्टिव रेट के हिसाब से और आपका रीपेमेंट हो रहा है और आपका जीरो हो जाएगा पर फर्स्ट ईयर में हुआ क्या फर्स्ट इंटरेस्ट रिसीव नो सिग्निफिकेंट जीरो मतलब आपका इंपेयरमेंट होगा ही नहीं जब पीओडी जीरो इंपेयरमेंट हो तो ही नहीं सकता तो आपका फर्स्ट इतना फाइव हंड्रेड इंटरेस्ट निकला पेमेंट हुआ क्लोजिंग बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस जीरो सेकेंड इंटरेस्ट रिसीव हो गया आपको पर आप नो सिग्निफिकेंट रिस्क अभी भी रिस्क ज्यादा बड़ी नहीं है तो मंथ लगाओगे इस बार POD है फाइव तो कैसे लगाओगे अच्छा और लॉस गिवन डिफॉल्ट कितना है 20%, मतलब 20 recover नहीं हो पाएगा तो आप सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो ये आपका ओपनिंग बैलेंस आया फाइव जीरो एट का इसके नाइन पॉइंट टू फोर का इंटरेस्ट निकाला फोर्टी सेवन आपको रीपेमेंट इंटरेस्ट मिल गया थर्टी सेन एट अब फाइव वन एट के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकालोगे ये देखिए आपका डूबने के 20%, और होने के तो ये आपका का एंट्री आप पास करोगे impairment loss account debit to loss -loss. ओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो Third year में इंटरेस्ट नॉट रिसीव ओ रे इंटरेस्ट नहीं मिला सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क तो आप लाइफ टाइम ईसीएल लगाओगे पीओडी आपका एट परसेंट और लॉस गिवन डिफॉल्टी परसेंट तो सबसे पहले तो बाई वन एट अगले साल ओपनिंग बैलेंस आया इंटरेस्ट चार्ज इंटरेस्ट इनकम बुक किया हमने पर पेमेंट हमें मिला ही नहीं क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ और इंटरेस्ट इनकम देखो हमने कितने में बुक किया क्रॉस पे बुक किया क्रॉस पे, पे इसलिए बुक किया क्योंकि भले सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क है मैंने आपको बताया था कि इवन दो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हो जाए क्रेडिट रिस्क इज मॉडरेट टू हाई हो जाए तो भी ग्रॉस वैल्यू पर ही लगाएंगे तो बेसिकली आपने अभी भी ग्रॉस वैल्यू पर ही लगाया है फाइव वन एट पॉइंट टू मल्टीप्लाय बाय नाइन पॉइंट टू फोर परसेंटेज मतलब फोर्टी सेवन पॉइंट एट एट फिर आपको मिला कुछ नहीं यहां पर आपका क्लोजिंग बैलेंस आया अब आप क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर वापस से इंपेयरमेंट निकालोगे आपका इंपेयरमेंट कैसे निकलेगा आपका इंपेयरमेंट कैसे निकलेगा ये आपका फाइव सिक्सटी सिक्स है बैलेंस ठीक है फाइव सिक्सटी सिक्स बैलेंस है तो फाइव सिक्सटी सिक्स पॉइंट जीरो एट का आपका 90 परसेंट वैल्यू रिकवर नहीं हो पाएगा और जिसके चांसेस एक सेकेंड 90 परसेंट ना हाँ और जिसके चांसेस हैं डिफॉल्ट के एट परसेंट चलो बोलो फाइव सिक्सटी सिक्स पॉइंट जीरो एट मल्टीप्लाई बाय नाइन्टी परसेंट मल्टीप्लाई बाय एट परसेंट ये हो जाएगा आपका फोर्टी पॉइंट सेवन फाइव एट इतना इंपेयरमेंट लॉस बनता है जिसमें से पिछली बार आपका इंपेयरमेंट लॉस वन पॉइंट फाइव फाइव आप बुक कर चुके हो तो बाकी का आप रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस बुक थर्टी पॉइंट टू वन तो थर्टी टू वन आपका इंपेयरमेंट लॉस बुक होगा और एंट्री वही इंपेयरमेंट लॉस ऑफ डेबिट टू लॉस अलाउंस लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरेस्ट नॉट रिसीव बॉरवर डिफॉल्ट जैसे ही बोरवोव का डिफॉल्ट आया अब आपका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया क्रेडिट इंपेयर हो गया अब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो सही पर नेट वैल्यू पर निकालोगे तो बेसिकली नेट वैल्यू कितनी है नेट वैल्यू आपकी देखो इस बार आपका ओपनिंग बैलेंस फाइव सिक्सटी सिक्स है पर आप ऑलरेडी इंपेयरमेंट कितना बुक कर चुके हो आज तक फोर्टी तो आपका नेट वैल्यू देखो कितना है फाइव सिक्सटी सिक्स माइनस फोर्टी पॉइंट सेवन सिक्स आप इंटरेस्ट बुक करोगे नेट वैल्यू जो कि आपका निकलेगा फोर्टी एट पॉइंट फाइव फोर और आपको रिकवर कितना हुआ यहां पर आपको 80 लाख रुपीज का रिकवर हुआ 80 लाख का रिकवर हुआ बाकी आपका असेट खत्म कर दोगे आप 534 से 534 से जब असेट खत्म करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे 534 से आप फाइनेंशियल असेट खत्म कर दोगे आपका लॉस अलाउंस आज तक आपने बुक किया था 40.76 तो लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40.76 बाकी का डिफरेंस आपका पी एंड एल में इंपेयरमेंट लॉस फर्दर बुक हो जाएगा गाइस इस तरीके से आपका इंपेयरमेंट टेक्निक होता है समझ में आया कि नहीं तो ये था आपका इंपेयरमेंट लॉस अब आते हैं आपके डी रिकॉग्निशन पर डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल फाइनेट असेट जब आपकी डी रिकॉग्निशन होती है तो क्या होती है फुल डिस्पोजल जब आप फाइनेंशियल को पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देते हो तो जो भी आपका डिफरेंस आता है वो पीएनएल में जाता है कोई दिक्कत नहीं पार्शियल डिस्पोजल पार्शियल डिस्पोजल मतलब होता है कई बार ऐसा होता है कि मैंने प्रिंसिपल पार्ट का ट्रांसफर कर दिया राइट और इंटरेस्ट पार्ट मैं खुद कलेक्ट करूंगा मान लो मेरा लोन चल रहा है और मैं अपने कस्टमर से इंटरेस्ट पार्ट खुद कलेक्ट करूंगा और प्रिंसिपल पार्ट मैंने किसी और बैंक को दे दिया तो ये पार्शियल डिस्पोजल होता है पार्शियल डी रिक्निशन ऐसे केस में पूरे के पूरे, के पूरे के कैरिंग अमाउंट को आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है एक होता है स्ट्रिप सोल्ड मतलब कॉम्पोनें सोल्ड और दूसरा होता है कॉम्पोनेंट्स अनसोल्ड मतलब उसमें कॉम्पोनेंट में प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट अनसोल्ड अगर हो सकता है अलग से आपको सर्विस असेट के फॉर्म में बताया जाए कि भाई Uh, जो अनसोल्ड पार्ट है उसमें कुछ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है तो उसको भी आप अलग से दिखाओगे अब आप ये करते कैसे हो अगर आपको कैरिंग अमाउंट के दो हिस्से करने पड़ते हैं सोल्ड पार्ट और रिटेन्ड पार्ट आप ये करते कैसे हो ये कैसे अलोकेट करते हो ये अलोकेट करते हो आप उनके रिस्पेक्टिव फेयर फेयर वैल्यू के प्रपोर्शन में आप किसके प्रपोर्शन में करते हो अब इन द प्रोपोर्शन टू फेयर वैल्यूज आप सोल्ड पार्ट और रिटेन पार्ट की फेयर वैल्यूज करते हो अब आप बोलोगे सर फेयर वैल्यू हम कहां से लाएंगे मोस्टली आपको क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दिया रहेगा बट फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होगा ये देखिए अगला क्वेश्चन ये देखिए अगला क्वेश्चन पार्शल रिकॉग्निशन का यहां पर हमने एक एडवांस दिया है लोन अमाउंट टेन लाख रुपीज का तो कैरिंग अमाउंट टेन लाख रुपीज है कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट है रिमेनिंग टर्म्स फाइव ईयर से प्रिंसिपल रीपेमेंट फिफ्थ ईयर में होगा बैंक ने क्या ट्रांसफर किया इंटरेस्ट कैश फ्लो ट्रांसफर कर दिया अनदर पार्टी को कितने में ट्रांसफर किया थ्री लाख में तो ये तो सेल प्रोसीड्स हो गया

सोल्ड पार्ट का पेयर वैल्यू आ गया और जो रिटेन है, वो है आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो सबसे लास्ट में पे किया जाएगा फिफ्थ ईयर में तो फिफ्थ ईयर में प्रिंसिपल कितना रिपे किया जाएगा टेन लैख तो टेन लैख का प्रेजेंट वैल्यू नाइन परसेंट पर ये आपका आ गया रिटेन पार्ट का फेयर वैल्यू सिक्स फोर्टी नाइन अब आप क्या करोगे आप टेन लैख रुपीज को रिटेन्ड पार्ट के फेयर वैल्यू और सोल्ड पार्ट के फेयर वैल्यू के प्रपोर्शन में अलोकेट करोगे जिससे आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पार्ट सोल्ड जो है वो आपको मिल गया थ्री ट्वेंटी थ्री और आप उसको बेच रहे हो लाख like में तो आपका नुकसान बुक हो जाएगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड से नुकसान बुक हो जाएगा उससे पहले आपने अपने लोन के जो दो हिस्से किए आप अपने लोन को डी रिकॉग्नाइज करके दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो रिटेन्ड पार्ट और सोल्ड पार्ट कुछ आया समझ में कि नहीं ये होता है आपका डी रिक्निशन ऑफ फाइनेंशियल अगला एग्जाम्पल भी है आप उसको भी करके देखना आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये डी रिक्निशन वाले चीजें करके देखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे होता है इसमें मिशन संभव बैच के अंदर भी मैंने बहुत सारा डिटेल में डिस्कस किया है ये वाला पॉइंट ठीक है चलिए पर मैं ओवरऑल बताऊं तो डी रिकॉग्निशन कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप इतना पोर्शन तो कम कम से रिटेन पार्ट सोल्ड पार्ट वाला पॉइंट जरूर करके जाना चलिए अब क्या आया अब आपका बचा है डेरिवेटिव वाला पोर्शन तो आइए डेरिवेटिव वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे अब। एक बार रिप्लाई कर दो प्लीज कितने बच्चे बने हुए अभी तक मेरे साथ अगर बच्चे हैं तो बच्चे तो बहुत सारे दिख रहे हैं पर रिप्लाई कम है अब हम आएंगे डेरिवेटिव वाले पार्ट पे डेरिवेटिव वाले पार्ट पे आके मुझे याद है मैंने ऊपर बायबैक वाला छोटा सा पॉइंट छोड़ा हुआ है डोंट वरी मुझे याद है बायबैक वाला मैंने पॉइंट छोड़ा हुआ है अभी हम जिंदा है हाँ बस जिंदा रहना प्लीज आधा पौन घंटा और अभी तक सब चीजें जा रही है सही क्योंकि रिप्लाई अभी बीच में आना बंद हो गया मुझे लगा बाप रे पता नहीं इनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब आते हैं हम डेरिवेटिव वाले पार्ट पे डेरिवेटिव वाला पार्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है पर उसके अंदर एम्बेडेड डेरिवेटिव वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने इस बार एमटीपी में भी दिया है आना? और इसके अलावा एम्बेडेड डेरिवेटिव के अलावा कैश फ्लो हैज रिजर्व ठीक है ना कैश फ्लो हैज वाली अकाउंटिंग एस सच इंपॉर्टेंट नहीं है कैश फ्लो हैज वाली अकाउंटिंग जो है वो थेरिटिकली इंपॉर्टेंट है पर मैंने उस पर दो क्वेश्चन आपको अपने मास्टर प्रॉब्लम्स में दिए हुए हैं मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट में दिए हुए हैं विद सोल्यूशंस तो डेरिवेटिव में सिर्फ एम्बेटेड डेरिवेटिव वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से कंपेरेटिवली ईजी होते हैं आइए चलिए चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव क्या है डेरिवेटिव बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन अंडरलाइन जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी अंडरलाइन के ऊपर ठीक है मैं हमेशा बोलता हूं कि दही दही मतलब कर्ड इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ मिल्क तो मिल्क से दही बनी अगर मिल्क के प्राइजेस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फ्यूचर में दही और मिल्क से बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस भी बढ़ेंगे तो दही इज अ डेरिवेटिव ऑफ़ मिल्क कर्ड इज़ अटिव तो बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जिसकी वैल्यू चेंज होती है बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन अंडरलाइन कुड बी द शेयर इंडेक्स गोल्ड ये सब विच ज सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट ऐसा मतलब जो फ्यूचर की डेट पर सेटल होता है और जिसमें हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वेरी लिटिल मतलब परसेंटेज के फॉर्म में वेरी लिटिल ठीक है ठीक है बेटा चलिए आगे तो ये हो गया डेरिवेटिव आप डेरिवेटिव को, कोई कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा चलो छोड़ो बेसिक बेसिक रूल रूल क्या है ये है ये कि आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को एज as अट या एज अ डेरिवेटिव या डेरिवेटिव लाइब्रेट बुक करते हो बैलेंस शीट डेट पर सर क्यों क्योंकि बैलेंस शीट डेट पर आप अपनी पोजीशन चेक करते हो कि आप जीत रहे हो कि आप हार रहे हो जिसमें भी आपने पैसा लगाया है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में आपका वो वैल्यू बढ़ रहा है कि गिर रहा है तो अगर आप ये सोच के करते हो कि बैलेंस शीट डेट पर अगर मैं सेटलमेंट कर दूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा या मुझे कितना पे करना पड़ेगा वो आपकी पोजीशन होती है और उस पोजीशन को आप अट लाइब्रेरी के फॉर्म में बुक करते हो जो मैंने आपको अभी बोला कि सेटलमेंट अगर मैं आज ही के दिन कर दूं तो कितना होगा तो वही उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू बेसिकली आप उसको आज सेटलमेंट कर दोगे तो फेयर वैल्यू पे सेटलमेंट कर दोगे तो बेसिक रूल क्या है बैलेंस शीट डेट पर आप डेरिवेटिव बुक करते हो ठीक है ना इनिशियल बेस इनिशियल डेट पर जनरली डेरिवेटिव बुक नहीं होता डेरिवेटिव में क्या क्या होते हैं भाई डेरिवेटिव बहुत टाइप के होते हैं डेरिवेटिव फ्यूचर्स होते हैं फॉरवर्ड्स होते हैं डेरिवेटिव ऑप्शन होते हैं एम्बेडेड होते हैं ये सब होते हैं उसके बाद हेज अकाउंटिंग तो है ही सही अब डेरिवेटिव फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स क्या है सबसे पहले डेरिवेटिव फ्यूचर्स हो चाहे फॉरवर्ड्स हो दोनों की अकाउंटिंग सेम है फंडा क्या है लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन डेरिवेटिव फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में दो पोजिशन होती है एक होती है लॉन्ग एक होती है शॉर्ट लॉन्ग मतलब मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी मैं किसी ऊपर भी पैसा लगा सकता वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना? और शॉर्ट मतलब वैल्यू गिरेगी अगर वैल्यू सच में गिरी तो तो मैं जीतूंगा। ऐसा होता है, है? ठीक प्राइस तो प्राइस विल प्राइस विल राइज, फॉल, गिर गई बैलेंशियल डेट पर उल्टा मैंने बोला वैल्यू बढ़ेगी वैल्यू गिर गई तो मेरी है तो फेवरेबल पोजिशन में आप डेरिवेटिव असेट बुक करते हो करते हो डेरिवेटिव बुक तो करते हो फेयर वैल्यू लॉस टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी इस तरीके से आप अपनी पोजीशन चेक करके करते हो सर असट लाइबिलिटी तो बुक हो गई सर सेटल कब होगी फर्दर जब सेटलमेंट डेट आएगा तो उसमें आप इसको वापस से रिवेल्यू करोगे अपनी पोजिशन चेक करके और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव या डेरिवेटिव अटिव अकाउंट डेबिट टू बैंक मतलब अकाउंट डेबिट टू बैंक डिपेंड करता है कि लाइब्रेरी सेटल हो रही है सेटल हो रही है और बैंक से आप सेटल कर दोगे सिंपली बैलेंस शीट डेट पर आपने मेजर किया फिर सेटलमेंट डेट पर आप रीमेजर करोगे गेन लॉस फिर से बुक करोगे और फिर रीपे कर दोगे या रिसीव कर दोगे सिंपली आया बस समझ में नहीं सर इसमें वो मार्जिन मार्जिन होता है बेटा इनिशियल अगर आप मार्जिन पे कर रहे हो वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह ट्रीट होता है वो आपको मार्जिन लालस में वापस हो जाएगा सर मार्जिन अगर कट के मिला तो बाकी के आपके अमाउंट आपका एक्सपेंस होता है वो आप पी में डालते हो सिंपली सर वो डेली मार्जिन का क्या कॉन्सेप्ट है उस पर इंस्टीट्यूट आपसे बात नहीं करेगा डेली मार्जिन की वरी ठीक है फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स दिखा देता हूं मैं आपको क्वेश्चन ये एक डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट ये एक क्वेश्चन है डेरिवेटिव का थेटिकल क्वेश्चन है जरूर करके जाना इसमें वो पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट थ्री तीनों कॉन्ट्रैक्ट मुझे हमें बताइए कि डेरिवेटिव है कि नहीं है बेसिकली डेरिवेटिव के अंदर ये भी कहा जाता है कि फिजिकल डिलीवरी नहीं होनी चाहिए अगर फिजिकल डिलीवरी हो रही है तो माना जाएगा कि वो आ, कहीं ना कहीं गुड्स अगर आप फिजिकल डिलीवरी ले रहे हो तो आप ओन यूज के लिए गुड्स ले रहे हो तो ओन यूज इज बेसिकली नॉट कंसिडर्ड एज अ डेरिवेटिव और अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हो मतलब आपने खरीद के बेच दिया

परचेस वो वो फ्यूचर में परचेस करने वाली है तो मुझे बताओ अगर तुम आज ये बोल रहे हो कि यार मुझे ना फ्यूचर में ना सीए सीए बनने के बाद ना मेरे को ना फॉरेन ट्रिप पे जाना है तो मेरे को ना फ्यूचर में डॉलर लगेंगे तो तुम क्या करोगे तुम्हें डर किस चीज का होगा तुम्हें डर बढ़ने का होगा डॉलर के बढ़ने का डर होगा तो तुम बढ़ने के ऊपर ही तो पैसा लगाओगे ना तो भाई डर जिस पे होगा उसी के ऊपर पैसा लगाओगे तो तुम्हें डर डर क्या है कि यार डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो तुम डेरिवेटिव में बढ़ने के ऊपर ही पैसा लगाओगे ठीक है तो तुम लॉन्ग पोजिशन ले रहे हो तो कितने के ऊपर लगा लगा पैसा लगाया तुमने ट्वेंटी कब लगा रहे हो तुम्हें चाहिए कब तुम्हें चाहिए थर्टी दिसंबर में मतलब एक साल बाद तुम्हें डॉलर चाहिए ठीक है और तुमने आज रेट बुक कर लिया रेट तुम्हारा आ गया सिक्सटी एट का तुमने 68 पर बुक कर लिया अब अगर सिक्सटी एट से ऊपर वैल्यू बढ़ी तो तुम्हारा फायदा फायदा हुआ ना क्योंकि तुम बोल रहे हो भाई मैं तो और अगर वैल्यू नीचे आ गई 68 से कम आ गई तो सत्यानाश मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बुक किया ठीक है बाकी बोल रहा है कि हमने मार्जिन मार्जिन पे नहीं किया छोड़ो अब बोल रहा है कि हर क्वार्टरली बैलेंस डेट पर हम रीमेजरमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले जब तुमने रीमेजरमेंट किया ट्वेंटी फाइव शिफ्ट माइनस ट्वेंटी मतलब नुकसान हो गया फालतू में तुमने बुक कर लिया डॉलर का रेट सस्ता हो गया डॉलर गिर गया है भाई तुमने लॉन्ग पोजिशन ली थी तुम्हारा गिर गया तो तुम क्या करोगे डेरिवेटिव लाइब्रेरी बुक करोगे लॉस बुक करोगे पी एंडल में तो देखो थर्टी फर्स्ट मार्च को तुम थर्टी फर्स्ट मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेरिवेटिव लाइब्रेरी बुक करोगे ट्वेंटी फाइव थाउज से आया समझ में कि नहीं फिर उसके बाद थर्टी जून को थोड़ी सी पोजीशन हल्की सी ठीक हुई है क्योंकि 25 नेगेटिव से वैल्यूज 15 नेगेटिव हो गई बेटा ये मार्क टू मार्केट फेयर वैल्यूज है मार्क टू मार्केट वैल्यूज मतलब बेसिस पे कम हुए 25 नेगेटिव चल रहा था अब 15 नेगेटिव हो गया मतलब टेन मार्केट उठा है मार्केट बड़ा है ठीक है तो टेन से तुम अपनी डेरिवेटिव लाइबेरी को रिवर्स करोगे तो डेरिवेटिव लाइब्रेरी को रिवर्स किया और प्रॉफिट बुक किया नेक्स्ट क्वार्टर में अब तुम्हारी नेट डेरिवेटिव लाइब्रेरी अभी भी फिफ्टीन की दिख रही है फिर थाथ देखो रे मार्केट तो बढ़िया उठ गया अच्छा किया मैंने 68 पे बुक कर लिया था मार्केट तो जबरदस्त उठ, उठ गया है शानदार उठ गया बेटा मार्केट तो मतलब माइनस से ट्वेल्ल प्लस ट्वेल्व हो गया मतलब सेवन थाउजेंड का प्रॉफिट बुक करोगे ट्वेंटी थाउजेंड प्रॉफिट बुक करने के लिए तुम तो अपनी डेरीवेटिव की रिवर्स करोगे और ट्वेल्व थाउजेंड की डेरीवेटिव असेट बुक करोगे की रिवर्स होगी असट बुक होगी न्यू और आपका प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट बुक होगा 27,000 का अभी तक बढ़िया पोजीशन चल रही थी तीसरे क्वार्टर के और मार्केट तो ऊपर ही है झटका मतलब लगा तुमने बोला शिफ्ट सिक्सटी सिक्स रुपीज वैल्यू हो गई अल्टीमेटली तुम्हें नुकसान हो गया अब तुम्हें तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट सिक्सटी एट में खरीदने का कर लिया था भाई तो तुम तो 68 में ही खरीदोगे डॉलर मतलब तुम आज पेमेंट कितना करोगे 68 के हिसाब से तो सिक्सटी एट मल्टीप्लाई पेमेंट कितना करोगे 68 के हिसाब से तो देखो तुम आज पेमेंट करोगे 68 के हिसाब से फिक्स रेट जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रेट था तुम उसके हिसाब से पेमेंट करोगे पेमेंट कर दिया ठीक है और तुम्हें आज क्या मिल गए डॉलर डॉलर तुम्हारे लिए क्या है फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल शुड बी बुकड एट फेयर वैल्यू और आज उसकी fair value कितनी है डॉलर अकाउंट डेबिट कर रहे हो और टू कैश मतलब रुपी वाला कैश तो तुम आज उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे हो ये देखो तुमने उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया आया समझ में नहीं तो तुम्हारा कैश गया जो तुमने एक्चुअल पेमेंट किया तुम्हें डॉलर मिल गए तो आज फेयर वैल्यू पे किया और लास्ट टाइम तुम्हारी कोई असेट बुक करके रखी थी तुमने ट्वेल्व थाउजेंड की गई गई बहस पानी में नहीं ये वाली क्या थी मछली छपैक गई छपैक हो गई तो भैया क्या हुआ टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट को रिवर्स कर दो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया अब जो भी डिफरेंस आया वो तुम्हारा नुकसान फिफ्टी टू थाउजेंड का अगर तुम ओवरऑल देखो तो तुम्हें शुरू में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का नुकसान फिर तुम्हें टेन का फायदा तो ट्वेंटी फाइव माइनस टेन फिर तुम्हें ट्वेंटी सेवन का फायदा ट्वेंटी और फिर 52 का नुकसान, तो प्लस 52. अगर तुम इसको नेट करो, तो तुम्हें ओवरऑल का लॉस हुआ है। चेक करते हैं 68 में बुक किया था, रेट हो गया फोर्टी थाउजेंड मतलब के नुकसान को तुमने हर क्वार्टर में मार्क टू मार्केट के हिसाब से बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं यस yes, श्रीम गौर मैंने उसको डिस्कस किया है गाइस समझ में आया कि नहीं तो वॉज डेरिवेटिव समझ में आया उसके बाद ऑप्शंस, ऑप्शन क्या होते हैं भाई ऑप्शंस, ऑप्शन ऑप्शन में क्या होता है आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपके पास एक राइट होता है कि भाई आप उसको एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे ठीक है आप एक्सरसाइज तभी करते हो जब आपकी फेवरेबल पोजीशन होती है आप एक्सरसाइज नहीं करते हो आपको लगता है मैं मार्केट मैं मार्केट गिर गया क्यों एक्सरसाइज करूं छोड़ो तो आपने जो प्रीमियम पे किया एक तरीके से वो नॉन रिफंडेबल प्रीमियम होता है तो ऑप्शन डेरिवेटिव ऑप्शन में होता क्या है एक होता है कॉल ऑप्शन एक होता है पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय द मार्केट प्राइस इज हायर राइट टू बाय वेद द मार्केट प्राइस इज हायर मैंने कॉल ऑप्शन लिया सौ रुपए में मतलब मुझे सौ रुपए में खरीदने का राइट right है अगर मार्केट में प्राइस सौ रुपए से ऊपर है तो अगर मार्केट में ही प्राइस सौ रुपए से नीचे है, तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज क्यों करूं ठीक है ना और पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल मैं बेचने में हंड्रेड रुपीज में बेचने का राइट right है अगर मार्केट में वैल्यू कम है तो वैल्यू मार्केट में कम होगी एट्टी रुपीज नाइनटी रुपीज और मैं बेचूंगा तो ही बताऊंगी मुझे फायदा होगा ना इंसान फायदे के लिए काम करता है यहां पर तो कॉल ऑप्शन राइट टू बाय व्हेन द मार्केट प्राइस इज हायर पुट ऑप्शन राइट टू सेल व्हेन द मार्केट प्राइस इज लोअर अब यहां पर दो लोग होते हैं एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेलर मतलब जो ऑप्शन बेच रहा है ऑप्शन बायर मतलब हम जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स तो जो ऑप्शन बायर होता है इन्वेस्टर होता है वो क्या करेगा वो प्रीमियम पे करेगा तुम प्रीमियम को डायरेक्टली डेरिवेटिव असेट मान लो फिलहाल जो भी प्रीमियम तुमने पे किया उसको असेट मान लो सर वो तो नॉन रिफंडेबल होता है उसको तो हम एक्सपेंस मान के पीएनएल में बुक कर सकते हैं दो ऑप्शन है या तो तुम प्रीमियम को डेरिवेटिव असेट मानो और हर बार उस डेरिवेटिव असट को रीवैल्यू करते रहो बेस्ड ऑन योर पोजिशन अगर पोजिशन स्ट्रॉग हुई है तो प्रीमियम को रिवेल्यू करो पोजिशन खराब हुई तो प्रीमियम को राइट right ऑफ करो दूसरा तरीका होता है कॉल ऑप्शन लिया था क्या एक्सरसाइज करने का लग रहा है कि हाँ, एक्सरसाइज करने के चांसेस है तो डेरिवेटिव करने के चांसेस नहीं है तो बुक मत करो तो ऑप्शन बायर कभी भी डेरिवेटिव लाइब्रेट बुक नहीं करेगा क्योंकि उसको उसने जो प्रीमियम पे किया था उसका मैक्सिमम लॉस वही है तो व्हेन द सिचुएशन इज इन फेवरेबल फेवर ऑफ बायर देन बी इंक्रीज थ्रू पी मैं तो बोल रहा हूं कि ऑफर से करोगे तो ज्यादा बेटर है तो जो भी आपने प्रीमियम बुक किया उस प्रीमियम को आप अप एंड डाउन करते रहो सिचुएशन तुम्हारे फेवर में तो प्रीमियम की वैल्यू बढ़ा दो सिचुएशन तुम्हारे अपोजिट है प्रीमियम की वैल्यू गिरा दो क्योंकि तुम्हें पता है कि अब तुम्हारा रिकवर नहीं हो पाएगा सर प्रीमियम तो कभी रिकवर होता ही नहीं है अरे प्रीमियम रिकवर नहीं होता है पर इंडायरेक्टली तुमने जो पैसा लगाया है मार्केट में वो जो तुम पैसा कमाओगे वो कहीं कही ना कहीं क्या चाहोगे तुम्हारा प्रीमियम रिकवर हो जाए इसीलिए तो प्रीमियम को तुम बढ़ा सकते हो प्रीमियम को तुम गिरा सकते हो उसी हिसाब से तुम्हारा एंड में एडजस्टमेंट होता है और ऑप्शन सेलर प्रीमियम को सबसे पहले लाइब्रेरी क्रिएट करता है और अकॉर्डिंगली फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन के हिसाब से अपनी लाइब्रेरी को प्लस माइनस करता रहता है ये आपके होते हैं ऑप्शन सेटलमेंट सेटलमेंट डेट पर अगर तुमने एक्सरसाइज कर लिया तो तुम्हें पैसा मिल गया और डेरिवेटिव डेरीवर्ड रिवर्स हो गई बाकी का लॉस प्रॉफिट बुक कर लिया सेटलमेंट डेट पर तुम्हारी लाइब्रेरी रिवर्स हो गई और तुमने पेमेंट कर दिया कर करना था बाकी का पे एंडल में जाना था चला गया तो ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव ऑप्शन फॉर बाथरूम फॉर वॉशरूम ब्रेक ठीक है चलो वॉशरूम ब्रेक बस दो मिनट का है न? यस, yes. so, ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑप्शन फिर आते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव पे एम्बेडेड डेरिवेटिव थोड़ा सा बेसिक में आपको समझा देता हूं फिर मैं आपको क्वेश्चन के बेसिस पे समझाऊंगा वो ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन के हिसाब से अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉन डेरिवेटिव पार्ट एंड डेरिवेटिव पार्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें नॉन डेरिवेटिव पोर्शन भी है एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन है नॉन डेरिवेटिव का और उसमें कुछ पोर्शन डेरिवेटिव का भी है जो नॉन डेरिवेटिव पार्ट है उसको बोलते हैं होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और जो डेरिवेटिव पार्ट है जो जुड़ा हुआ है होस्ट से इसीलिए उसको बोलते हैं एम्बेडेड मतलब जुड़ा हुआ अटैच अब करना क्या है वॉट टू डू इफ होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्बेडेड डेरीवेटिव आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर अब ये थ्योरिटिकली थ्योरी इंपॉर्टेंट है ये ये थ्योरी ध्यान रखना प्रैक्टिकल तो मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा थ्योरी के लिए याद रखना अगर ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर हैं तो सेपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एम्बेडेड डेरिवेटिव की अलग से अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है इंटायर कॉन्ट्रैक्ट को आप रेलेवेंट दूसरे किसी इंडियस के हिसाब से ट्रीट करो इंडिया वन जीरो नाइन लगाने की जरूरत नहीं है पर अगर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और एम्बेडेड डेरिवेटिव क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो फिर एम्बेडेड डेरिवेटिव वाले पार्ट को अलग से उसकी अकाउंटिंग करो अब अलग से जब अकाउंटिंग करोगे तो कैसे करोगे केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल परचेज ऑफ एनी अट और गुड्स इन फ्यूचर यही वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका एमटीपी में भी यही आया है और मैं जो अभी आपको मास्टर प्रॉब्लम करवा रहा नंबर वो यही है यही वाला है क्वेश्चन नंबर 155 वो यही है आप क्वेश्चन में देखो एंटिटी ए जो है वो ए uh, जो है इंटर इनटू यूएसडी वन लैक सेल कॉन्ट्रैक्ट थ एंटिटी बी टू सेल द इक्विपमेंट तो देखो वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया इक्विपमेंट बेचने का सर ये इक्विपमेंट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें डेरिवेटिव कहां से आ गया यही तो इसमें डेरिवेटिव कहां से आ गया तभी तो मैं बोल रहा हूं कि एक होस्ट होस्ट पार्ट है पार्ट क्या है सेल ऑफ इक्विपमेंट उसमें कुछ ना कुछ डेरिवेटिव का पोर्शन मिलेगा हमें तो ऐसे केस में रिकॉर्ड द सेल अब तुम्हें बेसिक जनरल रूल क्या याद रखना है रिकॉर्ड द सेल परचेस एट प्री डिटरमाइंड फॉरवर्ड रेट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंटिटी ए इक्विपमेंट बेचेगी टेन लाख डॉलर में इक्विपमेंट बेचेगी आज उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है फर्स्ट जनवरी को पर वो बेचेगी थर्टीएथ जून को तो सेल कब बुक करोगे तुम थर्टी जून पे सेल बुक करोगे और सेल कितने की बुक करोगे वन लाख डॉलर मल्टीप्लाई बाय किस रेट पर आज से ही जो पहले से ही फॉरवर्ड रेट आज का चल रहा है तो जनवरी का स्पॉट रेट न स्पॉट रेट मार्च का थ्री मंथ फॉरवर्ड रेट न जनवरी से जून क्या होता है सिक्स मंथ सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट ऑन जनवरी यस फिफ्टी फाइव तो तुम सेल बुक करोगे सेल की जगह परचेस होता तो परचेस बुक करोगे प्री डिटरमाइंड फॉरवर्ड रेट यहां पर जो फॉरवर्ड रेट होगा उस पर तुम सेल बुक करोगे पहले आ, पहले दिन का जो फॉरवर्ड रेट है उसको तुम लोगे सेल परचेज बुक करने के लिए सेल परचेज तुम बुक करने वाले हो थर्टी जून को जब एक्चुअली में ट्रांजेक्शन होगा ये तुम्हारा पहला जनरल रूल है ये समझना पड़ेगा तुम्हें दूसरा कंसीडर चेंज इन रेट्स एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अब क्योंकि तुम 55 को कंसीडर कर रहे हो सेल बुक करने के लिए तो अब जो भी चेंजेस होंगे 55 से मतलब मान लो कि आज है एक जनवरी और यहां का फॉरवर्ड रेट है 55 अब 31 मार्च में फॉरवर्ड रेट कितना हो गया और लास्ट में एंड पे तुम्हारा रेट फॉरवर्ड रेट तो कुछ बचेगा ही नहीं स्पॉट रेट ही बचेगा कितना हो गया तुम बस उसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मान लो इतना आसान है मैं तुम्हें बता रहा हूं इतना आसान है अगर तुमने इन दोनों लाइनों को ढंग से समझाया ना

फिफ्टी फाइव लैख फिफ्टी फाइव के रेट के हिसाब से और सेल तुमने बुक किए थर्टी जून को गाइस मैं बता रहा हूं तुम्हें एम्बेडेड डेरिवेटिव बहुत आसान है अब क्योंकि तुमने रेट कौन सा ले लिया पहले वाला प्री फॉरवर्ड रेट अब बस हर बैलेंस शीट डेट पर उस रेट के हिसाब से तुम प्लस माइनस खेलते रहो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करते रहो देखो क्या हुआ अब यहां पर देखो कि यहां पर वो सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट था जो फिफ्टी फाइव पर था अब यहां पर थ्री मंथ फॉरवर्ड रेट कितना हो गया थ्री मंथ फॉरवर्ड रेट फोर्टी फाइव हो गया फोर्टी फाइव हो गया पता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है तुम ये बोलोगे कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में सेल कर रहा हूं तो सामने वाला मुझे डॉलर देगा और डॉलर में कहा ले जाऊंगा बैंक के पास कन्वर्ट करवाने के लिए और मेरे को डर किस बात का है डॉलर की वैल्यू गिर ना जाए डॉलर की वैल्यू गिर गई तो बैंड बच जाएगी तो आज मेरे पास चांस है कि मैं फिफ्टी फाइव में बुक कर सकता हूं मैंने बुक नहीं किया है मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फिफ्टी फाइव में आज डॉलर को बुक कर लेता हूं पर मैंने बुक नहीं किया ऐसा सोच के चलना है क्या सोच के चलना है कि तुम्हारे पास आज ऑप्शन था कि तुम 55 में बुक कर सकते थे आज तुम्हारे पास ऑप्शन था ऑप्शन यही तो एम्बेडेड डेरिवेटिव है दादा तो तुम्हारे पास ऑप्शन है फिफ्टी फाइव में बुक करते पर तुमने नहीं किया अब बैलेंस डेट पर ये रेट चला गया 45, तुम इतना सर रहे हो बोल रहो यार ये मैंने क्या गलती कर दी काश अगर उस टाइम पर मैं बुक कर लेता तो फिफ्टी फाइव के हिसाब से मजा मौज करता अब आज अगर मैं बुक करने गया तो फोर्टी फाइव में बुक होगा दस रुपए का नुकसान तुम टेन रुपीज का नुकसान टेन मल्टीप्लाई बाय टेन तुम यहां देखो एक करोड़ का यहां देखो तुम वन सीआर का लॉस बुक कर रहे हो लॉस अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइब्रिटी आया समझ में अब तुम कहां खड़े हो यहां पर तुम यहां पर भी डेरिवेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं कर रहे हो बुक तुम्हें कहीं नहीं करना है एम्बेडेड डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन में तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं करना है बस तुम्हें बोलना है कि अगर बुक करता तो फिफ्टी फाइव में करता ओ शिट नहीं किया अब तो फोर्टी फाइव में मिल रहा है अब कौन करेगा रे डॉलर को जाकर मैं फोर्टी फाइव में बेचूंगा हट नहीं करना मुझे देखेंगे जो होगा ठीक है फिर कौन फिर यहाँ पर स्पॉट रेट लास्ट में कितना हो गया लास्ट में स्पॉट रेट हो गया तुम्हारा तुम बोलोगे बल्ले बल्ले मजा आ भी गवा अच्छा हुआ मैंने रेट बुक नहीं किया नहा पे न यहाँ पे मुझे पहले लग रहा था कि मुझे गलती हुई है अच्छा हुआ बुक नहीं किया अब मेरे पास जो डॉलर आएंगे अपने कस्टमर से वो जाके जब मैं बैंक में जाके कन्वर्ट करूंगा तो मुझे सिक्सटी में कन्वर्ट होके मिलेगा मजा आ गया तो बताओ पहले मैंने लॉस बुक किया था टेन का अब मुझे कितना बल्कि अब मुझे बोल रहा हूं मुझे अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट हो गया पहले मुझे अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा था अब मुझे अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट कितना हो गया फिफ्टीन का तो देखो फिफ्टीन के हिसाब से आप बुक करोगे वापस से प्रॉफिट और जो पिछली आपने लाइब्रेड बनाई थी वो आपने रिवर्स कर दी लाइब्रेडी और इस बार आपकी न्यू डेरिवेटिव असेट बन गई समझ में आया और फिर आ चुका है आपका ट्रांजेक्शन डेट ट्रांजेक्शन डेट पर आप सेल बुक करोगे

आज तुम एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट ये वाली जो एंट्री है वो आ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ, एंट्री पूरी तरीके से सही नहीं पास की गई है एंट्री तुम करोगे बैंक अकाउंट डेबिट मैं तुम्हें करके देता हूं तुम एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट साठ करोड़ ठीक है टू ट्रेड रिसीवेबल जो तुमने फिफ्टी फाइव में किए थे टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट जो तुमने फाइव करोड़ की बुक की थी फाइव लाख की बुक की थी तो सिक्सटी लाख फिफ्टी फाइव लाख फाइव लाख तुम ये वाली एंट्री पास करोगे Is, हमने को 55 में बुक किया। अगर मतलब सपोज हम ये नो मतलब no तो हम थर्टी जून को एक ही एंट्री पास करते एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल सिक्स अगर मैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को अलग से बुक नहीं करता तो मैं एंट्री करता ये वाली तो ये में और ये में फर्क क्या है फर्क ये है, कि ये एंट्री पास करके हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं ये दिखा के कि भाई सेल हमारा का नहीं है सेल हमारा सिर्फ फिफ्टी फाइव का है वो तो फाइव लाख रुपीज का हमें एडिशनल फायदा हो गया बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द मार्केट डॉलर के रेट में तो अगर आज मैं सेल बुक कर रहा हूं सिक्सटी में तो कहीं ना कहीं मैं गलत प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिक्सटी का सेल नहीं है सेल मेरा फिफ्टी फाइव का ही जो मुझे अपॉर्चुनिटी थी शुरू में ही फिफ्टी फाइव में बुक करने की वो तो क्या है मुझे आज पांच लाख रुपए ज़्यादा मिले वो मेरा सेल के कारण नहीं है वो मेरी कोई मेहनत नहीं है वो तो मार्केट चेंजेस हैं जिसको मैं सेपरेट दिखाना चाहता हूं हाँ यही रीजन है कि हम एमडेड में ऐसा करते हैं तो यही मैंने इसलिए बोला कि भाई सेल को प्रीडिटरमाइन फॉरवर्ड रेट पर बुक करो और उस फॉरवर्ड रेट से अब हर बैलेंस शीट डेट पर कंपैरिजन करो कि ओ शिट अगर ले, ले लेता तो अच्छा होता ओ माय गॉड नुकसान हो गया लॉस बुक करो या दूसरा ओ शिट ले, ले लेता तो नुकसान हो जाता मतलब ले अभी अभी और सॉरी ले लेता तो बढ़िया था अभी और नुकसान हो गया ऐसा या तो फिर अच्छा हुआ नहीं लिया अब आ, बल्कि अब रेट बढ़ गया तो यहां पर फायदा हो गया तो इस से तरीके से आप चेंज को पी में डालते जाओगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा एम्बेडेड डेरिवेटिव ठीक है लास्ट है बेटा आपका कैश फ्लो हैज लास्ट है आपका कैश फ्लो हैज सॉरी हैज अकाउंटिंग है आपका आखिरी ठीक है दो मिनट का पॉज सर इंटर का मैराथन अट्ठाईस को है ना यस यस डियर मैं आप सबको बता दूं कि मेजर टॉपिक्स में अब सिर्फ बचा है वन वन फाइव जो कि मैं कल का प्लान किया है टाइमिंग आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मालूम पड़ जाएगा अभी तो फिलहाल टाइमिंग यही है कि मैं कल शाम को साढ़े आठ बजे लेने वाला हूँ पर अगर मान लो उसमें कुछ हल्का फुल्का चेंज हुआ तो आई लेट यू नो बाकी मेजर टॉपिक्स के अलावा मेरे सारे बाकी के बचे हुए टॉपिक्स के मिशन संभव सीरीज पूरी ले रखी है पूरी यूट्यूब पर अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल में हर एक लेक्चर का लिंक भी शेयर किया हुआ है वो देख लेना हेज अकाउंटिंग ये हेज अकाउंटिंग क्या होती है हेज अकाउंटिंग बेसिकली तब करी जाती है हेज अकाउंटिंग तब करी जाती है जब आपके पास कोई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल असेट है लाइबिलिटी है जैसे डेटर्स क्रेडिटर्स लोन्स बिल्डिंग्स शेयर्स गोल्ड और आपको इन असेट्स लाइबिलिटी के वैल्यू में गिरने का डर लग रहा है आपको डर लग रहा है यार मेरे पास असेट है पर उसकी वैल्यू गिर जाएगी और यार मुझे मेरे डेटर से पैसे मिलने वाले हैं डॉलर मिलने वाले हैं डॉलर की वैल्यू गिर सकती है अरे यार मेरे क्रेडिटर से मुझे उनको पे करना है डॉलर में मुझे उनके उसकी वैल्यू बढ़ गई तो ज्यादा पे करना पड़ेगा अरे यार मैंने एक लोन लेके रखा है जिसको मैं रीपे करूंगा डॉलर में तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो मुझे नुकसान हो जाएगा तो ये बेसिकली आपके पास रिस्क है एग्जिस्टिंग असेट या लाइबिलिटी के अंदर या कभी कभार आपके पास असेट लाइबिलिटी नहीं भी है आप कोई फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन करने वाले हो जिसको आप बोलते हो हाईली प्रोबेबल फ्यूचर ट्रांजेक्शन विच इज अंडर रिस्क फ्यूचर में आप कोई ट्रांजेक्शन करने वाले हो और आपको डर लग रहा है वो ट्रांजेक्शन आप डॉलर में करने वाले हो यूरो में करने वाले हो पाउंड में करने वाले हो और आपको डर लग रहा है कि इनकी वैल्यू बढ़ना चाहे तो इस, ब, इस बार चक्कर में आपको ज्यादा कैश पे करना पड़ेगा या फिर फॉर्म कमिटमेंट है आपका फॉर्म कमिटमेंट जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको डेरिवेटिव करवाया यहां पर एक फॉर्म कमिटमेंट ही तो था एक जनवरी को हमने फॉर्म कमिटमेंट कर दिया कि हम आपको बेचेंगे छह महीने बाद तो छह महीने बाद हम बेचेंगे हमें डर लग रहा है डॉलर की वैल्यू गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी तो फॉर्म कमिटमेंट है जो कि आपको फ्यूचर में एक कमिटमेंट आपने किया है कि आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो और आपका ट्रांजेक्शन ना फॉरन करेंसी में होने वाला है हो और आपको डर लग रहा है फॉरन करेंसी की वैल्यू चेंज ना हो जाए आपको नुकसान ना हो तो आपके पास एग्जिस्टिंग असेट है लाइबिलिटी है फॉर्म कमिटमेंट है कोई फ्यूचर ट्रांजेक्शन करने वाले हो और इन सब के अंदर कोई ना कोई रिस्क है और इनकी रिस्क में आपको नुकसान दिख रहा है आपको लग रहा है यार नुकसान होने वाला है और वो नुकसान को बचाने के लिए आप मार्केट में उतर रहे हो और मार्केट में आप फ्यूचर्स परचेस कर रहे हो फॉरवर्ड्स कर रहे हो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगा रहे हो मतलब आप मार्केट में उतर के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हो उसको कहा जाता है तो हेजिंग मतलब मुझे डर लग रहा है कि भाई डेटर्स की वैल्यू गिर जाएगी फॉरेन करेंसी डेटर्स की वैल्यू गिर जाएगी फॉरेन करेंसी लोन मुझे ज्यादा रीपे करना पड़ेगा मेरे पास जो शेयर है उसकी वैल्यू गिर जाएगी गोल्ड है उसकी वैल्यू गिर जाएगी जिसमें डर लग रहा है वो हेज आइटम और उसके डर को ठीक करने के लिए तुम जो आज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगा रहे हो फ्यूचर्स फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप वो तुम्हारा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट तो दो चीजें हैं अब तुम्हें हेज अकाउंटिंग के अंदर ये सिखाया जाता है कि आइटम को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे और हेजड इंस्ट्रूमेंट को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे जिसके लिए पहले तुम्हें ये बताया जाता है कि टाइप्स ऑफ हेज अकाउंटिंग क्या कितनी होती है अब ये तीन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हेज अकाउंटिंग 109 के हिसाब से करनी चाहिए। कब करनी चाहिए चाहिए कब उसका कुछ थल पॉइंट है वो जरूर करके जाना मैं तुम्हें दिखा देता हूं ठीक है मैं तुम्हें दिखा देता हूं क्योंकि वो डेरिवेटिव के अंदर ही है ये है कंडीशंस फॉर हेज़ अकाउंटिंग अगर तुम्हारे पास होगा तुम्हारी किताबों में तो बढ़िया है मेरी किताब तुम्हारे पास है तो बढ़िया है देख लेना ये कंडीशन याद करके जाना नहीं तो स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले सकते हो वैसे भी यूट्यूब पे लेक्चर चल रहा है तो कंडीशन ऑफ़ हेज अकाउंटिंग थ्योरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ये तुम खुद पढ़ के जाना कम से कम चलिए वापस आते हैं तो अब आते हैं हेज अकाउंटिंग की कंडीशन मान लो हम फुलफिल कर चुके हैं अब हम हैज अकाउंटिंग करने वाले हैं तो टाइप्स ऑफ हेज अकाउंटिंग तीन प्रकार की हेज अकाउंटिंग होती है एक होती है कैश फ्लो हेज एक होती है फेयर वैल्यू हेज एक होती है हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन सच सच बताऊं तो आपसे ही थे सवाल पूछा जा सकता है पर अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली पूछा गया तो आपसे कैश फ्लो हैज पूछा जाएगा ये दोनों ज्यादा किसी काम के नहीं है बट फिर भी हाँ फिर भी फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि करना क्या है कैश फ्लो हैज का मतलब होता है जहां तुम्हें तो जो रिस्क लग रही थी किसी असेट में लाइब्रेटी में वहां तुम्हें कैश रिस्क लग रही है असेट मतलब डेटर्स फॉरेन करेंसी डेटर्स तुम्हें लग रहा है कि पैसा कम मिलेगा चांसेस मिलने के कम है लाइब्रेटी ज्यादा लोन रीपे करना पड़ेगा क्योंकि करंट एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो लोन रीपे ज्यादा करना पड़ेगा तो कैश ज्यादा जाने के रिस्क है कैश कम मिलने का रिस्क है तो अगर ऐसा है तो तुम कैश फ्लो हैज फॉलो करते हो पर अगर तुम्हें कोई कैश का रिस्क नहीं है तुम्हें कोई कैश रिस्क नहीं है तुम्हें लग रहा है कि बस तुम्हारे पास शेयर रखा है तुम बेचोगे नहीं पर तुम्हें लग रहा है कि यार शेयर की वैल्यू गिर है उसके लिए तुम कोई hedge, तुम कोई कोई हेज डेरिवेटिव में हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम कोई डेरिवेटिव में जा रहे हो तो तुम्हारा कोई नॉन कैश रिस्क है तुम्हारे पास बिल्डिंग है तुम बेचने नहीं वाले हो पर बिल्डिंग की वैल्यू गिर जाएगी इस चीज को डर को लेकर तुमने आज, आज तुमने मार्केट में पैसा लगा लिया तो तुम कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग करोगे हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरन ऑपरेशन बाद में बात करते हैं पहले अपन कैश फ्लो हेज की बात करेंगे मैंने अभी तुम्हें समझाया कि एक होता है आइटम एक होता है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जाम्पल को लेके चलो तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी लोन है जो तुम्हें डॉलर में रिपे करना है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट तुमने उसका एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तुमने डॉलर का लेके रखा है ठीक है तो ये तुम्हारा लोन हैज आइटम है ये तुम्हारा हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है, है। कैश फ्लो हैज बोलता है कि भाई तुम्हारा ये फॉरन करेंसी लोन है इंडेस ट्वेंटी वन के हिसाब से तुम इसको हर बैलेंस शीट डेट पर नए इस आ, क्लोजिंग रेट ऑफ क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से रीमेजर करोगे और एज पर इंडे एस ट्वेंटी वन तुम इसको जब रीमेजर करोगे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर तो तुम एक्शन डिफरेंस को पी एंडल डालोगे बट रुक जाओ यहां एक्सेप्शन है कैश फ्लो हैज बोलता है कि तुम उसको रीमेजर तो करो हेज आइटम को तुम रीमेजर तो करो पर जो भी गेन लॉस होगा उसको तुम टेम्पररी ओसीआई में डाल देना और उसको नाम दे देना कैश फ्लो हेज रिजर्व कैश फ्लो हेज रिजर्व तुम आज कैश फ्लो हेज रिजर्व में उसको ओसीआई के थ्रू कैश फ्लो हेज रिजर्व में लेके जाओ तुम आज जो भी चेंजेस कर रहे हो तुम आज जो भी चेंजेस कर रहे हो इसमें री जो भी गेन और लॉस आ रहा है वो सब तुम ओसीआई के थ्रू कैश फ्लो हेज रिजर्व में लेके जाओ ठीक है इससे भी पहले मैं तुम्हें बता दूं तुमने जो लोन लिया था ना तुमने उसका इनिशियल रिकॉग्निशन किया था सिक्सटी रुपीज के वन डॉलर बराबर सिक्सटी रुपीज के हिसाब से वन डॉलर बराबर सिक्सटी रुपीज के हिसाब से और तुमने आज फॉरवर्ड रेट बुक कर लिया है वन डॉलर बराबर सिक्सटी थ्री डॉलर बराबर सिक्सटी थ्री ठीक है

पर क्योंकि ये अकाउंटिंग है तो तुम इसको जितना भी रीमेजर करोगे इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई इसको भीज आइटम मतलब को या फिर इंस्ट्रूमेंट को जब रीमेजर कर रहे हो तो दोनों का रीमेजरमेंट गेन और लॉस पी एल में नहीं जाएगा ओसीआई में चला जाएगा ठीक है सर क्यों सर? क्योंकि कैश फ्लो हैज बोलता है कि भाई तुम्हें तो तुम्हारा एक्चुअल लॉस पहले दिन ही पता लग गया ना कि तुमने लोन लिया था 60 के हिसाब से और तुम फॉरवर्ड रेट बुक कर चुके हो 63 मतलब जब तुम लोन को रीपे करोगे तो तुम 63 रुपीस में डॉलर खरीद लोगे तो तुम्हारा लॉस तो 3 रुपीस फिक्स है ना तुम्हारा लॉस तो फिक्स लॉस है ना तुम्हारा लॉस तो फिक्स है ना तो तुम जो इनको रीमेजर करके गेन लॉसेस निकाल रहे हो उसको पी एंडल में क्यों ले जा रहे हो जो तुम्हारा फिक्स लॉस है उसको पी एंडल में ले जाओ ना तो मान लो कि हम एक अकाउंट बना रहे हैं वही ओसीआई वाला कैश फ्लो हैज रिजर्व सपोज मैंने इसको रीमेजर किया नुकसान आ गया नुकसान हो गया लोन की वैल्यू बढ़ गई तो मैंने यहां नुकसान बुक किया टू फॉरेन करेंसी लोन मेरे को नुकसान हो गया मान लो वन लाख रुपीज का सपोज मैंने इसको रीमेजर किया मुझे थोड़ा सा गेन आ गया मैंने इसको रिमेजर किया बाई असेट मैंने गेन बुक किया मान लो 25, रुपीस का। तो मैंने स्टेप नंबर टू हैजिंग इंस्ट्रूमेंट ओसीआईर कैलकुलेट द एक्चुअल लॉस एक्चुअल लॉस मेरा थ्री रुपीज का है कैसे निकाला फॉरवर्ड रेट लेस स्पॉट रेट स्पॉट रेट तुमने लोन कितने बुक किया था

तुम्हारा जो एक्चुअल लॉस होगा मान लो वो हो रहा है सिक्सटी थाउजेंड का और मान लो तुम्हारा ये तीन महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो डिवाइडेड बाय थ्री तुम लॉस को बुक करोगे पी एंडल में एंट्री पास करोगे पी एंडल अकाउंट डेबिट एंट्री पास की हुई है बेटा पी एंडल अकाउंट डेबिट टू कैश लो हैज रिजर्व तो आपने किया बाय पी एंडल बाय पी एंडल ये आपने लॉस बुक कर लिया ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का बाकी आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा कैश फ्लो हैज रिजर्व का बैलेंसिंग फिगर ऐसे हर बैलेंस शीट डेट पर ऐसे हर महीने तुम ये करते रहोगे और लास्ट में जब तुम सेटलमेंट करोगे तो तुम्हारा कैश फ्लो हैज रिजर्व नलिफाई हो जाएगा बिकॉज तुम बाकी का राइट ऑफ कर चुके थे तो लास्ट में ऑन सेटलमेंट डेट रियलाइज एंड सेटल द कॉन्ट्रैक्ट इन कैश कैश फ्लो हैज रिजर्व विल बी ये वाला पॉइंट तुम्हें मेरे मास्टर प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर क्यू आर कोड के साथ क्यू आर कोड लगा लेना का दिया है मैं ही आपको खुद बोल रहा हूं उसको देखने की जरूरत नहीं है एक ही क्वेश्चन देख लो उतने से काफी है बस तुम तो वो देख लेना तुम्हें तो पूरा कैशलो का समझ में आ जाएगा आई बिलीव आपको इतना समझ में आ गया होगा बाकी जो जो दोनों जो है, है वो चुन्नू मुन्नू है फेयर वैल्यू हैज बोलती है कि भाई हेज्ड आइटम को हैजिंग को और हैजिंग इंस्ट्रूमेंट को दोनों को रीमेजर करो पी एंडल में जहां तुम इस वाले मेथड में दोनों को तुम रीमेजर करके ओसीआई में लेके जा रहे थे एक नया अकाउंट बना रहे थे फेयर वैल्यू के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं दोनों को बस पी एंडल में लेके जाओ अपने आप नेट ऑफ हो जाएगा मेजर मेजर द Item and अब बचा तुम्हारा ऑपरेशन in in बेसिकली मतलब में इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो इन्वेस्टमेंट तुमने डॉलर में करके रखा है तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई तो पापरे गिर गई तो फिर क्या होगा वो माई गॉड मैंने उसको लोन देके रखी है और नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरन ऑपरेशन मतलब वही मैंने जो परमानेंट इन्वेस्टमेंट करके रखा है अगर उनकी वैल्यू गिर गई तो क्या होगा माई गॉड माई गॉड तो तुम्हारे पास है तुम्हारे पास आज हेज्ड आइटम क्या है इन्वेस्टमेंट और तुम उसके अगेंस्ट मार्केट में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हो तो वो तुम्हारा क्या हैजिंग इंस्ट्रूमेंट तो ये बोलता है कि हेजिंग हेज्ड आइटम मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसको तुम रीमेजर करो थ्रू ओसीआई फॉरन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व तुम्हें याद होगा इंडिया ऑपरेशन होता है तो हम जो भी आता तो करते हैं। तो में करते को तुम रीमेजर करो इंस्ट्रूमेंट को भी तुम रीमेजर करो फॉरन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ओसीआई में और ये बस बस रीमेजर करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो लास्ट में जब तुम अपना फॉरन ऑपरेशन बेच दोगे तुम पूरा ओसीआई बैलेंस पीएडल में रिक्लासिफाई कर देना अब अगर तुम तीनों को थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो फेयर वैल्यू बहुत आसान है वो बोलता है हेज्ड हैज़ आइटम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों को करो पी में कैश फ्लो टिपिकल है वो बोलता है हेज्ड हैज़ आइटम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों को करो ओसीआई से और जो तुम्हारा एक्चुअल लॉस है उसको राइट ऑफ करो पी पीएडल में कैश फ्लो हेज रिजर्व से निकालकर ये कहता है हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट कि हेज्ड आइटम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों को रीमेजर करो ओसीआई में

दोनों को रिमेजर करो ओसे ओसे के थ्रू और फिर डिफरेंट नोमोटाज करो, कैश फ्लो रिजर्व अकाउंट को, करो में के बराबर का तो ये हो गई तुम्हारी कैश फ्लो हैच। समझ में आया। मैंने वाला छोड़ा हुआ था उसको मैं बता देता हूं आपको बायबैक ऑप्शन पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट बायबैक मतलब मैं आपके इक्विटी शेयर को वापस खरीद रहा हूं मैं कंपनी हूं मैंने इक्विटी शेयर इशू किया था मैं आपके इक्विटी शेयर को वापस खरीद रहा हूं और आपको रिपे कर रहा हूं सिंपल

आफ्टर सम टाइम आपने उसके अंदर पुट ऑप्शन दे दिया अरे भाई आपने पुट ऑप्शन दे दिया तो मैंने आपको बताया था कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जनरली आपकी फाइनेंशियल लाइब्रेटी होता है तो आप क्या करोगे आप अपने इक्विटी को फाइनेंशियल लाइब्रेटी में रिक्लासीफाई करोगे किस वैल्यू पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसीएफ क्योंकि फाइनेंशियल लाइब्रिटी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसी पर आती है और जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को इक्विटी में ट्रांसफर कर देना तो जब भी इक्विटी फाइनेंशियल लाइब्रेटी में ट्रांसफर होती है तो फाइनेंशियल लाइब्रिटी को रीमेजर किया जाता है और जो भी डिफरेंस आता है वो हम अदर इक्विटी में लिख के जाते हैं तो मेरे पास पहले इक्विटी शेयर कैपिटल था ऑर्डर शेयर अब मैंने तुम्हें पुट ऑप्शन दे दिया तो मैं अपने शेयर कैपिटल को रिक्लासीफाई करके फाइनेंशियल लाइब्रेटी में बना दूंगा और डिफरेंस डालूंगा अदर इक्विटी में अब मेरी फाइनेंशियल लाइब्रेटी दिख रही है अब मैं फाइनेंशियल लाइब्रेटी के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह जो भी बुक करते हैं नेचुरली वो बुक करते रहेंगे अब मैं चेक करूंगा कि तुम ऑप्शन अवेल कर रहे हो कि नहीं तुमने ऑप्शन अवेल कर दिया बस मैं फाइनेंशियल लाइब्रेटी तुम्हें पे कर दूंगा फाइनेंशियल लाइब्रेटी अकाउंट डेबिट टू बैंक

पर जब तुम फाइनेंशियल लाइब्रेटी से वापस इक्विटी में आ रहे हो तो इक्विटी को रीमेजर नहीं करते इक्विटी एक देविटी इंटरेस्ट होती है इसीलिए आप उसको सेम कैरिंग अमाउंट पे बुक कर सकते हो समझ में आया ये था बाई बैक ऑप्शन गाइस इसके अलावा और क्या बचा छोटा सा पॉइंट है छोटी सी कैटेगरी आपकी बची है यस रीक्लासिफिकेशन फ्रॉम वन कैटेगरी टू वन अदर कैटेगरी फाइनेंशियल फाइनेंशियल लाइब्रेट फाइनेंशियल लाइब्रिटी में AMC से एफ पी से AMC में जाना अलाउड नहीं है जबकि फाइनेंशियल असेट के अंदर येस yes, AMC से FETPL, FETPL से एफ ई से AMC, AMC से FETPL, directly AMC डायरेक्टली से एफ ऐसे reclassification. तो so reclassification ऑफ फाइनेंशियल asset इज पॉसिबल ओनली when द एंटिटी चेंजेस इट्स बिजनेस मॉडल Reclassification अलाउड है जब एंटिटी अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करे सो so गाइस मैं आपको यहां पर बोलूंगा कि छह cases होते हैं Amortized कॉस्ट से जब तुम FETPL में जाओ Amortized कॉस्ट से जब तुम एफ में जाओ FETPL से AMC, FETPL से एफ आई फ ईटी ओसी एमसी एफ ई टी ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होगा बेसिकली कुछ खास नहीं है बस आप जिस कैटेगरी में जा रहे हो उस कैटेगरी का बेसिक रूल क्या है अगर उस कैटेगरी को रीमेजर करना होता है तो रीमेजर करके डिफरेंस को पेंट में डाल दो यार अगर ओसीए में जा रहे हो तो ओसीए में डाल दो तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेना कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक बार एग्जाम के टाइम से पहले एग्जाम के डे पे इसको पढ़ के जाना ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया वो बायबैक वाले केस में कि जब तुम जब तुम इक्विटी से फाइनेंशियल लाइबिटी में जाते हो तो तुम्हें रीमेजर करना पड़ता है और डिफरेंस को अदर इक्विटी में डालना पड़ता है पर जब तुम फाइनेंशियल लाइबिटी से इक्विटी में वापस आते हो तो तुम्हें कैरिंग अमाउंट पे ही मेजर करना होता है इंडियस वन जीरो नाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दो अरे गधे ओमकार मैंने मार्क करवाए ना मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो दिए बेटा क्या यार पूरा लेक्चर खत्म हो गया आप तुम बात कर रहे हो माफ करवा दो ये ये लिस्ट यार तुम लोग क्या करते हो मस्ट डू क्वेश्चन मस्ट डू क्वेश्चन की क्या करते हो यार नलायकों पूरी लिस्ट दे रखी है अब आपको करना क्या है डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो तुम्हें वो लिंक मिलेगा लिंक के अंदर जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हें पहला पहला वीडियो ऑडियो में मिलेगा फोल्डर इसमें तुम्हें इसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा एक तो एफआर की पूरी कंप्लीट चार्ट बुक रिसेंट वाली दे दिए दूसरा मस्ट डू क्वेश्चन पार्ट वन पार्ट टू पार्ट वन में कुछ चैप्टर्स है पूरे पूरे और पार्ट टू में है अगर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट सर बस पचास साठ क्वेश्चन दे दो भाई क्या बात कर रहे हो यार यार्वेशन में मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ पूरे दो सौ ढाई सौ क्वेश्चन तो देखने पड़ेंगे ना यार ऊपर ऊपर से ठीक है तो दोनों पार्ट दिए फिर मैंने और क्या दिया है वो तो बाकी सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं और क्या है तुम्हें यहां पर मिलेगा मिशन संभव वाले अगर तुम मेरे कोई वीडियोस रेफर कर रहे हो अभी एग्जाम टाइम में तो बिल्कुल कर सकते हो उसके रिस्पेक्ट में जो भी तुम्हें नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वो दिया गया है फिर एमसीक्यू के स्टडीज बुकलेट पूरी अगर मान लो तुम्हें चाहिए तो और इसके अलावा आरटी टी बी एम टी करके दिए हैं ठीक है आरटीपी एमटीपी के जितने भी केस थे वो मैंने अलग से वीडियो ले चुका हूं और मैं यहां पर भी डाल चुका हूं एफ आर ऑडियो पॉडकास्ट कुछ कुछ टॉपिक्स uh, के मैंने ऑडियो भी डाले जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ऑडियो डाला है कंसोलिडेशन का ऑडियो डाला है भाई साहब कर सकते हो वन वन का ऑडियो डाला है समझो बात को उसके बाद मस्ट डू अलग से यहां पर भी मिलेंगे तो कहने का का और यहां पर एनालिसिस भी करके दिया है कि भाई पूरी RTP, पूरी MTP करने की जरूरत नहीं है सिर्फ ये ये वाले क्वेश्चन देख के जाना बाकी सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं ये वाले जब क्वेश्चन देख के जाओगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो ये क्वेश्चन देख के जाना ये भी एनालिसिस करके दिया है भाई साहब सब कुछ दे चुका हूं और क्या दूसरा सर डू यू थिंक एम्बेडेड डेरिवेटिव पार्ट इज इस बार आने के ज़्यादा है मुझे चांसेस ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा पर पिछली बार से ज्यादा है मतलब ए, कुछ तो नया आ सकता है तो आने को आ सकता है भाई कुछ भी कह सकते हैं आ जाएगा शायद तो इतना सारा कंटेंट दिया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो गया थैंक यू बोलो बच्चों लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक करो बच्चों क्या लाइक करोगे बताओ बताओ कितने गंदे बच्चे हो ना लाइक हो लाइक तो करते नहीं हो मेरे लेक्चर्स को कैसे लोगो यार चलो गाइस थैंक्स अ लॉट आपका बहुत बहुत अच्छा साथ रहा और आई बिलीव कि मैंने आपको आज जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करवाया है उससे आपको बहुत अच्छा हेल्प हुआ होगा अप्रॉक्सीमेटली हमने तीन सवा तीन घंटे के अंदर अंदर पूरा लेक्चर कंप्लीट किया अगर कोई लेक्चर कोई व्यक्ति इस लेक्चर को स्पीड में देखेगा तो ये दो ढाई घंटे में भी खत्म हो सकता है आई बिलीव कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा और अगर हाँ तो प्लीज आप इस लेक्चर को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद बाकी बच्चों के साथ शेयर करने का टाइम मिले तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं और दुआओं में तो याद रखना ही रखना मैं पहले भी कहता आया हूं अभी भी कहूंगा तुम बस लगे रहो मैं अंत तक साथ दूंगा मैं कह रहा हूं मतलब कह रहा हूं लगे रहो बच्चों रुको मत मैं अंत तक साथ दूंगा मेजर टॉपिक्स लगभग खत्म होने वाले हैं कल करवा दूंगा। और उसके के जो टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे जिसका लिंक तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे जाओगे पूरा लिस्ट ये देखो मैंने पूरा लिस्ट मैंने के रखा है और जो भी नहीं होगा इसमें वो नीचे तुम्हें वो तो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा मैंने पूरा लिस्ट मैंने बना के रखा है इसमें प्रोफेशनल एथिकल ड्यूटी ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट भी आ गया इसमें आपका सारे चीजें आ गए केस सिनेरियो बेस एमसीक्यूज आरटीपीस एसटीपीस के भी मैंने आ गए सब कुछ मैंने इसमें डाल के रखा है गाइस बस जहां-जहां दिक्कत हो वो वीडियो देखना जहां दिक्कत नहीं हो टाइम वेस्ट मत करना मिशन संभव इज जस्ट आउटस्टैंडिंग थैंक थैंक यू यू अविरल सो मच और आई होप आपको ये मैराथन भी अच्छा लगा होगा ये सारे के सारे वीडियोस अब भी अभी के रिकॉर्डेड हैं पिछले डेढ़ दो महीनों से जो मैं इतने सारे रिविजन लेता आ रहा हूँ लेता आ रहा हूं लेता आ रहा हूं उसमें मैराथन भी अब कवर हो गया है वन वन में आपको कल करवा दूंगा थैंक यू सो मच गाइस अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लेक्चर को लाइक करने के बाद जाना और दुआओं में याद रखना तुम लगे रहो मैं तुम्हारा अंत तक साथ जरूर दूंगा थैंक यू लॉट गाइस बाय बाय टेक केयर दिस इज योर सी ए जय चावला टेक केयर